हो गया हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग इसको थोड़ा छोटा कर दो हेलो 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 यस एक वो वाला आता था, था ना ग्रे वाला जिसमें एनालिसिस भी आती थी सिक्योर का वो यूट्यूब का वो खुलता था क्या जिसमें साइड में उसमें भी साइड में चैट चलती है उसमें ग्राफ आता रहता है हाँ किसमें चलो भाई यस 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 नमस्ते 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 उसमें पता लग जाता है ना कितने बच्चे हैं ये है कहाँ है हाँ 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 बहुत सही बहुत सही नमस्ते नमस्ते गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून लेट ओपी बिल्कुल नहीं है एक्चुअली स्टूडियो अवेलेबल नहीं था क्लास पांच बजे की थी लेकिन यूट्यूब पे पांच बजे की लेकिन स्टूडियो जो बुक हुआ था वो छह बजे का हुआ था तो किसी प्रकार से पंद्रह मिनट पहले ही हम आ गए हैं जिससे हमारा भी समय और आपका भी समय बर्बाद ना हो गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग लव यू बेटा लव यू लव यू लव यू हम तैयार तो बेटा पहले से ही थे हा लेकिन बाद में पांच बजे एक्जेक्टली पता लगा कि रूम ही नहीं है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन उसके लिए सॉरी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारे के सारे इकट्ठा हो जाइए यस 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 नमस्ते नमस्ते लव यू बेटा लव यू लव यू लव यू तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंजिल सीरीज में जहां पर हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ वेव ऑप्टिक्स मेरे को नाम से ही पता लग रहा है कई बच्चों को वेव ऑप्टिक्स नाम सुनते ही डर लग जाता है कौन-कौन ऐसे हैं जिनको वेव ऑप्टिक्स सुनते ही डर लगने लगता है एक बार दिल बना दीजिए सारे के सारे बच्चे यस एक बच्चा कह रहा था कि सर मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन आगे का सोच के डर लग रहा है तो काहे सोच रहे हो <laughs> सिंपल सी बात है चिल्वारो भाई आगे का सोच के किसने अपना फ्यूचर ज्यादा चेंज कर लिया है आप आगे का सोच के ज्यादा से ज्यादा आज के समय मेहनत करके आप अपना प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं फ्यूचर को तो तब भी चेंज नहीं कर सकते जो होना होगा होगा लेकिन आपका जो एट प्रेजेंट आपके हाथ में है उसमें तो मेहनत डाली जाए बहुत सही यार कई सारे आ चुके हैं और कईयों के दिल आ रहे हैं कईयों को वेव ऑप्टिक्स से घबराहट होती है ठीक है तो आज भाई जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इसमें अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो आज के टॉपिक्स हैं इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी अगर आप देखें मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी से ही पूछे हुए क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन एंड डॉपलस इफेक्ट ऑफ लाइट इस इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पोलराइजेशन से अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं तो पहले आपको ये चीज रखनी है सेकंड नंबर पे यह रखनी है थर्ड नंबर पे आपको ये रखनी है और फोर्थ नंबर पर आपको एक्चुअली में ये ही रखना है क्लियर तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं यस yes? जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत कंसेंट्रेशन से लेक्चर को देखना पड़ेगा जिन लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है फॉर्मुला है क्लियर है क्या यश यश राइट राइट हाँ एक्सरेज आखिरी में हो जाएगा बेटा आपका जैसा प्लान चल रहा है देंगे एक्सरेज है जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं छूट रहे वो सारे होंगे भाई आपको इस चीज के बारे में सोच रहा ही नहीं है आप एट प्रेजेंट जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस पर फोकस करिए क्लियर यस 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 लव यू बेटा लव यू लव यू लव यू तो आज का लेक्चर अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर भाई सबसे पहले आप मेरे को यह बताइए कि आपको फिजिक्स पढ़नी है या अभी जेई के लिए पढ़ना है फिजिक्स पढ़ने में बहुत सारी चीजें हैं और जेई के पढ़ने के लिए रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है है ना हाँ या ना तो फिजिक्स पढ़नी है या जेई फोड़ना है जेई फोड़ना है अब एक्चुअली मैं अभी ये वाला सवाल आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आ, कुछ फैकल्टी से डिस्कस कर रहा था सारे लोगों का यही मानना था कि जब बच्चा प्रिपरेशन में जाता है और इवन हम लोग जब अपने प्रिपरेशन में जाते थे जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते थे हमें लगता था भैया इसमें महारत करनी है महारत हम लोग गलत सेंस में समझते थे हम लोग सोचते थे कि भाई इस टॉपिक के बारे में, में मेरे को सब पता होना चाहिए वो आपको कभी नहीं हो पाएगा पहला मिथ हो गया दूसरी बात जो आप भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते आप यह भूल जाते हैं कि आप एक्चुअली में एक कंपटीशन एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं जब आप एक बार कंपटीशन एग्जाम को फोड़ लेंगे तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते आप कैसे भी करके आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं भले वो केमिस्ट्री हो भले वो मैथ्स हो लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाना अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहली चीज आपको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देखो हर चीज की डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी मैं कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा लेकिन आप अपने कम से कम समय में भाई देखो दो साल में एक अच्छा बच्चा जो होता है जो एक अच्छी रैंक स्कोर करता है वो दो साल में अपने सिलेबस को सबसे पहले प्रायोरिटी देके उसको कवर करता है क्योंकि अगर आप देखें तो टॉपर एक्स अपने सिलेबस से ज्यादा भी जानता है लेकिन पहले वो सिलेबस को जानता है इसलिए उसने रैंक अच्छी फोड़ी होती है कई बच्चे होते हैं जो तो जानते बहुत कुछ है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे होते क्यों क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं समझ रहे होते कि एग्जाम में हमारे पास रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो आप सभी लोगों से मैं ये बात बोलूंगा कि जब आप पढ़ाई करें तो हमेशा रेलिवेंसी को मैटर मतलब रेलिवेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देख के पढ़ाई करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप घूमते घूमते खो जाएंगे आपको लगेगा आपने तो बहुत पढ़ लिया लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि आपको नॉलेज के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए आप नॉलेज के पीछे भी दौड़ें लेकिन साइड बाय साइड आपका एक कॉम्पिटिशन एम है नॉलेज गोल है ये एक एम है तो एम को भी आप मत भूलिएगा चलिए चला जाए अपने लेक्चर को शुरुआत करने में हा या ना यश तो ड्यूरेशन आपकी थ्री एंड हाफ आवर्स की हम लोग रखेंगे आज ठीक है मैक्स टू मैक्स थ्री एंड हाफ उससे हम लोग पहले अपना कवर कर सकते हैं ठीक है अब जरा यहां पर ध्यान से समझना वेटेज अगर आप बात करें तो एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ठीक है वेटेज में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेटली मिल ही सकता है ठीक है हाँ ओके चला जाए यस yes. तो छोटा सा चैप्टर है इसमें जो मेन पार्ट है वो यंग डबल स्लेट है कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो मैं सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा क्योंकि वेव्स को आप देख नहीं सकते मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो आप देख नहीं सकते तो एनालाइज करने में दिक्कत होती है प्लस यहां पर साइन कॉस और जुड़ जाता है तो वो आपको अलग से डर देता है तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एनालाइज करते हुए चलेंगे डेरिवेशन जहां पर रेलिवेंट होगी वहां पर करेंगे जहां पर नहीं होगी वहां पर नहीं करेंगे हमें मेन कंसेप्ट को देखना है ठीक है आइए बेटा हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज ठीक है न्यूटन्स की भी कॉर्पिस्कुलर थ्योरी थी वो काम की नहीं है हाइगेंस के लिए भी हमारे पास जो काम की चीज है उन्होंने क्या बोला सारे बच्चे सहमत है क्या जल्दी से तो हम जब करिए फिर लेक्चर शुरुआत करते हैं और इस ए को बंद करते हैं पहले भाई ए जरा वो करना पच्चीस या सत्ताइस हाँ क्लियर क्लियर यस 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 बहुत सही तो अभी हमारे पास कुल मिला के अट्ठाईस के आसपास बच्चे हैं जो मुझे जहां तक लग रहा है आखिरी तक ये 1200-1300 के आसपास बचेंगे क्यों क्योंकि वेव्स चैप्टर ही ऐसा है ये मार के भगा देगा इनको ठीक है हाँ लेकिन आपकी जिद्द होनी चाहिए कि आप आखिरी तक बने रहें और ये सारे टॉपिक्स आप कवर करें क्लियर आइए बेटा तो हाइगंस ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है मान लीजिए आपके लिए एक बल्ब है ठीक है जब भी आप बल्ब को ऑन करते हैं तो बेसिकली इसमें से एनर्जी जो निकलती है दैट सोर्स इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस जैसे मान लीजिए पानी है पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर की वजह से वेव बनती है तो जिस पॉइंट पर आपका पत्थर गिरा वहां पर बेसिकली डिस्टरबेंस क्रिएट हुई मैटर में और वहां पर से आपके डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट करना स्टार्ट करती हैं उसी प्रकार से जो लाइट की अगर हम लोग बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास और हमारे लिए जो भी सोर्स होता है ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ठीक है तो ये जैसी जलता है तो ये अपने

बहुत सही ड्यूरेशन में बता चुका हूं तीन से साढ़े तीन घंटा लगेगा अगर आपने अच्छी सी रिदम करी तो क्लियर? तो क्लियर? यस। जैसी बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो वो अपनी एनर्जी साइड वाले पार्टिकल्स को देता है तो अगर आपने उसको स्लो मोशन वीडियो देखा हो तो बॉम्ब एक्सप्लोड करके यहां तक डिस्टर्बेंस जाता है जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनके पास एक समय पर ही एनर्जी आई है तो यहां तक आया अगले मोमेंट में देखोगे तो एक्सप्लोजन बढ़ के यहां तक तो हो जाता है एक बाउल टाइप का आपका बनता है जो डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट हो रही है तो हर पार्टिकल पर डिस्टरबेंस जा रही है वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या मूव कर रहा है तो जो सेम फेज में होते हैं सेम फेज मतलब सेम तरीके से ऑसिलेट कर रहे होते हैं उनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक वेव फ्रंट मिलेगा फिर थोड़ी देर के बाद यहां तक एनर्जी जाएगी फिर वेव फ्रंट फिर वेव फ्रंट फिर वेव फ्रंट तो बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है तो आप जो देखते हैं वो सारे पार्टिकल एक साथ एनर्जी पाते हैं और एक साथ मोशन में आते हैं अगर मैं उन सबको कनेक्ट कर दूं तो हमें मिलता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से बॉम्ब में जिस प्रकार से बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है आप समझ सकते हैं लाइट के सोर्स में भी ऐसे ही है जैसे अगर आप इसको ऑन करते हैं ठीक है इसको समझने वाली बात है भाई ध्यान से सुनना जैसे आप इसको ऑन करते तो ये सारे पॉइंट्स पर एनर्जी जाती है और ये फिर से अपनी वेव्स बनाना स्टार्ट करते हैं ये आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं ठीक है ये फूल नहीं बना रहे रे फिर अगर आप इन सारे पार्टिकल्स की बात करो तो ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे तो आप अगर इनको कनेक्ट कर दें अगर आप इनको कनेक्ट कर दें तो इस पूरे प्लेन की अगर मैं बात करूं दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट क्या कहते हैं इसको वेव फ्रंट क्लियर जितने भी पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट होते हैं पार्टिकल ऑन वे फ्रंट ठीक है अगर हम लोग बात करें या पॉइंट्स ऑन वे फ्रंट की अगर मैं बात करूं पॉइंट्स ऑन वे फ्रंट हैज जीरो फेज डिफरेंस अभी हम लोग सारे वर्ड्स की बात करेंगे जीरो फेज डिफरेंस मैंने आप सभी लोगों को बताया है ठीक है फेज डिफरेंस के बारे में आप तो, लोगों ने शायद पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेंशन किया है जैसे मान लो कि आपका और आपके दोस्त में मित्रता बहुत अच्छी है आपका दोस्त कह रहा भैया हम कुएं में कूदेंगे तो आप कहो हम भी कुएं में कूदेंगे ये है फेज डिफरेंस जीरो दोनों एक साथ अपने एक्सट्रीम पर जा रहे हैं इमोशनल दोनों एक साथ भाई साहब चल भाई आज तो है। दिल दुखा तो वो फेज डिफरेंस जीरो है फेज डिफरेंस पाई का क्या है अपोजिट फेज डिफरेंस आपका दोस्त कह रहा भाई दिल टूट गया छोड़कर चली गई तुम्हारा कह रहा भाई चल नाचेंगे भाई तो वो ये दुखी में है ये खुशी में है ये है फेज डिफरेंट अपोजिट क्लियर तो जब पार्टिकल हमारे पास ऑसलेट कर रहे होते हैं। तो सेम तरीके से हाँ भावनाएं जब एक तरीके से जाए दोनों एक साथ खुश हो दोनों एक साथ गम में जाए उसको कहते हैं फेज डिफरेंस जीरो आपका असली मित्र वही है जिसके साथ आपका फेज डिफरेंस क्या है जीरो है और आपका दुश्मन वही है जिसके साथ फेज डिफरेंस आपका पाई या अपोजिट फेज के हैं जब आपको खुशी हो रही है तो उसको दुख हो रहा है और आपको दुख हो रहा है तो उसको खुशी हो रही है ये सारे के सारे पॉइंट भाई साहब जैसी बम फटा था एक साथ एक्साइट हुए तो ये सारे के सारे अच्छे दोस्त है हमने इनको भाई से इकट्ठा करा ये सारे के सारे झुंड को कह दिया वे फ्रंट क्लियर सी बात अरे बोलो यार क्लियर सी बात फिर भाई साहब ये जितने पार्टिकल्स थे ये जितने पॉइंट से यहां पर एनर्जी आई इन पॉइंट से एनर्जी और आगे ट्रांसमिट हुई इन्होंने अपनी वेव बनाई फिर जो भी पॉइंट्स जहां पर वेव सेम फेज में है अगर आप फिर से कनेक्ट कर दे ठीक है तो ये आपका फिर से एक वेव फ्रंट है तो एस जैसे जैसे आपका एनर्जी आगे प्रोपोगेट होता है तो ये बम के जैसे इनके वेव फ्रंट्स हमारे पास आगे बढ़ते हैं ठीक है तो हाइगंस ने यही बोला कि इस प्रकार से हमारे पास एक लाइट या बल्ब जिससे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है यहां से एनर्जी जब निकलती है तो ये आपका एनर्जी का फ्लो इज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट्स जो आपके लिए काम काम की चीजें हैं वो ध्यान से देखना ठीक है इन पॉइंट्स को हम लोग वेवलेट्स कहते हैं जहां पर एनर्जी आई और फिर वो दूसरा वेव बनाते हैं उनको हम वेवलेट्स कहते हैं एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो इज परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स क्लियर इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स क्लियर है क्या सारे बच्चे थम्सअप बनाइए हां सारे बच्चे थम्सअप बनाइए कई बार पूछा जाता है कि एक पॉइंट सोर्स का अगर मैं बात करूं पॉइंट सोर्स जैसे बल्ब ठीक है इसका वेवफ्रंट किस शेप का होगा पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट होगा स्फेरिकल ध्यान से देखिए एनालाइज करिए बल्ब 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 की जगह आप मान लीजिए बम अगर आपका एक पॉइंट सोर्स या पॉइंट बम है जब वो फटेगा तो ऐसे 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 डिस्टरबेंस आगे भेजेगा तो उसका जो वेवफ्रंट आएगा वो स्फेरिकल आएगा सारे बच्चे खुद सोचना अगर आपका एक लीनियर सोर्स है कौन सा लीनियर सोर्स है और अगर मैं इस लीनियर सोर्स के वे फ्रंट की बात करूं मान लीजिए ऐसा एक बम है लीनियर जब यह फटेगा तो यह हमारे पास हर डायरेक्शन से एनर्जी देगा तो आपका एक सिलेंड्रिकल फ्रंट आएगा वो और दूर तक जाएगा फिर हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है दैट इज स्फेरिकल और लीनियर सोर्स का होता है सिलेंड्रिकल हा याना हा यानाश yes. यस प्लेन वेव फ्रंट नहीं होगा ध्यान सुनना प्लेन नहीं अगर एक लीनियर सोर्स है जब इसमें से वेव निकलेगी डिस्टर्बेंस होगी तो टी टाइम में एनर्जी हर डायरेक्शन में इक्वल चली होगी इस टाइप से एक सिलेंडर टाइप का आपका वेव फ्रंट बनेगा हाँ या ना क्लियर क्लियर इसको समझना सारे बच्चे जरा इसको समझना मान लीजिए मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट आप कब लिखते प्लेन वेव फ्रंट ठीक है इसको कई बच्चे नहीं समझ पाते जरा ये चीज समझना अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है ठीक है इसका अगर आप वेव फ्रंट की बात करेंगे तो वेव फ्रंट ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर आपका ऐसे होगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो आपका रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट बढ़ेगा आपकी जो एनर्जी का फ्लो है बेटा जो आपकी एनर्जी का फ्लो है ज परपेंडिकुलर टू दीट बना लें इस सरफेस की बात करें तो यह सरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा क्लियर यह आपका एक वे फ्रंट है क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं ठीक है हमारे पास जब जैसी आप सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं सोर्स से अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं ठीक है तो लाइट आप क्या कहते हैं पैरल हो जाती है सोर्स से अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो लाइट पैरल हो जाती है इस केस में आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं दोज आर प्लेन शीट्स क्लियर 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 बोलो भाई क्लियर बेटा मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं जो लोग समय निकाल के इस लेक्चर को देखने आए हैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करिए समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा आप रिवाइज करें या पढ़ाई करें प्लीज आप इधर उधर की बातें मत करिए क्लियर क्लियर अगर आपकी पैरेलल रेस है पैरेलल रेस तो आप पैरेलल रेस कब बनाते थे बेटा जब आपका सोर्स इंफिनिटी पर हो सोर्स एट इंफिनिटी इस केस में अगर आपको कोई बोल दे कि भैया वेव फ्रंट कैसे होंगे क्योंकि लॉजिकली समझना जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे वेव फ्रंट बढ़ेगा और जैसे जैसे मेरा हाथ देखो यहां पे अभी कर्व है मैं दूर जा रहा हूं तो और फ्लैट हुआ 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 जब आप बहुत दूर चले जाते हैं तो ये वेव फ्रंट आपके कैसे हो जाते हैं फ्लैट हो जाते हैं तो अगर आपका सोर्स इंफिनिटी पे है या पैरल इंसिडेंट रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज पैरल है तो आपके वेव फ्रंट इस प्रकार से होते हैं क्लियर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियर यस यस आई वांट ऑल द सीरियस स्टूडेंट यहां पर ठीक है अब हाइगेंस प्रिंसिपल पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे के सीधे वेव फ्रंट पे बनते हैं और कोई ज्यादा चीज नहीं है ठीक है तो आइए रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर तो इसमें आपका वेव फ्रंट कैसे होगा जरा ध्यान से बचना ठीक है रिकॉल करना है अगर आपकी लाइट इस प्रकार से आई ठीक है इंसिडेंट रे है क्या है रे क्लियर तो आपके वेफ्रेंट्स किस प्रकार से होंगे ऐसे 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 जब ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई ठीक है ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई तो जो आपके रिफ्लेक्टेड वेफ्रेंट्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे बो, बोलना बेटा पॉइंट वन क्लियर क्या बोलो पॉइंट वन क्लियर क्लियर अगर आप यहां पर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं हमारे पास ये जो रेड रेड लाइन आ रही है ये बेसिकली वेव है एनर्जी आपकी इस टाइप से है तो ये आपके वेव वे लाइट एनर्जी का फ्लो आपका इधर है तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर 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 ऐसे आते हैं जब आप रेरर से डेंसर जाते हैं तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन का भी प्रूफ आता है वो लेकिन सीबीएसई के लिए हम लोग जेई की बात करें तो प्रूफ का क्या करना है है ना अगर आप देखें तो लाइट जब एक रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है तो जरा ये वेव फ्रंट अगर आप देखोगे तो ये वेव यहां वाले जो स्पीड है वो कम हो गई तो ये धीरे चल रहा है ये तेज चल रहा है इधर धीरे है ये तेज है इसलिए ये ऐसे बेंड हो जाता है क्लियर है क्या क्लियर है क्या यस हाथ हमारे पास अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें वे फ्रंट परपेंडिकुलर आ रहे हैं जैसे ही यहां पर लाइट धीरे जाती है तो यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो लाइट स्पीड स्लो हो जाती है यहां धीरे हो गया यहां तेज है तो ये बेंड हो गया है आपका क्लियर यस अगर मैं इसको थोड़ा सा लेके और इसको रेरर कर दू ठीक है अब जरा देखना यहां पर आई होप आप चीजों को समझ पाए वेरी गुड जो आपका फ्रंट आ रहा है ये डेंसर है ये रेरर है डेंसर से रेरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हो जाता है लॉजिकली समझना जैसी लाइट इस मीडियम में आ रही है तो यहां पर स्पीड बढ़ गई वो ऊपर वाला धीरे है ये तेज है तो इट्स लाइक जैसे आप गाड़ी आप गाड़ी गाड़ी मोड़ते मोड़ते हैं जब तो ये वाला चक्का आपका ज्यादा चलता है ये वाला चक्का धीरे चलता है तभी तो आप मुड़ पाते हैं तो यहां पर क्या हुआ ये वाला तेज हो गया ये वाला अभी धीरे ही है डेंसर मीडियम में तो इसलिए ये ऐसे बेंड हो जाता है क्लियर क्लियर बोलो भाई क्लियर हाँ या ना यस yes. तो स्पीड डिफरेंस की वजह से स्पीड डिफरेंस की वजह से हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये आपके वेफरेंट बेंड होते तो आपके रिफ्लेक्शन के भी केसेस आते हैं तो इसमें प्रूफ भी सिंपल है क्लियर यस यस बहुत सही रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर अब आपके कर्व्ड मिरर कौन कौन से हैं आपके कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है ठीक है तो अगर हम लोग यहां की बात करें बेटा सारे बच्चे प्लीज सीरियस बना के रखना तीन घंटे फुल कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो लाइट जब हमारे पास आ रही होती है तब तो नो डाउट इसी प्रकार से जैसे मान लो लाइट इंसिडेंट आई ऐसे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी फोकस से पास हो गई तो जब इंसिडेंट रेखा अगर कोई बोलेगा कि वे फ्रंट क्या है तो वो तो ऐसे और ऐसे होगा लेकिन जो आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप यहां पर देखें तो इसका परपेंडिकुलर बनाते ऐसे और ऐसे एक लाइन के लिए परपेंडिकुलर ये बनाते इन दोनों को अगर आप कट कर दें या मैच कर दें तो आपका वेब फ्रंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्लियर है क्या बोलिए भाई क्लियर है क्या क्लियर है क्या मैं आप सभी लोगों के फालतू जवाब फालतू चीजों के सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर इज इट इंपॉर्टेंट इज इट नॉट वो आपका आउटलुक है आप देखते रहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा बीच बीच में आप लोग जवाब देते रहना क्यों क्योंकि हाइगेंस प्रिंसिपल को कुछ बच्चे लिटरली ले लेते हैं हगेंस प्रिंसिपल बना देते हैं यहीं पर अपना काम स्टार्ट कर देंगे ठंड लगी होती है इनको क्लियर यस भाई देखो जो भी आपका वेव फ्रंट है वो एनर्जी के फ्लो के परपेंडिकुलर है यहां पर आपकी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर है तो भाई पहले परपेंडिकुलर बना लिया परपेंडिकुलर बना लिया इनको आप अगर सबके लिए कनेक्ट करोगे तो आपके वेव फ्रंट आ जाएंगे क्लियर यस yes. अगर मैं एक डाइवर्जिंग मिरर की बात करूं तो आपको भी पता है लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर डाइवर्ज कर जाएगी राइट right? तो इंसिडेंट रे की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे आपके वे फ्रंट आएंगे और इसका अगर परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे तो वे फ्रंट ऐसे वे फ्रंट ऐसे वे फ्रंट ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके वे फ्रंट कुछ इस प्रकार से होंगे क्लियर क्लियर बोलिए भाई क्लियर हम्म क्लियर हां क्लियर राइट यस यस वेरी गुड वेरी गुड ओके तो यहां पर मैं इन दोनों को हटा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो ये इंसिडेंट रेस के हैं हमारे पास या इनको थोड़ा सा दूर बना देते हैं इधर और इधर ये आपके इंसिडेंट रेस के वेब फ्रंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके वेब फ्रंट कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं क्लियर वेरी गुड अब जरा देखना रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस अगर आपके लिए रिफ्रैक्शन की बात है तो रेरर हो या डेंसर हो ठीक है यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू है अगर लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है ठीक है तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि रेरर से डेंसर जा रही है रेरर से डेंसर जा रही है तो आपको भी पता है ये वाली लाइट पहले देखो वेब की अगर आप बात करेंगे तो ये वेव फ्रंट आया ये वेव फ्रंट आया ये वेव फ्रंट आया, आया, आया ये आया ये वाला लाइट यहां से पहले एंटर करेगी और ये अगर आपके लिए रेरर है और ये आपके लिए डेंसर है ध्यान से देखना मेरे एंटरपेंटर तो लाइट स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये यहां पर कुछ चलेगा ठीक है हर पॉइंट पे डिस्टरबेंस आता है तब तक ये यहां आ जाएगा इसके बाद ये हमारे पास वेव फ्रंट्स आपके कुछ इस प्रकार से हमारे पास रहेंगे क्लियर क्लियर बोलिए भाई यस यस अरे भाई आपस में गाली गलौज मत करो किसी को हमें कुछ गाली वाली देनी है देते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू ओके नेक्स्ट अगर आप बात करें डेंसर से रेयर की बात करोगे तो अवे कर देना बस वे फ्रंट आपके इसी प्रकार से रहेंगे रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रिज्म में दो चीजें होती हैं एक होता है डिविएशन और दूसरा होता है हमारे पास डिस्पर्शन ठीक है आपको भी पता है कि अगर मैं व्हाइट लाइट को डालूंगा तो व्हाइट लाइट में डिस्पर्शन हो जाता है लाइट हमारे पास स्कैटर कर जाती है स्प्लिट कर जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर और डिविएशन भी हमारे पास होता है लाइट बेंड भी करती है तो अभी हम लोग सिर्फ मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं कि जिससे हमारे पास डिस्पर्शन वाला फैक्टर खत्म हो जाए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिविएशन वाले फैक्टर को ही देखें तो अगर आपके लिए एक प्रिज्म है ठीक है और हमारे लिए यहां से लाइट आपकी आई इस प्रकार से ठीक है और फिर आपकी इस प्रकार से निकल गई तो सिर्फ डेविएशन फैक्टर को अगर मैं कंसीडर करूं तो आपका वेव फ्रंट ऐसे 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 और निकलने के बाद ऐसे ऐसे और ऐसे रहेगा सारे बच्चे अप करिए आयुष दुबे क्या रॉन्ग हो गया बता दो तब से आप यही लिख रहे हो सारे बच्चे नॉर्मल इंसिडेंस की अगर आप बात करेंगे बेटा यहां पर ठीक है तो आपका नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा ऐसी लाइट आएगी और ऐसी चली जाएगी तो आपके वे फ्रंट ऐसे ही रहेंगे बेटा और क्या है कोई डिफरेंस ही नहीं है बस आपको जो भी रास्ता है जो भी आपका रास्ता है उससे परपेंडिकुलर आपको लाइंस खींचनी है दैट विल बी योर वे ये ऑप्शंस में आ सकते हैं क्लियर क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट हमारे पास ठीक है रिफ्रेक्शन थ्रू लेंसेज अब लेंसेज से भी आपसे पूछा जा सकता है वेफ फ्रंट कैसे होंगे तो मान लीजिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है ये एक रेयरर मीडियम में क्योंकि आपको भी पता है कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रेक्टिव मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मीडियम या सराउंडिंग तो मैं इसको अभी डेंसर कह रहा हूं इसको अभी मैं रेयरर कह रहा हूं तो आप सभी लोगों को याद आना चाहिए कि लाइट हमारे पास जैसी लेंस पे गिरेगी तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होगा है ना तो अगर आप फ्रंट बनाएंगे तो यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे इसके लिए अगर आप परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ऐसे 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 और ऐसे ये आपके वेफ रहेंगे क्लियर क्लियर यस yes. hmm. कोई बताओ डेंसर एंड रेयर क्या है वेरी गुड मत बताना बेटा ये वैसे ही बच्चा आपके लिए कंपटीशन में नहीं है और अगर ये कंपटीशन में नहीं है तो एनर्जी नहीं डालना है ठीक है अगर हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है ठीक है अगर हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है तो यू नो दैट कि डाइवर्जिंग लेंस के, के केस में अगर आप एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट हमारे पास डाइवर्ज कर जाती है ठीक है ये कब रहता है याद रखना कि जब आपका लेंस डेंसर मीडियम हो और ये आपका सराउंडिंग आपका रेयरर मीडियम का हो तभी ये इस प्रकार से बिहेव करता है अगर आपने मीडियम चेंज कर दिए डेंसर रेयरर अपोजिट कर दिए तो ये कन्वर्जिंग लेंस भी बिहेव करता है राइट लेंस मेकर फॉर्मूला में ये चीज आपने पढ़ी है तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इस बार अगर आप परपेंडिकुलर बनाते तो एक वे फ्रंट ये एक वे फ्रंट ये एक फ्रंट ये इस प्रकार से रहेगा किस किस के सारे क्लियर है किस किस के ये सारे क्लियर है बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं चैट पढ़ना बंद कर दूं तो वो भी हो सकता है एक मिनट लगेगा बंद कर दूंगा ठीक है मैं अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग टाइप से पढ़ा दूंगा क्लियर यस तो फालतू की जो डिस्कशन वाले पॉइंट है वो अब समय निकल चुका है मैं उन चीजों पर डिस्कस नहीं करना चाहता ठीक है यस yes. क्लियर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ध्यान से सुनना ठीक है यहां से सबसे बड़ा वेटेज वाला पार्ट आता है आपका विच इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ठीक है क्लियर इंटरफेरेंस का एक हमारे पास जो सबसे बड़ा एग्जांपल है दैट इज अवर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही वाई डी एस सी आपसे क्वेश्चन ज्यादा फॉर्म में पूछता है

भाई देखो जब आप फोन करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे आपका फोन आने वाला और आपके आसपास कहीं ना कहीं एक स्पीकर है ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं आसपास एक स्पीकर है तो जैसे ही आपका फोन आने वाला होता है कई बार स्पीकर में से चुच्चू चुच्चू चुच्चु चु 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 पहले ही आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है किस किस को यह बात फील हुई है सारे बच्चे थम जब करके बताए सारे बच्चे थम्सअप करके बताएं कि जब आपका फोन आता है तो कोई ना कोई रेडिएशन से सिग्नल आ रहा है और आपके जो स्पीकर है उसमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास कहीं ना कहीं वहां पर भी एक वेव जनरेट हो रहा है चार्ज ऑसिलेट कर रहा है यस तो बेसिकली हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आपके एक स्पीकर के पास आप फोन लेके खड़े हैं हमेशा ही आवाज करेगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है और जो आपके डिवाइस की फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जाती है और मैच होने की वजह से वहां पर पहले से ही एक इंटरफेरेंस होना लग जाता है इंटरफेरेंस नाम से ही आपको पता लग रहा है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना तो जो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उनको हम कहते हैं कोरेंट सोर्सेस ठीक है, है? यहां पे आई थिंक आएगा भी जो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं उनको हम कहते हैं कोहरेंट सोर्सेस और जब हमारे पास लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की होती है तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर करने लगती है ध्यान से सुनना जैसे मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूं फाइव थाउजेंड पे ठीक है और आसपास में एक और बंदा है जो 5500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है तब आप कैसे जब आप सुनेंगे तो आपको घिचड़ पिचड़ सी सुनाई देगी क्यों क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी आसपास है आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत होगी लेकिन मैं अगर धीरे बोल रहा हूं और एक बंदा हाई पिच पर बात कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी का अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे ठीक है तो वैसे ही समझना जब लाइट हमारे पास ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट एक में पाया कि जो हमारे पास लाइट मैं आपको दिखा देता हूं जैसे ये चीज समझना ठीक है इस टाइप से ओके सारे बच्चे ध्यान से देखना ओके okay. अगर मान लीजिए कि मैं मैं एक ही हम्म यहां पर हमारे पास टू स्लिट्स नहीं वन स्लिट और ग्राफ जरा ये चीज समझना अगर मैं एक लाइट जनरेटर है लाइट बना रहा हूं ठीक है और मैंने एक स्लिट से पास करा तो ऑब्वियस ही बात है यहां यस ठीक है या स्लिट को हटा सकते तो और भी बेटर होता एक मिनट रुकना जैसे देखना बेटा ठीक है जरा ये चीज देखना कि अगर मैंने यहां पर एक बल्ब को जनरेट किया तो आपको भी पता है कि लाइट यूनिफॉर्मली इस पूरी दीवार पर जाएगी है ना आप घर पे अपना बल्ब जलाते तो हर जगह इंटेंसिटी लाइट की आती है कहीं पर भी अंधेरा तो नहीं आता ऐसा तो नहीं है कि आपने यहां बल्ब जलाया यहां बल्ब जलाया तो हुआ क्या कि आपके आधे रूम में लाइट आ रही और आधे रूम में लाइट नहीं आ रही ये तो हर जगह ब्राइटनेस जाएगी हाँ या ना बोलो भाई हाँ या ना बोलो भाई यस यस ऐसा तो होता है लेकिन हम लोगों ने क्या पाया अगर दो सोर्सेज हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है ध्यान समझना जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनको अगर मैं बहुत क्लोजली पैक रख दू बहुत पास पास रख दू ठीक है तो हम लोगों ने यह चीज पाया कि जब दोनों सोर्स एक साथ चल हम लोगों ने जलाए तो कहीं पर रोशनी पहुंच रही है कहीं पर रोशनी नहीं पहुंच रही अब ये बहुत बड़ा डाउटफुल चीज हो गई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रूम में या एक ही जगह पर मैंने दो सोर्सेस जलाए एक सोर्स जलाने पर तो रोशनी प्रॉपर आ रही है लेकिन जैसी मैं दो सोर्सेज को जला रहा हूं तो कहीं रोशनी पहुंच रही है कहीं रोशनी नहीं पहुंच रही यह एक सवाल बन गया था लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यहां लाइट नहीं पहुंची यहां पर तो डार्कनेस हो गई तो ये तो आपके लिए भी बहुत बड़ा बवाल हो जाता कि अगर आपके घर में आपने दो लाइट जलाई और दो लाइट जलाने के बाद आधे रूम में लाइट आए और आधे रूम में लाइट ना आए तो आपको भी तो डाउट होगा ना यार ऐसा कैसे हो सकता है एक बल्ब जला रहा हूं पूरे रूम में रोशनी एक बल्ब जला रहा हूं पूरे रूम में रोशनी दोनों जला रहा हूं तो आधी ब्राइटनेस आधी डार्कनेस ये सवाल तो हम लोगों ने पाया कि जब लाइट हमारे पास कुछ कंडीशन है द इनिशियल फेज अभी हम लोग बात करते हैं द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ द टू वेव शुड बी इक्वल और कोहरेंट पहली बात दोनों सोर्सेज आपके कोहरेंट होने चाहिए कोहरेंट मीन सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ठीक है सेम फ्रिक्वेंसी दोनों सोर्सेज की होनी चाहिए तभी आपको यह इंटरफेरेंस दिखेगा अदरवाइज नहीं दिखेगा इफ नॉट द फेज डिफरेंस विल नॉट बी कांस्टेंट एंड हेंस इंटरफेरेंस विल नॉट बी सस्टेन्ड आपको इंटरफेरेंस ज्यादा थोड़ी देर के लिए दिखेगा फिर हट जाएगा फिर थोड़ी देर के लिए दिखेगा फिर, फिर, फिर हट जाएगा ऐसा होगा सस्टेन्ड वे में आप नहीं देख पाएंगे द सोर्से मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर या आपके सोर्सिस क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए इफ नॉट द इंटरफेरेंस पैटर्न विल वेरी क्लोज टू ईच अदर देन विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व आप अलग अलग से नहीं देख पाएंगे दूर जब होते हैं बल्ब तो क्या सर हमारे रूम में ऐसा नहीं होता होता है लेकिन आपका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये फ्रिंजेस कहीं डार्क कहीं ब्राइट ओवरलैप कर जाते तो आपको यूनिफॉर्म ब्राइटनेस दिख रही होती है आप इसको अलग अलग से नहीं देख पाते द इंटरफेयरिंग बींग शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ठीक है क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा तभी हमारे पास होगा और डिस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा क्लियर ये तो तभी होगा जब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आप आए मींस सेम स्टेट में हो ऐसा क्रस्ट हो और एक ऐसा क्रस्ट हो तो ये तो ओवरलैप ही नहीं करेंगे एक इधर है एक इधर है तो हमारे पास सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मीन उनका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन सेम होना चाहिए। अगर एक वेव ऐसे है, तो दूसरी वेव भी आपकी ऐसे ही होनी चाहिए सेम फ्रिक्वेंसी की, तभी आप इंटरफेरेंस को देख पाएंगे क्लियर अब द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव शुड बी आइदर जीरो और कॉन्स्टेंट देन ओनली इंटरफेरेंस विल बी सस्टेन इनिशियल फेज अभी हम लोग बात करेंगे ठीक है कईयों को शायद फेज और फेज डिफरेंस नहीं पता है उनको मैं सारी चीजें बताऊंगा जरा यह चीज समझना इनिशियल फेज मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हो या एक साथ नीचे जाए फेज फेज डिफरेंस डिफरेंस जीरो जीरो मैंने क्या बता क्या बताया था होता है जब दोनों साथ एक साथ पहुंचे दोनों एक साथ नीचे पहुंचे या फिर इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस है एक पहले स्टार्ट हो गया एक बाद में स्टार्ट हुआ लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए वो कांस्टेंट हमारे पास रहे तो दैट दैट केस भी हमारे पास इंटरफेरेंस देगा अगर फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है तो आपका इंटरफेरेंस सस्टेन नहीं होगा क्लियर क्लियर बोलिए भाई क्लियर तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जिससे हमारे पास इंटरफेरेंस होता है क्लियर यस अर्जुना वाले प्लीज आप चले जाओ पाप लगेगा आपको ये जो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं समय से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है तो जो आप यहां पर आके प्रचार कर रहे हैं लिटरली बता रहा हूं मेरा दिल दुखता है ऐसे बच्चों को देख के जिनका समय ऐसे चला जाता है और फिर बाद में वो फेलियर की तरफ जब जाते हैं तो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं मैं उन सीरियस बच्चों के लिए ही आज क्लास लेने आया हूं ठीक है मैं उन सीरियस बच्चों के लिए ही क्लास लेने आया हूं जो पढ़ना चाहते हैं जिनको नहीं पढ़ना है आप बेहिचक जा सकते हैं बेहिचक जा सकते हैं क्लियर यस yes? अब आइए हमारे पास दो सोर्सेज हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो ठीक है तब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हो फेज डिफरेंस हमारे पास कॉन्स्टेंट हो अभी मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा मान लीजिए कि हमारे पास इस सोर्स से एक वेव बनी है ठीक है इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है A1, तो इस, इसकी मैं अगर लिखना चाहूं तो वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा ध्यान से सुनना वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी और हमारे पास इस पॉइंट पर यह वेव इसकी आ रही है ठीक है और जरा यहां पर ध्यान से देखना इस सोर्स से एक और वेव हमारे पास बनी ये वेव भी हमारे पास इसी पॉइंट पर पहुंच रही है ठीक है इसी पॉइंट पर हमारे पास ये वेव भी कहीं ना कहीं पहुंच रही है ठीक है मैं ऐसे बना देता हूं ठीक है इसकी मैंने इक्वेशन ले ली वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी ध्यान से देखना बेटा ठीक है तो जहां पर आपकी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास वैलिड होता है यहां पर जो रिजल्टेंट वेव है जो रिजल्टेंट वेव है हमारे पास यहां बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एक होता है एम्पीट्यूड और साइन ओमेगा प्लस थीटा हम लोग यहां पर करते हैं यहां पर इन दोनों में एक फेज डिफरेंस ले लेते हैं ठीक है प्लस फाइ ठीक है फाइ इज द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन वाई वन एंड वाई टू ध्यान से देखना बेटा वाई वन एंड वाई टू इन दोनों के बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस फाइव जब ये दोनों यहां पे सुपर इंपोज होती हैं तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है ठीक है आप में से कितने बच्चों ने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के बारे में सुना है पहले यह बता दीजिए आप लोगों ने क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी कई सारे बच्चे बकवास कर रहे हैं ठीक है आप में से कितने सारों ने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुना है क्लियर अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं ध्यान से सुनना ठीक है भाई देखो जिन्होंने नहीं सुना पहले एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पहली बात वेव के बारे में बात कर लेते हैं कईयों को लेवेंथ क्लास का वेव का बेसिक नहीं होगा दो मिनट लगेगा जरा ये चीज सारे बच्चे एक बार तय उस पर आ जाना अगर आप किसी भी वेव की बात करते हो कितना ऊपर तक जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड दिस इज योर टाइम टोटल टाइम ऑफ वेव टाइम के टर्म्स में बात करो और वेवलेंथ लेंथ लेंथ के टर्म्स में बात करोगे तो लैमडा लिखोगे यहां पर क्लियर अब जरा देखना अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए साइन ऑफ ओमेगा पहली बात जरा देखना अगर मैं आपको इसी इक्वेशन के लिए बोलता कि आप इस ग्राफ को बनाइए ओमेगा बनाइएगा बहुत सिंपल सा प्लस पाई बाय फोर जब मैं ई एम वेव पढ़ा रहा था तो मैंने वो चीज यहां पर मेंशन करी थी लेकिन कई बच्चे शायद ई एम वेव नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखना जब आप टी की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये साइन पाई बाय फोर से स्टार्ट होगा ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको मिलेगा मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहां शिफ्ट हो गया है राइट right? इसी वेव के लिए जब आपने प्लस पाई बाय फोर करा तो आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट को कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट कर दिया है तो मैंने आपको यह बात बताई होगी जब मैं यहां प्लस ले रहा हूं तो यह नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड वेव होती है क्लियर बहुत सही और अगर मैं इसी की इक्वेशन की बात करूं ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय फोर की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा ठीक है तो अगर आप इस ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे टी की वैल्यू जीरो पर ए साइन माइनस पाई बाय फोर से स्टार्ट होगा कुछ इस प्रकार से मींस आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर शिफ्ट कर गया है इसके कंपेरिजन में ठीक है तो जब हमारे पास ये वेव यहां से यहां शिफ्ट करी है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हमारे पास शिफ्ट करी है तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर ये नेगेटिव आ गया क्लियर 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 यस यस वेरी गुड वेरी गुड तो ये जो है इसके कंपे इस इक्वेशन के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच में हम बोलते हैं एक फेज डिफरेंस है क्या है फेज डिफरेंस क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी है इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर है तो फेज डिफरेंस इज पाई बाय फोर ध्यान से देखना ठीक है इन दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूं इन दोनों की इन दोनों में भी हमारे पास फेज डिफरेंस का हमारे पास अगर कोई पूछे तो फेज डिफरेंस इज पाई बाय फोर तो सर दोनों में सेम ही है क्या एक लीडिंग का कंसेप्ट आ जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट में पड़ा होगा एक लैगिंग का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है जब आप प्लस की बात करते हैं तो ये पहले हमारे पास अगर आप देखें इसी ग्राफ को अगर आप यहां बनाते तो कुछ ऐसा बनाते तो ये अपने पीक पर पहले आ रहा है ये अपने किसी टाइम पर ये अपने पीक पर आ रहा है किसी टाइम पर ये अपने पीक पर आ रहा है तो ये पहले अपने पीक पर आ रहा है तो यहां पर लीडिंग एंड लैगिंग का कंसेप्ट भी आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में देखा होगा यहां आप वर्ड यूज करते हैं लीडिंग और यहां आप वर्ड यूज करते हैं लैगिंग क्लियर है क्या क्लियर है क्या सारे बच्चे सारे बच्चे क्लियर है क्या यस yes. तो जब आपका प्लस होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है माइनस होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और प्लीज उसके बाद आप उसके कंपैरिजन में लीडिंग या लैगिंग का एक टर्म भी यूज करते हैं वेरी गुड वेरी गुड अब जरा यह देखना मतलब अगर मैं आपको अगर मैं आपको एक वेव कह रहा हूं विच इज ए साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव कह रहा हूं ए ए वन और ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये वेव शिफ्टेड होगी कहीं ना कहीं हा या ना सारे बच्चे ये शिफ्टेड होगी हा या ना सारे बच्चे पहले बताइए कि अगर मैं आपसे ये इक्वेशन बोल रहा हूं तो ये वेव कहीं ना कहीं शिफ्टेड होगी यस 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 सर कितना शिफ्ट होगी वो फाइव होगा अब फाइव हमें नहीं पता भी लेकिन होगा राइट right? ये तो बात समझ आई जरा ये चीज समझना कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं बात करूंगा ठीक है इसी को मैं यहां लिख देता हूं अभी y इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा प्लस फाइव ठीक है सारे बच्चे मेरे को बताना क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव तो आपने बहुत ज्यादा सुन लिया केमिस्ट्री में भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी आपने पढ़ लिया अगर मैं दूसरी वेव को शिफ्ट करते करते जैसे अभी यहां पर था मैं शिफ्ट करते करते यहां पर ले आऊ ठीक है मैं शिफ्ट करते करते कुछ इस प्रकार से ले आऊं तो ये तो कॉन्टिन्यूस वेव है क्या आपको समझ आ रहा है कि क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाएगा ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका होगा सारे बच्चे हा या ना ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास हो चुका होगा क्लियर क्लियर यस अगर मैं इसी वेव को और शिफ्ट करता कितना मैं इस वेव को शिफ्ट करते करते यहां कहीं ले आया होता तो आपको भी पता है कि एक पूरी की पूरी वेव यहां पर आपकी आ गई होती तो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ट्रफ के ऊपर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाता फिर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है ठीक है फिर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है क्लियर सारे बच्चे यस yes? अभी हम लोग पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस की भी बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाता है क्लियर मैं आपको पहले ये चीज दिखाता हूं ठीक है हमारे पास हम्म ठीक है अभी आप पहले बिल्कुल आराम से चलना बेटा मैं बिल्कुल पेशेंटली पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका आप लेवेंथ वाला पार्ट भी इसी के साथ आप कवर कर पाएंगे ठीक है होए होए मैंने इस अच्छा नहीं इसको चेंज करा ना हाँ ठीक है एक मिनट रुकना क्लियर अरे यार नेट नहीं आ रहा क्या अरे भाई आ जाओ यार बच्चे पढ़ने के मूड में हम पढ़ाने के मूड में है हम्म आ रहा है आ रहा है हाँ आ गया ठीक है हम्म ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं अगर कुछ बच्चों को चाहिए कहां से होती है या आपको अभी तो इतना तो दिखाई दे रहा होगा हम्म इतना तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा है ना हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है भाई देखो दोनों के अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड थ्री और थ्री रखा है ठीक है और हमारे पास पल्स वर्थ भी ठीक है हमारे पास मैक्सिमम है जब मैं इनको रन करूंगा ठीक है स्लो मोशन का एक केस आता है या टाइम को पकड़ लेते हैं हाँ जरा यह देखना ये दोनों वेव जब हमारे पास सुपर इंपोज होंगी तो ब्लू वाली एक ही है क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर जैसी आएगी तो आपकी रिजल्टेंट वेव जरा यहां पर देखना अगर आप देखें तो ये रिजल्टेंट वेव आपकी ज्यादा हो गई जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाता है क्लियर है क्या हाँ या ना अगर आप देखें तो दोनों वेव्स के क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है अगर इसका एम्पलीट्यूड ब्लू वाले का देखें तो वन टू थ्री थ्री ब्लॉक्स का है रेड का भी थ्री ब्लॉक्स का था तो थ्री और थ्री दोनों का समेशन जुड़ के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू का हो जाता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ गया क्लियर यस यस हाथ अगर मैं एक का एम्पलीट्यूड नीचे कर दूं जरा ये समझना मैंने क्या करा है जरा ये समझना हमारे पास ए वन प्लस ए टू अभी हमारे रिजल्ट में भी, भी आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब है जब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर होता है ट्रफ ट्रफ के ऊपर होता है अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव कर दूं तो रिजल्टेंट वेव आपकी ये बन जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है जब एक का क्रस्ट हो दूसरे का ट्रफ हो इस प्रकार से सुपर इंपोजिशन हो कि हमारे पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाए दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर क्लियर एक मिनट रुकना ब्राइटनेस यहीं से कम करते हैं ठीक है ये लो भाई यस यस मैं इसको अगर रन कर दू ठीक है तो जरा ये देखना ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा एनिमेशन की स्पीड कम कर देते हैं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जैसी डिस्ट्रक्टिव इंटरक्रेस ट्रफ के ऊपर आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा और फिर इस प्रकार से वेव एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे दिल बनाइए अगर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टर्म समझ आ गया सारे बच्चे दिल बनाइए अगर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वर्ड को समझ पाए तो क्लियर क्लियर वेरी गुड ठीक है वेरी गुड अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस इन फेज पहली तो मैंने बताया जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर होगा ट्रफ ट्रफ के ऊपर या तो कंस्ट्रक्टिव है जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है ट्रफ क्रस्ट के ऊपर है तब आप बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव है सर अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वर्ड यूज नहीं करते इंटरफेरेंस वर्ड जरूर यूज कर सकते हैं क्लियर क्लियर वेरी गुड अब बात आती है पाथ डिफरेंस डिफरेंस एंड फेज इसको जरा समझिए ठीक है पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आपको भी यह बात पता है ध्यान से देखना ठीक है आपको भी कही कहीं ना कहीं यह बात पता है कि अगर मैं इन दोनों वेव्स की बात करूं जैसे मान लो एक वेव ये है और एक दूसरी वेव आपकी कुछ इस प्रकार से थोड़ी सी शिफ्टेड वेव है ठीक है तो आप इन दोनों के अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो ये यहां है ये यहां है क्या आपको ये चीज समझ आ रही है दोनों के बीच में कुछ रास्ते का डिफरेंस है हां या ना सारे बच्चे दोनों के बीच में कुछ रास्ते का डिफरेंस है हां या ना सारे बच्चे अरे यार तुम्हारी तो इंक्रीज ब्राइटनेस मैं ऐसे रोंदड़ू बच्चों से परेशान हो जाता हूं हाँ या ना जो इनके रास्ते का डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस यार आपका दोस्त ध्यान से समझना जो आपको आंखों से दिखाई दे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दी पाथ डिफरेंस क्लियर अगर आपका एक पाथ डिफरेंस है तो सी बात है इसकी इक्वेशन अगर आप वाईक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं तो आप इसकी इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव लिखते थे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड है माइनस फाइव लिखेंगे तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की, की वजह से ही तो हमारे पास फेज डिफरेंस आया जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये दोनों में जब शिफ्ट हो रहा था तो पाथ डिफरेंस आया पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया तो एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस पाथ एंड फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है जरा यह समझना डेल्टा फाइव या फेज डिफरेंस अभी मैं ऐसे लिख देता हूं इज इक्वल टू पाई बाय इनटू पाथ डिफरेंस सारे बच्चे ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है जहां रेलिवेंट होगा वहां पे डेप्थ में जाकर समझेंगे, समझेंगे आपके पास अगर पाथ डिफरेंस है कि वो कितना शिफ्ट हुआ है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कितना बनेगा आप वो लिख सकते हैं इस रिलेशन से क्लियर है क्या क्लियर है क्या बोलिए भाई क्लियर है क्या यस yes, यस yes. सारे बच्चे सारे बच्चे यस yes. तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जरा देखते हैं ठीक है अब जरा हम लोग देखते हैं एक वेव मेरे पास इस प्रकार से थी अब आप अगर छोटी छोटी चीजों को समझ पा रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में बता पाएंगे ठीक है कुछ इस प्रकार से आपकी वेव थी अब मैं एक दूसरी वेव के बारे में बात कर रहा हूं क्या आपको यह बात पता है कि इस वेव से अगर मैं इतना शिफ्टिंग कर दूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया होगा और ये वाला पाथ डिफरेंस कितने कितने आ रहे हैं सारे बच्चे मेरे को बताना कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कईयों को ये याद ही नहीं रहता है कि सर लैमडा टू लैमडा थ्रीडा किसका था सर पाई किसका था इसको आप एक बार सोचेंगे तो अपने आप समझ आएगा मैंने इस वेव का स्टार्टिंग पॉइंट लैमडा बाई टू से शिफ्ट किया तो आपका क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ गया ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया बहुत सही और अगर मैं इसी वेव को एक और बार शिफ्ट कर दू मेरे एंटरपेंटर ठीक है कितना शिफ्ट कर दू यहां तक अगर मैं शिफ्ट कर देता तो आपको भी पता है यहां पर एक पूरी की पूरी वेव आती क्रस्ट क्रश के ऊपर ट्रफ ट्रफ के ऊपर तो अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैमडा का तो जरा ये समझना जब आपके पाथ डिफरेंस जिन्होंने दिमाग लगा लिया उनको याद हो जाएगा अगर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर है ट्रफ ट्रफ के ऊपर है ऑब्वियस बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा और अगर आपका पाथ डिफरेंस जीरो के बाद अगर लैमडा का है फिर से क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगा फिर पाथ डिफरेंस टू लैमडा का हो थ्री लैमडा का हो या फिर एन लैमडा का हो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा क्लियर क्लियर और डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पाथ डिफरेंस लैमडा बाई टू थ्री लैमडा बाई टू इसके बाद आप एक और पूरी वेव शिफ्ट कर दो एक और पूरी वेव शिफ्ट कर दो फिर से क्रस्ट रफ के ऊपर आएगा इस प्रकार से थ्री लैमडा बाई टू फाइव लैमडा बाई टू ऐसे टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू कई ने प्लस वाला याद करा है मैं बोलता हूं माइनस याद करिए क्लियर क्लियर बहुत सही टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू अगर आपका जनरल टर्म कंस्ट्रक्टिव के लिए जनरल टर्म डिस्ट्रक्टिव के लिए आ गया यहां पे n की वैल्यू आपकी कहां से रहती है जीरो वन टू ऐसे और n की वैल्यू आपकी यहां रहती है वन टू थ्री एंड सो क्योंकि जब आप वन डालेंगे तब आपका लैमडा बाई टू पहला डिस्ट्रक्टिव आएगा क्लियर क्लियर अब फेज डिफरेंस की बात करें जब आपको जनरल पता है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस आपका क्या होगा टू पाई बाय लैमडा इन एन लैमडा आप कर सकते हैं लैमडा लैमडा गया तब होता है टू एन पाई फेज डिफरेंस और इसका अगर आप फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो टू पाई बाय लैमडा इंटू टू एन माइनस वन लैमडा बाय टू अगर आप कर दें तो ये आ जाएगा आपका टू एन माइनस वन पाई क्लियर सारे बच्चे दिल बनाइए सारे बच्चे दिल बनाइए अगर आप ये चीज समझ पाए कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना उनके फेस डिफरेंसिस क्या क्या होने चाहिए अगर आपको क्लियर है तब आप आगे चीजों को समझ पाएंगे वेरी गुड अब आते हैं इस पे जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो यहां पर एक रिजल्टेंट आपकी एक वेव बनेगी रिजल्टेंट वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड होगा और प्लस थीटा मीन्स इस वाली वेव से एक कुछ शिफ्टेड होगा ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है जरा ध्यान समझना रिजल्टेंट आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव ये होता है और जो आपका यहां पर ये एंगल शिफ्टेड है ठीक है ट इज हमारे पास ए टू साइन फाइव अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स ऑफ ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव ये होता है ध्यान सुनना क्लियर डेरिवेशन में नहीं जा रहे जब हमारे पास दो वेव कोहरेंट अगर हमारे पास इंटरफेयर करती है तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है उसका एम्पलीट्यूड आपका ये होता है ये आपने कहीं ना कहीं वेक्टर्स में देखा है और ये जो शिफ्टिंग है एज कंपेर टू दिस वेव दैट इज इनवर्स ऑफ ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस एडिशन वेरी गुड अगर आप इसको ध्यान से देखें अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं तो आपके लिए वेक्टर एडिशन है एनालिसिस क्या हुई अगर आपकी दो वेव्स कभी भी सुपर इंपोज कर रही हैं तो आप इनके एम्पलीट्यूड्स को इनके एम्पलीट्यूड्स को आप अपना वेक्टर ले लें और इनके बीच के एंगल को उनके बीच का एंगल ले लें अगर आपने ए वन को एक वेक्टर ले लिया होता ए टू को एक वेक्टर ले लिया होता और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब आप वेक्टर लगा के निकालते तो वही मिलता अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्सू ए और इस रिजल्टेंट का जो आपका एंगल आता यहां पर आप अल्फा ले लेते हैं या फाइव आपने ये वाला एंगल ले लो ठीक है और ये वाला अगर आपका एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव ये सिमिलरली आप वेक्टर्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्लियर क्लियर बोलिए भाई क्लियर जरा ये चीज देखना ठीक है जरा ये चीज देखना ठीक है अब जिन्होंने जो थोड़े से सीरियस हैं उनको भाई देखो पहली बार पढ़ रहे हो और वो भी वन शॉट से पढ़ रहे हो तो दिक्कत तो आनी लाजमी है आपको लग रहा है कोई भगवान उतर आप उतर के समझा देगा ऐसा नहीं हो सकता ठीक है अगर आप पहले पढ़ हां सर के ऊपर से जा गया ना बिल्कुल जाएगा भी ठीक है बिल्कुल जाएगा भी क्योंकि आपकी सोच बहुत नीचे हर चीज ऊपर से ही जाएगी ये सोच ऊपर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है दो साल ठीक है अब आ जाओ जरा इस चीज को देखना अब यहां से आपको समझ आएगा ठीक है ये दो सोर्सेज है ठीक है ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है हाँ ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ये दो हमारे पास सोर्सेज हैं दोनों में से वेव निकलेंगी ये इस प्रकार से हमारे पास वेव निकल रही है ठीक है अभी अगर आप देखें ये एक सर्कल पे ये सर्कल में से पास कर रहे हैं तो दोनों के रास्ते ये बराबर हैं अभी देखना हमारे पास क्या होगा ये दोनों वेव जाएंगी 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 और ये यहां पर दोनों मिलने के बाद जरा देखो दोनों वेव्स मिलने के बाद रिजल्टेंट वेव का एम्पीट्यूड आपका बढ़ गया है ब्लू वाली वेव वे जो वेव है उसका क्रस्ट और रेड वाली वेव का क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है जरा ध्यान से देखना जैसी ये पहुंचेगी तो ब्लू का भी क्रस्ट और रेड का भी क्रस्ट एक दूसरे से ओवरलैप करेगा और जैसी ओवरलैप करेगा तो वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने लगेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा और जैसी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है आपको वहां पर ब्राइट फ्रिंज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी क्लियर 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 यस तो यहां पर जहां पर आप ब्राइट फ्रिंज देखते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जहां ब्राइट फ्रिंज देख रहे हैं तो दोनों की तरफ से वेव आ रही है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसीलिए एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इंटेंसिटी बढ़ जाती है इसका जवाब ये था जब आप इन दोनों वेव से हट के किसी पॉइंट पर जाते हैं जरा यहां पर समझना जब आप हट के यहां पर किसी पॉइंट पर जाते हैं जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ठीक है जैसे आप इधर से साइड बढ़ोगे तो देखोगे यहां पर पाथ डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया और पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास आना स्टार्ट हो गया पाथ डिफरेंस बढ़ते 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 लैमडा बाई टू जैसे ही होगा यहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ठीक है ये अगर आप देखें मैं इसको जूम कर रहा हूं सारे बच्चे आप समझ पाए ठीक है सारे बच्चे जरा यहां पर देखना इन दोनों के बीच में जो ये ब्लू शेडेड है दैट इज द पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आया आधी ये वन फोर्थ ऑफ वेव 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 नीचे है है ऑफ ऊपर इस वेव और इस और में पाथ डिफरेंस लैमडा बाय टू का है लैमडा बाय टू की वजह से यहां पर एक क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है तो डिस्ट्रक्टिव हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो गया वहां पर आपको डार्क फ्रिंज दिखाई दी क्लियर है क्या बेटा पहले समझ लो क्लियर क्लियर यस यस राइट राइट इसीलिए जब आप दो बल्ब को चला रहे हो कहीं ब्राइटनेस क्यों दिख रही है क्योंकि वहां पर दोनों के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए डार्कनेस कहां दिखाई दे रही है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पर डार्कनेस दिखाई दी वहां इंटेंसिटी कम हो गई अगर आप इससे जरा ऐसे पॉइंट पर आ जाए जैसे मान लो मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पर फिर से आ रहा हूं जहां पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई जरिए समझो अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिर से इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा और वो पाथ डिफरेंस ऐसे करके आएगा फिर आपका कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपको इस प्रकार से मिलता है जिसका इंपैक्ट आपको यहां पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे मिल रहा होता है क्लियर 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 यस यस राइट right? तो यहां पर अब समझना उन्होंने क्या कहा कि जब भी हमारे पास दो वेव जाती हैं तो यहां पर सुपर इंपोज होती है एक रिजल्टेंट वेव बनती है वो किस किस पर डिपेंड करेगी इनके एम्प्टीट्यूड पर और इनके बीच के फेज डिफरेंस पर फेज डिफरेंस अगर है तो आप इनको यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना सकते हैं क्लियर सर वेवलेंथ इज डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट हुई सेम मीडियम है फ्रीक्वेंसी डिफ़रेंट हुई, नहीं होंगे, आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा सिंपल सी बात इसीलिए कंडीशन ही वही है क्लियर अब जरा ये देखना कहानी अब यहां पर से स्टार्ट होगी और फिर आखिरी में आप रिलेट कर पाएंगे जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दो वेव्स का ठीक है दैट इज ए वन का स्क्वायर अब आपको ये लिखना है ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइ ठीक है अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ध्यान से देखना कंस्ट्रक्टिव अगर आपके लिए इंटरफेरेंस है तो आपका पाथ डिफरेंस क्या क्या होता था जीरो लैमडा टू लैमडा एन लैमडा फेज डिफरेंस आपका क्या होता था अगर आप देखें तो टू एन पाई राइट अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करूं आप एन की वैल्यू जीरो से होता था ना जीरो करके अगर आपने जीरो डाल दिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या आएगा एवं ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस जीरो मैंने यही बात बोला था जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है क्लियर क्लियर और जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला था पाथ डिफरेंस याद करना कि या तो शिफ्ट कर रहे हो लैमडा बाई टू का थ्री लैमडा बाई टू का फाइव लैमडा बाई टू का या फिर टू एन माइनस वन लेमडा बाय टू का क्लियर क्लियर तो यहां पे फेज डिफरेंस आता था 2n एन माइनस वन पाई अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 a1 वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई जैसे आपने n की वैल्यू वन डाली n की वैल्यू जैसी वन डालोगे पाई आ जाएगा कॉस पाई इज माइनस वन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 माइनस ए टू डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है क्लियर 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 तो यहां पर यही रीजन था कि आपका एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव में बढ़ रहा था डिस्ट्रक्टिव में घट रहा था और इसी का अगर मैं इंटेंसिटी की बात करें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर ऐसे इक्वल टू के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी इसी का अगर मैं के से स्क्वायरिंग करके के से मल्टीप्लाई कर दू रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका आता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिलेशन आता है और ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन आता है सारे बच्चे दिल बनाए जिन जिनको ये याद था कांस्टेंट होता है बेटा चंदन बेटा ये के आपका टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो स्क्वायर ऐसे करके एक फॉर्मुला आता है क्लास में ठीक है रो रोवीएस यहां पर ये कांस्टेंट होता है जो मीडियम पर डिपेंड करता है डेंसिटी पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बस आपको याद रखना है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर वेरी गुड बहुत सारे बच्चे सीरियस है वेरी गुड अगर आप कंस्ट्रक्टिव में ही बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप कॉस जीरो रख दीजिए कॉस जीरो इज वन तो आप याद करिए ये होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर क्लियर क्लियर यस मैंने आपको फिर से वही बोला रेलिवेंट पढ़ो जेई के लिए ठीक है रिसर्च नहीं करनी अभी यह आया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप आई मैक्स बाय आई मिन या आई मिन बाय आई मैक्स का रेशियो की अगर आप बात करें ठीक है तो ये ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर ऐसे होता है क्योंकि के हमारे पास कट जाएगा और इसी को इंटेंसिटी के टर्म में रखें रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर ऐसे होता है क्लियर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का हमारे पास रेशियो इस प्रकार से होता है क्लियर क्लियर बेटा जब वही बात क्यों फालतू की बात कर रहे हो क्वेश्चन कैसा होता है ये कैसा? जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो करवाऊंगा मेरे को इरिटेट मत करो अभी ठीक है तो ये हमारे पास रेशियो है जरा ये समझना जो आपको याद रखने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्न ए टू कॉस फाइव ये है ठीक है रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास अं, हमारे पास होती है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव इस प्रकार से ठीक है फेज डिफरेंस है फेज डिफरेंस इज टू पाई बाय लैमडा इनटू पाथ डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं ठीक है मैक्सिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का बताई दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आप देखें इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी आएगी फोर आई नॉट कितनी आएगी आपकी फोर आई नॉट और मिनिमम इंटेंसिटी अगर आप यहां पर डाल दें मिनिमम इंटेंसिटी विल बी जीरो ध्यान से सुनना अब ये कहानी क्या है इंटरफेरेंस से ये बात आई कि जब दोनों की इंटेंसिटी सेम थी तो जहां मैक्सिमम हो रही है ठीक है जहां आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है ब्राइटनेस आ रही है वहां इंटेंसिटी आई नॉट और आई नॉट का होने के बाद फोर आई नॉट हो जाएगी और जहां आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी क्लियर तो ब्राइट फ्रिंज आपकी फोर आई नॉट की बनेगी और डार्क फ्रिंज आपकी जीरो इंटेंसिटी की बनेगी क्लियर है क्या क्लियर है क्या क्लियर है क्या यस यस ओके अब जरा यहां पर ध्यान से देखना ठीक है ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा बहुत इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास दोनों का I1 वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी क्या होगी ठीक है तो आपको अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो I1 वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू करते है ना अगर आप इसमें यह फॉर्मूला डाल दें तो यह होगा I नॉट प्लस I नॉट प्लस टू I नॉट इन टू कॉस फाइव और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर आप बात करें तो टू I नॉट इंटू वन प्लस कॉस फाइव हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू इस प्रकार से आपको मिलेगा क्लियर है क्या जब दोनों इंटेंसिटी आपकी सेम होती है जितने भी बच्चे सीरियस हैं सारे बच्चे मेरे को बता दो क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूसली कुछ कुछ कर रहे हैं वो इरिटेट कर रहे हैं ठीक है सारे बच्चे मेरे को ये बता दो सर डेल्टा एक्स क्या है बेटा वो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स अगर हमारे पास, पास पाथ डिफरेंस है वो शिफ्टेड है तो हमारे पास उनके डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा फाइव वो यहां है और फिर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करेंगे क्लियर क्लियर बहुत सही ओके okay? अब ये सारी कहानी जुड़ेगी यहां पर ठीक है अब ये सारी कहानी जुड़ेगी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो इंटरफेरेंस का आपका एक एग्जाम्पल है विच इज कॉल्ड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है आई थिंक आपको यहां पर इस टाइप से दिख जाएगा जो अभी मैं आपको सिमुलेशन में दिखा रहा था कि एक मान लीजिए सोर्स है ठीक है तो आपका कहीं क्रस्ट होगा कहीं ट्रफ होगा तो ये वेफ बना रखे हैं आपके देखो ये वाला आपका एक वेफ्रंट जहां डार्क है तो ये आपका आ, ट्रफ है जहां ब्राइट है दैट इज योर क्रस्ट तो ये वेफ्रंट्स आपके इस प्रकार से आए यहां पर आप दो स्लिट्स रखते हैं एक स्लिट है आपकी एसवन ये बनाना नहीं है अभी मैं जो बनाऊंगा वो बनाना है दोनों ही स्लिट्स इल्यूमिनेट होती हैं दोनों में से अपनी वेव्स निकलती हैं और ये वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं और जैसी ये इंटरफेयर करती हैं तो कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टिव होता है तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है ठीक है और कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होता है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलता है फ्रिंज बेसिकली आपके लिए एक स्पॉट है जहां पर आप ब्राइटनेस को मेजर करते हैं जहां पर से ब्राइटनेस आपको दिख रही है उसको आप कहेंगे ब्राइट फ्रिंज और जहां पर आपका अंधेरा आ गया दैट इज योर डार्क फ्रिंज तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग वाज़ द साइंटिस्ट नेम और डबल स्लिट मतलब आप यहां पर दो स्लिट रख के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारे बच्चे इसको जरूर बनाएं जैसे मान लो एक स्लिट आपकी यहां पर है ठीक है ऐसे और एक स्लिट आपकी यहां पर है क्लियर इन दोनों के बीच में डी इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एस वन एंड एस टू डी क्या होता है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस ओके okay. और और कैपिटल डी जो हम लोग लेते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसे ये है आपकी स्क्रीन ठीक है अब जरा देखना जैसे ही यहां पर लाइट गिरती है तो दोनों सोर्सेस हमारे पास दोनों स्लिट में से लाइट निकलती है तो ये दोनों ही सोर्स का काम करते हैं ठीक है अब जरा देखना जब लाइट अगर आप इधर से देखें और इधर से देखें दोनों एक साथ इल्यूमिनेट हो रहे हैं फेज डिफरेंस जीरो है क्या इन दोनों के बीच में आप सारे बच्चे मेरे को पाथ डिफरेंस बता सकते हैं क्या <coughs> सारे बच्चे जो लाइट आपकी ऐसे ऐसे करके गई और जो लाइट आपकी ऐसे ऐसे करके गई बिल्कुल बीच वाले पॉइंट में हमारे पास इनके बीच का पाथ डिफरेंस आप बता सकते हैं कितना होगा वेरी गुड जीरो अब याद करिए जब पाथ डिफरेंस जीरो है तो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर होगा ट्रफ ट्रफ के ऊपर होगा आपका यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा इसको हम लोग कहते हैं यहां इंटेंसिटी आपको फोर आई नॉट की मिलेगी और इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट क्या कहते हैं सेंट्रल ब्राइट इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट लेके चल रहा हूं इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट लेके हम लोग चल रहे हैं। ही अगर आप देखें यहां से किसी आप एक ऐसे पॉइंट पर गए तो क्या आपको यह चीज समझ आ रही है कि दोनों अनइक्वल चल रहे हाँ या ना सबसे पहला सवाल कि क्या आपको ये चीज समझ आई कि दोनों अनइक्वल चल रहे हैं इस बार अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं इस वाले की यहां से लाइट ऐसे गई यहां से लाइट ऐसे गई तो दोनों अनइक्वल चल रहे हाँ या ना यस तो पहले पाथ डिफरेंस जीरो था दोनों बराबर चल रहे थे अब अनइक्वल चल रहे हैं ये वाले लाइट को ज्यादा चलना पड़ रहा है तो पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जीरो से बढ़ते बढ़ते पहले क्या होगा लैमडा बाई टू ही आपका पाथ डिफरेंस लैमडा बाई टू होगा तो आपकी डार्क फ्रिंज आएगी और वहां पर आपकी इंटेंसिटी जीरो होगी इसको हम कहते हैं फर्स्ट डार्क फिर आप और ऊपर जाइए जैसी यहां से दो रेज आ रही हैं, पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैमडा होगा तो आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा इंटेंसिटी आपकी फोर आई नॉट की होगी इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्राइट एंड सेम चीज यहां पर भी होगा अगर आप इधर जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैमडा बाई टू आपको पहले डार्क मिलेगा इंटेंसिटी जीरो एंड दिस इज फर्स्ट डार्क ठीक है और नीचे जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैमडा जैसी पाथ डिफरेंस लैमडा होता है ब्राइट फ्रिंज बनेगी और इसको आप कहेंगे इंटेंसिटी फोर आई नॉट और फर्स्ट ब्राइट एंड सो ऑन आपको फ्रिंजिस ऑन द स्क्रीन मिलती रहती है क्लियर क्लियर बोलिए भाई क्लियर क्लियर यस 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 इसीलिए जब आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं तो आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क क्यों दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब यहां पर आ रही है तो दोनों के पाथ डिफरेंस जीरो है तो यहां पर ब्राइट हुआ जैसे जैसे आप जा रहे हो पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते बढ़ते पहले होता है लेमडा बाई टू तो जहां पर लेमडा बाई टू हुआ आपका पाथ डिफरेंस वहां पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कम हो जाती है रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर होती है लेकिन अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो ये जीरो हो जाएगा क्लियर सर इंटेंसिटी हर जगह सेम होती है नहीं ये इंटेंसिटी का आपका ग्राफ है कुछ पॉइंट्स पर फोर आई नॉट होती है फिर घटते घटते जीरो होती है फिर बढ़ते बढ़ते फोर आई नॉट फिर घटते घटते जीरो तो आपकी इंटेंसिटी वेरी करती है क्लियर क्लियर बोलिए भाई यस yes? यस hmm. yes, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो और समझना भी पड़ेगा बेटा ओके okay? अब बात आती है जो हम लोगों ने सेटअप की बात करी है ठीक है ये यहां पर मैंने बना ही दिया ठीक है इसकी बात करते हैं पाथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आ, भाई क्वेश्चन का नाम यार मैं मैं सीरियसली बता रहा हूं अगली बार मैं मंजिल एक भी क्लास नहीं लूंगा नहीं लूंगा भाई क्यों अपने आप को टॉर्चर देना पांच घंटा जिसमें किसी बच्चे को कोई वैल्यू ही ना हो ठीक है कोई भी आ जाता है बस ऐसी बस तंग करने के लिए अब जरा यहां पर समझो अगर मैं स्क्रीन पर किसी एक्स डिस्टेंस पर ठीक है अगर मैं स्क्रीन पर किसी एक्स डिस्टेंस पर जाऊं ये हमारे पास डी डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस और जो हमारे पास स्लिट ये स्लिट का प्लेन है ये आपकी स्क्रीन है इनके बीच में जो आपका डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी दैट इज कैपिटल डी अगर आप यहां पर बात करें ठीक है मान लीजिए कि आप ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन अगर आप एक्स डिस्टेंस मूव करें ऑन स्क्रीन आप एक्स डिस्टेंस मूव करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि दोनों जो ल, आ, लाइट गई है दोनों के रास्ते बराबर नहीं है, है ना? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये वाला पोर्शन अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा क्योंकि मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना के ऐसे कर दिया ठीक है तो हमारे पास ये दोनों लेंथ अब आपके बराबर है लेकिन आप ये चीज समझ पा रहे होंगे इस एक्स पर जाने पर यहां एक पाथ डिफरेंस डेवलप हो गया है पाथ डिफरेंस हमारे पास डेवलप हो गया है तो यह चीज कई बच्चे समझ नहीं पाते फॉर्मूला सभी को पता है किसी एंगल थीटा पर रोटेट होने पर यहां से अगर आप किसी थीटा पर जा रहे हो तो एक्स चल चुके हो तो याद रखना ऑन स्क्रीन अगर आप एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स की अगर मैं बात करूं तो वो पाथ डिफरेंस आपका क्या होता है दोनों के बीच में दैट इज डी साइन थीटा और या फिर डी एक्स बाई डी ध्यान से सुनना ठीक है डी साइन थीटा या फिर डी एक्स बाई डी ये स्मॉल एंगल्स के लिए स्मॉल एंगल्स के लिए आप ये पाथ डिफरेंस यूज करते हैं और अगर आपके एंगल बड़े हैं तो आप डी साइन थीटा यूज करते हैं तो दो पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले आपको यहां याद करने हैं क्लियर सारे बच्चे अप करना वेरी गुड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आपका एंगल बड़ा है जो आपका ये एंगल थीटा है यही एंगल आपका थीटा आता है अगर आप रिजॉल्व करेंगे डी कॉ थीटा एंड डी साइन थीटा तो आपका डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस आया स्मॉल एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को आप थीटा कह सकते हैं और वही आपका टेन थीटा भी होता है है ना स्मॉल एंगल में तो स्मॉल एंगल थीटा की बात करते हैं तो आप एक्स बाय लिख सकते हैं इसीलिए साइन थीटा की जगह जब आप एक्स बाय लिखते हैं तो दो आपके पाथ डिफरेंस आते हैं क्लियर क्लियर सर वाई ब्राइट फ्रिंज आर लुकिंग बिग्स ऐसा नहीं है वो आपको देखने में गलत लग रहा है फ्रिंज सेम आएगी अभी क्लियर ओके यस यस अब अब यहां से आप खुद समझ सकते हैं ठीक है सारी कहानी सिमुलेशन से आप रिलेट करेंगे जरा यह चीज समझना अगर आप यहां पर एक सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है यहां पर एक आपने लाइट डाली जिसका एस टू स्लिट है इंटेंसिटी आई नॉट है ठीक है किसी भी किसी भी एक्स डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं किसी भी एक्स डिस्टेंस की बात करूं सारे बच्चे बताना पॉइंट वन क्लियर है क्या जैसे आप एक्स डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जाएंगे तो इनमें एक पाथ डिफरेंस डेवलप होगा दैट पाथ डिफरेंस विल बी क्या होता है डी एक्स स्मॉल एंगल के लिए ही बात कर रहा हूं पाथ डिफरेंस विल बी डी एक्स बाई डी और इनके बीच में यहां पर जो आपका फेज डिफरेंस आएगा फेज डिफरेंस जो आपका आएगा ठीक है यहां पर यह लाइन मिटा देते हैं क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा ठीक है हमारे पास यहां पर पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में डीएक्स बाई डी आया तो यहां पर फेज डिफरेंस आएगा टू पाई बाय लैमडा इंटू पाथ डिफरेंस और यह क्या हो जाएगा टू पाई बाय लैमडा इंटू डी एक्स बाय जैसे आपका यह है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इधर कितनी होगी आप लिख सकते हैं फोर आई नॉट कॉ स्क्वेर ऑफ फाइव बाय टू आप यहां पर किसी भी एक्स पर इंटेंसिटी एट एनी एक्स पॉइंट इंटेंसिटी एट एनी एक्स पॉइंट पॉइंट एक्स फ्रॉम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो फॉर्मूला होता है ठीक है दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज फोर आई नॉट कॉ स्क्वेर फाइव बाई टू और फाइव आप कैसे निकालेंगे बेटा फाइव निकालेंगे टू पाई बाय लैमडा इंटू पाथ डिफरेंस डी एक्स बाय डी से क्लियर है क्या सारे बच्चे क्लियर है क्या बोलो भाई बोलो भाई राइट यस आप सारी चीजें रिलेट होंगी ध्यान से सुनना हमारे लिए कहां कहां पर ब्राइट फ्रिंज बनती हैं कहां कहां पर डार्क फ्रिंज बनती हैं। जरा ये चीज समझना मैं आपको पहले सिमुलेशन दिखाता हूं कहानी अभी तक कहां पहुंची है ठीक है भाई यार ये समझो ओके okay? जरा ये चीज देखना सारे बच्चे मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूं ब्राइटनेस वैसे कम ही है ठीक है जरा ये चीज देखना यहां से एक सोर्स है यहां से एक सोर्स है दोनों की वेव्स हमारे पास निकल रही हैं, ठीक है दोनों की वेव हमारे पास निकल रही हैं। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? दोनों ने बराबर चला है और इस पॉइंट पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा है तो आपका आपका यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा इंटेंसिटी फोर आई नॉट की होगी सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे बोलो पॉइंट वन क्लियर या ना सारे बच्चे हाँ या ना बोलो भाई यस यस ये यही कहानी है कि जब दोनों वेव निकल रही थी क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा है इसीलिए कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज बन रही होती है अब जब आप स्लिट से सेंटर से अगर आप ऊपर जाते जैसे वाई की वैल्यू अभी जीरो है जैसे जैसे मैं वाई बढ़ाऊंगा जरा यहां पर समझना अब जरा ये यह देखो यहां पर जितना एंगल खुद समझना भाई एक बच्चा कह रहा है कि सर ये एंगल थीटा कैसे सेम है ये स्लिट थी और ये हमारे पास ये था से, सेंट्रल लाइन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल से ये वाला अगर थीटा रोटेट होगा तो ये वाला प्लेन भी उतना ही एंगल रोटेट होगा अभी आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए जितना ये आपका यहां रोटेट होगा उतना ही ये रोटेट होगा आपको ये चीज समझ आ रही है जैसे जैसे मैं वाई पर जा रहा हूं यहां पर पाथ डिफरेंस बन रहा है बोलिए पॉइंट टू क्लियर या ना बोलिए पॉइंट टू क्लियर या ना कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट पर जाते हैं तो हमारे पास इन दोनों वेव में यहां पर पाथ डिफरेंस आता है यस यस वेरी गुड अब रिकॉल करना अब रिकॉल करना जो मैं कह रहा हूं जब पाथ डिफरेंस जीरो था तो सेंट्रल ब्राइट था सेंट्रल ब्राइट यहां पर इंटेंसिटी फोर आई नॉट लेके बैठा था अब मैं पाथ जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पाथ डिफरेंस अभी नहीं है लेकिन मैं पाथ डिफरेंस बनाने की बात कर रहा हूं लैमडा मैं यहां पर ले ले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ठीक है आई होप यस हा अगर मैं लैमडा मान लो लेता हूं फोर ठीक है लैमडा की वैल्यू फोर है सुनना पाथ डिफरेंस जीरो है जैसे जैसे मैं वाई बढ़ाऊंगा और पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पहले क्या हो जाए टू लैमडा बाई टू की बात करें अप्रोक्सीमेटली टू पाथ डिफरेंस कितना हो गया टू क्या आप देख पा रहे हैं क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ रहा है हाँ या ना सारे बच्चे सारे बच्चे क्या आप समझ पाए लेमडा मैंने कितना रखा है फोर तो पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते बढ़ते पहले कितना हुआ टू तो वो तो लैमडा बाई टू हो गया आधा तो डिस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव में क्रश ट्रफ के ऊपर आता है इसीलिए आपको पहले क्या मिलता है डार्क फ्रिंज क्लियर यस अब मैं और ऊपर जाऊंगा तो पाथ डिफरेंस और बढ़ेगा बढ़ते-बढ़ते मैं कितने पे ले आऊं फोर पर अगर ले आता हूं जरा ये देखना पाथ डिफरेंस अभी 1.98 है मैं इसको बढ़ाते-बढ़ाते 4 बढ़ाते पर लेके आता हूं एप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास जैसी में पाथ डिफरेंस फोर हो गया लैमडा के बराबर है क्या आप देख पा रहे हैं फिर से क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ट्रफ के ऊपर है फिर से एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी हा या बोला भाई यस तो यही चीज है जब आप एक्स इधर जाते हैं तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा या डी एक्स वाई बनता है वही पाथ डिफरेंस अगर n लैमडा हो गया वीरो लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा तो ब्राइट फ्रिंज बनती चली जाएंगी उस x पर और अगर यही पाथ डिफरेंस डी एक्स बाय डी लेमडा बाई टू थ्री ले हुआ तो वहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे हां ना यस yes, बहुत सही अगर जैसे देखो टू पर लेमडा बाई टू पर हमारे पास डार्क आता था फिर आता था थ्री लैमडा बाई टू पहला टू जब पाथ डिफरेंस टू आया तब आया फोर पर ब्राइट आया अगर मैं इसको वाई कुछ ऐसा करूं कि यहां सिक्स हो जाए ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सिक्स आप फिर से देखेंगे यहां डार्क आ रहा है आप फिर से देखेंगे यहां पे क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है ट्रफ क्रस्ट के ऊपर है इस प्रकार से फिर से डार्क आ रहा है हा या ना बोलो भाई क्लियर क्लियर यस तो यही कहानी आपकी यहां पर मैंने बताई भाई यही कहानी मैंने आपकी यहां पर मैंने बताई भाई कि आपका ये सिनेरियो चल रहा होता है किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जो पाथ डिफरेंस आता है, वो d sin या d होता है और किसी भी एक्स पर जो इंटेंसिटी होती है पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकालेंगे फेज डिफरेंस निकल गया तो इंटेंसिटी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू करके वहां की इंटेंसिटी भी बता देंगे क्लियर क्लियर यस यस अब अब आता है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज जरा यहां पर समझना ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेंगी अगर मैं S1 वन और S2 टू दो सोर्सेज है इंटेंसिटी I0 नॉट और I0 नॉट की बात करते हैं किसी भी एक्स पर जाओगे तो आपको यह बात तो पता ही है आपको यह बात तो पता ही है इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा एंड दैट पाथ डिफरेंस इज डी एक्स डी इन दोनों में पाथ डिफरेंस आ गया यहां पर दैट इज डी एक्स डी खुद सोचना अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैमडा के बराबर हो गया तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी यहां पर वो आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन के बारे में बात करेगा है ना तो डी एक्स बाई डी जैसी आप एन लैमडा रखते थे बेटा तो पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ जाती थी एन लैमडा हमारे पास डी बाई डी अब ये आप लोग रटते होंगे या जैसे भी है आप समझिए कि आप एक्स पोजीशन पर जाते हैं पाथ डिफरेंस बनता है और यही पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती हैं तो ये ब्राइट फ्रिंज की पोजिशंस है और अगर मैं यहीं पर बात कर दूं कि ये टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू के बराबर अगर हो गया तो आपको पोजिशंस ऑफ डार्क फ्रिंज आप निकालना चाहें डार्क फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए आपकी पोजीशंस हो जाती हैं डी एक्स बाई डीवल टू टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू तो एक्स ऑफ डार्क इज टू एन माइनस वन लैमडा डी बाई टू डी ये आपकी डार्क फ्रिंज की पोजीशंस हो जाती हैं क्लियर सर इंटेंसिटी नेगेटिव होती है क्या नहीं बेटा आपकी इंटेंसिटी मैक्स टू मैक्स जीरो हो सकती है जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाएंगी तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज पर आपकी कंस्ट्रक्टिव पर आपकी इंटेंसिटी फोर आई नॉट रहेगी और डार्क फ्रिंज पर आपकी इंटेंसिटी जीरो की रहेगी क्लियर 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 सर हर ब्राइट फ्रिंज में फोर आई नॉट होती है ये yes. हर ब्राइट फ्रिंज की आपकी इंटेंसिटी फोर नॉट रहती है और हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जब आई नॉट और नॉट है तो हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो होती है अब ये ग्राफ भी बनाएंगे क्लियर क्लियर यस अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें ठीक है अगर आप यहां पर ध्यान से देखें एक टर्म आता है फ्रिंज विरथ क्या आता है फ्रिंज विरथ चौड़ाई जो एक बच्चा कह रहा था सर इनकी चौड़ाई ज्यादा लग रही क्योंकि सिमुलेशन सारे को कंसिडर करके नहीं बनता है है ना तो जो चौड़ाई है इसको हम कहते हैं फ्रिंज अब जरा देखना मैं इधर से स्टार्ट करता हूं पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आपकी थी एन लैमडा डी बाई डी एन की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं जीरो वन टू थ्री एन सो ऑन और पोजीशन ऑफ डार्क था आपका टू एन माइनस वन लैमडा डी बाई टू डी जरा ये देखना इसमें आप एन की वैल्यू क्या डाल सकते हैं वन टू थ्री एन सो ऑन जरा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट की बात करें तो एन की वैल्यू आप जीरो डाल देंगे वो पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट तो एन की वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो मिलेगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट अगर आप डालेंगे तो लैमडा डी बाई डी मिलेगा पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट की अगर आप बात करें कहां पर बन रहा है दैट इज टू लैमडा डी बाई डी बनेगा पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट की अगर आप बात करेंगे थ्री लैमडा डी बाई डी बनेगा इसी प्रकार से इसी प्रकार से पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क निकालेंगे एन की वैल्यू वन डालेंगे से सुनना एन की वैल्यू वन डालोगे लैमडा डी बाई टू डी बनेगा पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क डालोगे ये एन की वैल्यू वन के लिए होता है और अगर आप पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क की बात तो टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री लैमडा डी बाई टू डी होता है ठीक है लैमडा डी बाई टू डी होता है पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क की आप बात करेंगे तो फाइव लैमडा डी बाई टू डी इस प्रकार से आपकी पोजिशन आती है क्लियर क्लियर नमन बेटा एक ने पूछा सर टू एन प्लस वन पड़ा हुआ है यस अब आप चाहे बेटा मैं गलत नहीं बोल रहा हूं कई बच्चों ने टू एन प्लस वन पढ़ा उसका वो रीजन नहीं समझ पाते हैं। क्यों टू एन माइनस वन में प्रेफर करता हूं बात करूं तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिलता है सेंट्रल डार्क होता ही नहीं है समझना सेंट्रल डार्क होता ही नहीं है फर्स्ट डार्क एंड फर्स्ट डार्क होता है अगर आप टू प्लस वन वाला फॉर्मुला यूज कर रहे हैं जैसे मान लो आपने यूज कर रखा है टू एन प्लस वन डा डी बाई टू डी सर हमने तो ये वाला पढ़ा था पोजिशन ऑफ डार्क फर्स्ट डार्क के लिए आपको एन की वैल्यू जीरो डालनी पड़ेगी अब एग्जाम में क्या होता है ना ये कंफ्यूजन हो जाती है फिफ्थ डार्क के लिए एन की वैल्यू फोर डालो जब आप एन की वैल्यू जीरो डालोगे तब आएगा लैमडा डी बाई टू डी टू एन माइनस वन का फायदा ही यही है जो जो भी डार्क का है जैसे फर्स्ट डार्क एन की वैल्यू वन सेकेंड डार्क एन की वैल्यू टू थर्ड डार्क एन की वैल्यू थ्री आपको एग्जाम में हल्का सा भी इस मामले में नहीं होना पड़ता है क्लियर सर डी क्या होता है बेटा आप अपनी आंखों का इलाज करा लीजिए ये था डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन क्लियर ध्यान से सुनिए भाई ठीक है यस यस टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए एक बच्चा कह रहा है मींस एनर्जी टेंस टू जीरो हो जाए आपका बल्ब भी नहीं जला पागल इंसान फ्रिंज विर्थ क्या होता है जरा ये चीज समझना ठीक है दो 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 ब्राइट के बीच में डार्क है और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है तो दो कंजूटिव फ्रिंजेस के बीच में दूसरा फ्रिंज होता है जैसे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस प्रकार से चल रहा है दो कंजूटिव ब्राइट फ्रिंजिस के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलती है दो कंजिक्यूटिव लगातार कोई भी दो डार्क ले लोगे उसके बीच में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो आपका फ्रिंज वि अगर मैं बात करूं फ्रिंज विर्थ उसको आप डिनोट करते हैं बीटा से किससे बीटा से तो इन दोनों की पोजीशंस को अगर आप माइनस करेंगे ध्यान से देखना तो आपको फ्रिंज विर्थ डार्क की मिल जाएगी एंड दैट विल बी लैमडा डी बाई डी अगर आप इन दोनों की पोजीशंस को माइनस करेंगे तो फ्रिंज आपको डार्क की मिल जाएगी फिर से लैमडा डी बाई डी अगर आप दो डार्क को माइनस कर रहे हो दोनों दो डार्क की पोजीशंस को माइनस कर रहे तो इनके बीच में ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो बीटा ऑफ ब्राइट इज हमारे पास लैमडा डी बाई डी फिर से आएगा और इन दोनों को अगर आप पोजीशंस का माइनस करेंगे तो बीटा ऑफ ब्राइट जो आपका आएगा ट इज लैमडा डी बाई डी क्या आपको ये चीज समझ आ रही है फ्रिंज विथ बीटा ऑफ ब्राइट बीटा ऑफ ब्राइट इज इक्वल टू बीटा ऑफ डार्क दोनों की जो चौड़ाई है वो आपको सेम मिलेगी हायाना हायाना बोला भाई हायाना यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट में जो आपको फ्रिंज मिल रही है उनकी चौड़ाई सेम होती है इंटेंसिटी आपकी फोर आई नॉट जीरो फोर आई नॉट जीरो फोर आई नॉट जीरो इस प्रकार से चलती है क्लियर क्लियर यस इसका आपका एक ग्राफ भी पूछा हुआ जाता है तो इंटेंसिटी का आपका ग्राफ कैसा रहता है ठीक है जरा यहां पर समझना इंटेंसिटी के अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो आपका ग्राफ इस प्रकार से आपको मिलता है फोर आई नॉट जीरो फोर आई नॉट जीरो इस प्रकार से मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको फोर आई नॉट की मिलेगी और मिनिमम इंटेंसिटी आपको जीरो की मिलेगी दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट डार्क फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट ब्राइट सेकेंड डार्क सेकेंड डार्क ऐसे आपका ग्राफ चलता है क्लियर है क्या सारे बच्चे गिरीश गिरजेश बेटा आप क्या करेंगे जब सारे फॉर्मूले मैं ही लिखूंगा तो सात सात कलम चलाइए बेटा बीस दिन बच्चे हैं आप अपनी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हैं कई बच्चे बस मजे ले रहे हैं बीस दिन के बाद आपके सारे कर्म का हिसाब लिया जाएगा आपके घर वाले लेंगे मैं नहीं लूंगा ठीक है तो इस चीज को भूलना मत क्लियर क्लियर यस अब जरा समझना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आप पानी में डुबो दें ये कई बार पूछा गया है डिप्ड इन लिक्विड अगर आप वाई डी एस सी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिप्ड इन लिक्विड कर दें डिप्ड इन लिक्विड तो आपने देखा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी बाय वी है ना फ्रीक्वेंसी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती कभी चेंज नहीं होती तो हमारे पास म्यू इंटू लैमडा नॉट डिवाइड बाय म्यू इंटू लैमडा मीडियम मैं कह सकता हूं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लैमडा नॉट बाय लैमडा मीडियम तो आप कह सकते हैं अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आप हवा की जगह कहीं ना कहीं आपने कोई लिक्विड डाल दिया तो आपका लैमडा नॉट बाय म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाएगा है ना आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ अगर आप देखें तो आपका फ्रिंज विर्थ बीटा जो आपका फ्रिंज विर्थ होता है फ्रिंज विर्थ वो आपका चेंज हो जाएगा सर बढ़ेगा या घटेगा आपको भी पता है बेटा म्यू की वैल्यू इज ऑलवेज रिलेटिवली अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट तो वो हमेशा ग्रेटर देन वन है और अगर ये ग्रेटर देन वन है तो लैमडा मीडियम आपका कम हुआ है और लैमडा मीडियम कम हुआ है तो बीटा इज लैमडा डी बाय डी तो ये भी आपका कम हो जाएगा क्लियर जरा ये देखना नया फ्रिंज विर्थ कितना होगा पतली पतली हो जाती हैं। जो आपकी फ्रिंज मोटी सी बनी हुई है ये पतली पतली हो जाएंगी सारी की सारी तो बीटा न्यू इज इक्वल टू लैमडा न्यू इन टू डी म्यू आप करते वो डी बाय डी आप करते तो ये कितना होता लैमडा नॉट बाय म्यू डी बाय डी और यही तो आपका ओरिजिनल बीटा ओरिजिनल म्यू तो अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यू फ्रिंज विथ आपका बीटा ओरिजिनल का वन म्यू टाइम्स हो जाता है किस किस को यह चीज याद थी दिल बना दो भाई लेट सी क्योंकि इसके ऊपर कम से कम चार पांच क्वेश्चन आए हैं क्लियर क्लियर किस किस को यह चीज याद थी कि अगर आप वाईडीएससी को किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं लैमडा वन बाय म्यू हो जाता है फ्रिंज विथ सारी पोजीशंस चेंज होंगी पोजीशंस चेंज होने की वजह से फ्रिंज विर्थ आपकी पतली हो जाती है बीटा वन बाय म्यू टाइम्स हो जाता है वेरी गुड वेरी गुड यह हुई ना बात अब हमारे पास कुछ देखो दो तीन केसेज है जो आपको समझने हैं फिर मैं आपको एक बार समराइज कर दूंगा ठीक है फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे ठीक है दो तीन केसेज है टिल्टेड लाइट जैसे देखो अगर मैं एक नॉर्मल लाइट अगर डाल रहा हूं तो आपको ये ब्लू मैंने क्या मांग करा है दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फिर आपको डार्क मिलेगी फिर ब्राइट मिलेगी फिर डार्क मिलेगी फिर ब्राइट मिलेगी फिर डार्क मिलेगी फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे आपका केस चल रहा होगा ये इनिशियल केस था वैन लाइट वॉस वैन लाइट वॉस इंसिडेंट नॉर्मली इंसीडेंट नॉर्मली सारे बच्चे दिल बनाना फिर से जिनको यह बात पता है कि सेंट्रल ब्राइट कौन सी फ्रिंज थी एक ऐसी फ्रिंच जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो होता है वही आपके लिए सेंट्रल ब्राइट होती है क्योंकि यहां से जो लाइट आई और यहां से जो लाइट आई दोनों बराबर चले पाथ डिफरेंस जीरो है पाथ डिफरेंस जीरो है तो सेंट्रल ब्राइट आपका वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट का पाथ डिफरेंस जीरो क्लियर वेरी गुड यार वेरी गुड अगर मैं लाइट को ऐसे ना डाल के टिल्ट कर दूं किसी एंगल थीटा पर क्या कर दिया लाइट को अगर मैं टिल्ट कर दूं तो इस चीज को मैं समझाता हूं पहले यहां पर देखना क्योंकि कई बच्चे उसमें डायग्राम जब सामने होता है तो उसी पे ही नजर रहती है ठीक है जरा यह चीज देखना ठीक है सारे बच्चे जरा इस चीज को देखना अगर मान लीजिए कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने लाइट को टिल्ट कर दिया है ऐसे है ना तो आपको भी पता है वेब फ्रंट हमारे पास ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे S1 और S2 में से पहले लाइट किधर पहुंचेगी सारे बच्चे मेरे को ये बताओ S1 और S2 में से लाइट पहले किसके पास पहुंचेगी 1 year 2 1 year 2 1 year 2 जल्दी से कि अगर मैं वेवफ्रंट्स की बात करूंगा तो वेवफ्रंट आपका ऐसे होगा ऐसे होगा फिर फाइनली अगर आप देखें तो आपका फाइनल वेवफ्रंट ऐसे होगा ये सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले तो वेवफ्रंट पहले लाइट किस पे पहले पहुंचेगी 2 पर वेरी गुड अगर ये आपके लिए d था ध्यान से देखना अगर ये आपके लिए d था और मैंने लाइट को यहां पर टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल से ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से तो ऑब्वियस बात है ये आपके लिए थीटा है ये आपके लिए है, है नाइनटी ले है? है तो ये भी आपके लिए थीटा है ये आपका 90 डिग्री है वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा है ये आपका थीटा हो गया क्लियर थीटा क्या है बेटा थीटा इज द एंगल रोटेटेड एंगल रोटेटेड लाइट रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंगल विद विच लाइट इज रोटेटेड एंगल विद विच लाइट इज रोटेटेड आपने किस एंगल पे लाइट को रोटेट किया है ध्यान देखना कई बच्चे इसमें खो जाता है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है मेरी लाइट ऐसे आ रही थी मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लाइट को भेजा है तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ये 90 है तो इस ट्राइंगल में ये 90 माइनेस सीटा है ये 90 है तो ये थीटा हुआ क्या आप मेरे को इस बात से मेरी इस बात से सहमत है बेटा दिल बनाना जब लाइट हमारे पास गई यहां तक तो साथ साथ थी ये पहले से ही इनके बीच में पाथ डिफरेंस था हा या ना सारे बच्चे मेरे को बताना दिस वॉज द इनिशियल पाथ डिफरेंस ये लाइट यहां आई यहां आई यहां आई यहां आई ये यह तो एक्स्ट्रा पहले से ही चल रहा है और अगर मैं रिजॉल्व कर दूंगा डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा क्या आप मेरे से इस बात से सहमत है कि पहले से ही दिल बनाना पहले से ही पाथ डिफरेंस था डी साइन थीटा का ये तो बंदा पहले से पीछे चल रहा है मान लो दो बंदे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे इस प्रकार से तो यार ये तो पहले से ही ज्यादा चलेगा पाथ डिफरेंस तो डी साइन थीटा पहले से ही है अब आप हां या ना में मेरे को बताना अगर लाइट यहां से यहां गई अब ये और यहां से यहां गई क्या इन दोनों ने बराबर चला सारे बच्चे क्या इन दोनों ने बराबर चला हा या ना ये बंदा यहां से दो बंदे दौड़े 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 फिर ये इधर जाएगा उस पॉइंट पर ये ऐसे और ऐसे जाएगा क्या इन दोनों ने बराबर चला नहीं इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है भाई यही तो है अगर आप इन दोनों बंदों से पूछोगे आप इधर आए कहा कि भाई दोनों बराबर आए वो कहेगा नहीं भाई मैं तो ज्यादा चल के आया हूं कितना ये तो इन दोनों में यहां पाथ डिफरेंस कितना है डी साइन थीटा और अगर यहां पे पाथ डिफरेंस है तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना होगा टू पाई बाय लैमडा इन डी साइन थीटा यहां पर कोई आपसे इंटेंसिटी पूछ ले तो फोर आई नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई टू करके आप यहां की इंटेंसिटी बताएंगे क्लियर अब बात आई क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल राइट right भागेगा किधर भाई यहां तो पाथ डिफरेंस है सेंट्रल राइट right क्या हो कहा होता है जहां पाथ डिफरेंस जीरो है ये पहले से ज्यादा चल रहा है मैंने कहा यार ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं हमारे पास ध्यान से देखना सेंट्रल ब्राइट आपकी ऊपर भागेगी सर कैसे आपको कैसे पता लगा सर आपको कैसे पता लगा सेंट्रल ब्राइट ऊपर भागेगी मैंने कहा भाई देखो सेंट्रल ब्राइट वो पॉइंट होता है जहां पाथ डिफरेंस जीरो होता है मैंने कहा अगर मैं इस वाली लाइन से एक्स डिस्टेंस ऊपर जाता हूं तो इसके अंदर एक पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाता है ये पाथ होता था डी एक्स बाई डी का हाँ या ना सारे बच्चे बहुत सही जो बच्चे समझ पा रहे हैं सेंट्रल राइट वो पॉइंट था जहां पार्ट डिफरेंस जीरो है ये बंदा पहले से ही एक्स्ट्रा चल रहा है अब अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा तो इस वाले बंदे के लिए भी एक पाथ डिफरेंस इस वाली लाइट के लिए भी एक पाथ डिफरेंस आएगा डी एक्स बाई डी और बहुत सही अगर आप समझ पाए कि जब ये डी एक्स बाई डी इस वाले डी साइन थीटा से मैच कर जाएगा तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस जीरो तो सेंट्रल राइट -right वहां पर मिलेगी आपसे पूछा जाता है सेंट्रल राइट -right कितना शिफ्ट होएगी दैट इज डी साइन थीटा इतना शिफ्ट आ जाएगा सेंट्रल ब्राइट का क्लियर क्लियर बोलो भाई क्लियर तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैं लाइट को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दूं कैपिटल डी क्या था कैपिटल डी आपका ये था भाई स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ठीक है अगर आपसे कोई पूछ ले अगर मैं लाइट को थीटा एंगल शिफ्ट कर दूंगा तो सेंट्रल राइट कहां भागेगी सेंट्रल राइट इतने डिस्टेंस पर भाग जाती है डी साइन थीटा पर डी आपको पता होगा थीटा उन्होंने दिया होगा इतना रोटेट किया वहां से आ जाएगा जहां पहले ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है जहां पहले सेंट्रल राइट थी वहां क्या हुआ तो वहां पर तो पार्ट डिफरेंस डी थीटा हुआ उसके हिसाब से फेज डिफरेंस आया फेज डिफरेंस आया, आया तो इंटेंसिटी आया सिंपल सी बात क्लियर क्लियर बहुत सही तो टिल्टिंग ऑफ लाइट कई बच्चे समझ पाए नेक्स्ट होता है शीट क्या होता है शीट Even ये एडवांस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुत सिंपल सी चीज है ठीक है अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो शिफ्टिंग के जैसे आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं जैसे समझना क्या आपने वो वाली वीडियो देखी है जहां पे मिलिट्री के लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ट्रैक बना होता है दौड़ना भी होता है फिर एक आ, वो रोप भी चढ़नी होती है फिर कूद के दूसरी जगह जैसे हमारा बैटल ग्राउंड हुआ था लक्से का है हाँ जैसे बैटल ग्राउंड हुआ था वहां पे टास्क थे ना हाँ जिसमें अमित महाजन सर ने सर्वे को हरा दिया था हाँ जाना था चक्कू से वो काटना था है? हाँ और फिर भाई साहब वो बच्चा ऊपर से चढ़ के नीचे गुजरता है वैसे ही समझिए भाई अगर मान लीजिए दो ट्रैक हैं दो ट्रैक है लाइट लाइट की स्पीड सी होती है इन वैक्यूम राइट इन वैक्यूम तो लाइट ऐसे आ रही है ऐसे आ रही आ रही मैंने यहां पर एक मीडियम रख दिया है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है ठीक है हा और हमारी नाक नाक टूट गई थी भाई साहब राइट ठीक हाँ। है हमें भी पता है भाई साहब नाक टूटी थी नाक कटवाई नहीं थी जेई वाले जीत के आए थे वहां पर ठीक है हा आखिरी में प्लानिंग होने लगी कि सर नीट वाले तो सब में हार गए अब कैसे करवाया जाए ठीक है हमने कहा भाई देखो अब जीते हैं तो जीते है, क्या करेंगे लेकिन भाई साहब वो काट देगा अलग सर ने ऐसे ऐसे चॉपिंग करवा दिया हमारी जीत का ठीक है हाँ और एम सर की बारी थी उसके बाद एम आर एमार सर गए तो भाई जो घास खिला रहे हैं लकड़ी वाले हाँ उसको बुल को ठीक है हाँ जीत के आते हैं हम हर जगह भले ही भाई साहब नाक फूट जाए नाक कटनी नहीं चाहिए ठीक है हाँ खून की आहुति दी थी, थी बेटा इस साल के बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए खून की आहुति स्टार्टिंग में ही हाँ ओके अब जरा देखना लाइट आई, आई 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 इस मीडियम में तो भाई आपको भी पता है जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो धीरे हो जाएगी तब तक ये ये तो सी की स्पीड से भगे जा रहा है तो जब तक ये लाइट यहां पर जैसे मान लो एक बंदा पानी पा, एक बंदे के लिए पानी का ट्रैक है एक बंदे के लिए जमीन वाला ट्रैक है तो पानी वाला तो धीरे हो जाएगा ना भाई तब तक जमीन वाला तो तेज भाग जाएगा तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहां पर पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाएगा है ना दोनों ये आपकी जो रे है ये धीरे हो जाएगी ये ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं ये तेज हो जाएगा ये ऐसे तो इनके बीच में कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से ट्रेवल करती है तो अपनी ओरिजिनल जो लाइट थी जो वैक्यूम में चल रही है उससे कंपैरिजन में कितना पाथ डिफरेंस डेवलप होगा जरा ये देखना तो यहां पर तो ये से चल रहा है तो मीडियम में जो इसकी स्पीड हो जाएगी स्पीड दैट विल बी सी बाई म्यू आपको भी पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सी बाई वी तो वी आ गया मान लो यहां पर ये लेंथ इज एल क्या है लेंथ इज एल ठीक है तो हमारे पास टाइम टेकन टाइम टेकन टू क्रॉस मीडियम टू क्रॉस मीडियम अगर मैं बात करूं तो आप लगाते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज सी बाय म्यू इतने ही टाइम में बेटा ये ससुरा बहुत तेज दौड़ रहा है बहुत तेज दौड़ रहा यहां तक आ गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम उसी टाइम में वैक्यूम में जो लाइट चली उसने कितना चल लिया दैट इज स्पीड इन टू टाइम अगर आप डालते एल मू बाई सी दिस इज एल म्यू ऑप्टिकल पाथ हायाना हा या ना अगर आप देखें अब सारा खेल ये अगर एल लेथ चल रहा है किसी मीडियम में तो इसके लिए ऑप्टिकली इसके लिए जो लेंथ हो गया दैट इज म्यू टाइम्स एल तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस आप निकाल सकते थे पाथ डिफरेंस इज म्यू एल माइनस एल माइनस वन इन टू एल क्लियर अब यह बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलेगा माइकाशीट के क्वेश्चन में क्लियर क्लियर सर वेन विल ऑर्गेनिक स्टार्ट कभी नहीं ले मैं हूं मालिक है मेरे से पूछेगा करवाऊंगा ही नहीं स्टार्ट क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ाई जा रही है तेरे को ऑर्गेनिक सूझ रही है जब ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी तेरे को टेस्ट सूझेगा जब टेस्ट हो रहा होगा तू गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा जब गर्लफ्रेंड आ जाएगी सामने तू रिजल्ट देखेगा कि तेरा फेल हो गया रे तो भाई साहब तू तो टिक नहीं रहा ना एक चीज पर तो मैं बोल रहा हूं नहीं होगी तेरे लिए ठीक है लाइट मुड़ेगी नहीं हाँ बेटा उसका मन कर रहा है वापिस आने का मिलिट्री में ट्रेनिंग हो रही है ना अरे भाई लाइट सीधी जा रही तो सीधी जाएगी ना हाँ पागल इंसान तो भाई जरा ये चीज समझना ये क्या कह रहा है लाइट जब किसी मीडियम से जाती है तो इनके जो वैक्यूम वाला पार्ट है उसके कंपैरिजन में पीछे हो जाती है पाथ डिफरेंस डेवलप होता है म्यू माइनस वन इन टू एल क्लियर ओके अब आ जाओ अब आ जाओ अगर मान लो कि मैंने ये लाइट हमारे पास आ रही है और मैंने यहां पर टी थिकनेस का एक शीट रख दिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ध्यान से सुनना दिस वॉज दी इनिशियल सीनेरियो ये आपका इनिशियल सीनेरियो था है ना? जब आपकी माइकाशीट वॉज एबसेंट या शीट ट्रांसपेरेंट शीट भी बोल सकते हैं माइकाशीट भी जो है एबसेंट थी तो आपको भी पता है यार सेंट्रल ब्राइट आपको बिल्कुल बीच में मिलेगा दिस वॉज योर सेंट्रल ब्राइट जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो अब सारे बच्चे सोचना अब सारे बच्चे सोचना अगर मैं एक शीट रख दू जिसका थिकनेस टी टाइम नहीं है टी थिकनेस है यार मोटी बुद्धि हां अब क्या आप मेरे को यह बता सकते हैं अगर लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है तो क्या दोनों ने बराबर चला हा ना बोलो भाई हाँ या ना हम्म क्या आपको यह बात समझ आ रही है अगर अब पहली सी जब माइका शीट नहीं थी यह नहीं होता दोनों बराबर चलते लेकिन अगर अब आपने शीट रख दी है तो क्या लाइट जो अब यहां आ रही होगी वो दोनों बराबर चलेंगी बिल्कुल नहीं भाई इट्स लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है लाइट के दो दो बंदे भागे यहां पर पानी पानी में से एक को दौड़ना है तो ऑब्वियसली बात है पानी में तो ये धीरे हो जाएगा इन दोनों के बीच में तो पाथ डिफरेंस आएगा यहां पर आपका एक्चुअली में क्या होता पाथ डिफरेंस आता और कितना आता टी इंटू म्यू माइनस वन और पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस निकालोगे टू पाई बाय लैमडा इंटू पाथ डिफरेंस और यहां पे इंटेंसिटी अगर आपसे पूछी जाती फोर आई नॉट कॉस अपनी इंटेंसिटी निकालते एक तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपने माइका शीट रख दी तो हमारे पास जहां पर पहले सेंट्रल ब्राइट था वहां की इंटेंसिटी बता दो तो भाई यहां पर जब आएगी तो पाथ डिफरेंस इसकी वजह से कितना होगा टी इंटू म्यू माइनस वन फेज निकालो फेज निकाल के इंटेंसिटी लिख दो क्लियर अब सारी बात सेंट्रल ब्राइट कहां भागेगी तो आपको दिख रहा है ऊपर क्यों क्यों जरा ये देखो अब कॉमन सेंस लगाओगे तो खुद को भी पता लग जाएगा लेकिन कॉमन सेंस तो है नहीं तो हमें ही बताना पड़ेगा भाई देखो यार ये बंदा ना पहले ही ये वाला बंदा होता है पहले ही धीरे हो गया था सेंट्रल ब्राइट होती है जहां पाथ डिफरेंस आपका जीरो होता है, है ना क्या आपको ये चीज समझ आ रही है ये बंदा पहली धीरे तो मैंने कहा यार एक्स अगर मैं ऊपर चला जाऊं इस वाले के लिए भी पाथ डिफरेंस हो जाएगा डी एक्स बाई डी इस बंदे का पाथ डिफरेंस और इस बंदे का मीडियम की वजह से पाथ डिफरेंस अगर मैच कर गया तो यहां पाथ डिफरेंस जीरो होगा सारे बच्चे बल्ले बल्ले लिखो अगर आप ये कंसेप्ट समझ पाए कि भाई सेंट्रल राइट नीचे क्यों नहीं भागेगी ये बंदा पहली धीरे है और तुम कह रहे हो बेटा और दौड़ तू और दौड़ तब बराबर होगा पागल हो ये पहली धीरे चल रहा है और इसको आपने कम रास्ता दिया इसको आपने ज्यादा रास्ता दिया तो इसका तो पाथ है डिफरेंस आपने और बढ़ा दिया जीरो कैसे हो सकता है तो हम लोग यहां पे कहेंगे बहुत सही कि आपका सेंट्रल ब्राइट ऊपर शिफ्ट करेगा जहां पर टी इंटू म्यू माइनस म्यूं वन किसके बराबर हो जाए डी एक्स बाई डी के बराबर तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट आप निकाल सकते हैं टी डी म्यू माइनस वन डी ये होता है क्लियर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड तो जब आप माइका शीट लगाते हैं माइका शीट लगाने से आपकी सेंट्रल राइट बेसिकली शिफ्ट कर जाती है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट एंड दास्ट मॉडिफिकेशन अगर आप डिफरेंट स्लेटविथ रखते हो अभी मैं आपको ये उसमें भी समझाऊंगा अगर आप डिफरेंट स्लेटविथ रखते हो तो यहां की इंटेंसिटी आई वन और यहां की इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी यार बात है, आपने एक बल्ब जलाया यहां पे एक छोटा सा छेद बनाया तो कम लाइट निकलेगी तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो आ आ रही रही है वो आपकी कम इंटेंसिटी कम होगी अगर बल्ब जला के बड़ा आपने छेद बनाया तो ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा इंटेंसिटी बाहर आएगी अगर आपके स्लिट विध अलग अलग है तो इंटेंसिटी आपकी अलग अलग आएंगी और अगर आपकी इंटेंसिटी अलग अलग है तो आई मैक्स की वैल्यू इस बार फोर आई नॉटनी होगी कितनी होगी रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क् आई I मीन mean, इस बार आपको जीरो नहीं मिलेगा रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल हाँ ना सारे बच्चे नो डार्क फ्रिंज श्रुति बेटा वेरी गुड आपका जो प्रॉपरली ब्राइट प्रॉपरली डार्क आपको मिल रहा था इस बार वो नहीं मिलेगा डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी कुछ ना कुछ होगी और होगी तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा सेंट्रल ब्राइट शिफ्टिंग कुछ भी नहीं होगी जब आपके स्लिट अलग होते हैं नो शिफ्ट ऑफ सी बी नो शिफ्ट ऑफ सी बी सेंट्रल ब्राइट आपकी शिफ्ट नहीं करती सारी वही है डार्क इस बार प्रॉपरली डार्क नहीं होंगी उनकी भी ब्राइटनेस होगी ब्राइट की भी तो ये मिक्स हो जाएंगे क्लियर इंटेंसिटी का वेरिएशन आएगा इसका ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाएं तो इस बार आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा क्योंकि इस बार आपका जीरो एक्जैक्टली exactly नहीं आएगा ना यार आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर आप बात करेंगे और मिनिमम इंटेंसिटी की अगर आप बात करेंगे आई मैक्स आपका जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा आई मैक्स इस बार अलग होगा और आई मिन आपका जीरो नहीं होगा तो ये शिफ्टेड ग्राफ मिलेगा क्लियर 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 बोलिए भाई बोलिए भाई यहीं पर एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड फ्रिंज विजिबिलिटी अरे कहां गया? कहा गया डिलीट होगा का ना इसके बाद एक टर्म आता है फ्रिंज विजिबिलिटी बोलो भाई ये बात क्लियर है अभी मैं आपको सारी चीजें जिन्होंने ध्यान से सुना सारी चीजें सिमुलेशन पे दिखाऊंगा अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी क्लियर हम्म हाँ, अगर आप आ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाई डी एस सी को लिक्विड में डिप करते हो देखो भाई पाथ डिफरेंस हमारे पास वहां इंपैक्ट लैमडा चेंज होगा तो दोनों का लैमडा चेंज होगा ना तो सेंट्रल ब्राइट पानी में डिप करने से चेंज नहीं होगी पोजीशंस हमारे पास कहीं चेंज नहीं होगी थिकनेस कम हो जाएगी बस क्लियर अब जरा यह देखना भाई देखो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या है कॉन्ट्रास्ट ठीक है कॉन्ट्रास्ट मतलब यहां पे प्रॉपर डार्क बन रहा है प्रॉपर वाइट बन रहा है तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ध्यान से सुनिएगा आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कहां ब्राइट बन रहा है कहां डार्क बन रहा है हा, या ना? हा या ना सारे बच्चे सारे बच्चे जब हमारे पास दोनों की इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों बराबर है आई नॉट तो प्रॉपर डार्क बनेगा प्रॉपर ब्राइट बनेगा आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कहां ब्राइट है कहां डार्क या ना थ्योरी खत्म हो गई भाई इसके बाद हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं यस yes, यस yes. जब हमारे पास इंटेंसिटी आप यहां पर देखें जब इंटेंसिटी आपकी आई वन और आई टू बराबर नहीं है तो डार्क की वैल्यू जीरो नहीं है जीरो नहीं है तो आपको प्रॉपर इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में बड़ी दिक्कत होगी तो फ्रिंज विजिबिलिटी यहां पर आपकी कम हो गई है आप फ्रिंज को एग्जैक्टली कही कहीं ना कहीं स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहां ब्राइट थी यहां डार्क थी क्योंकि अब ये मिक्स होनी स्टार्ट हो गई है, है ना अब ये मिक्स होनी स्टार्ट हो गई है तो फ्रिंज विजिबिलिटी आपके लिए होता क्या है फ्रिंज विजिबिलिटी इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी कई बार कहते हैं बच्चे क्या है अरे अगर मान लो जहां आप अपनी एडिटिंग तो करते ही हो है ना भाई ऐसा मत बोलना कि आपने एडिटिंग नहीं करी है ठीक है ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ब्राइटनेस कम करते हैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं शार्पनेस बढ़ाते हैं ये तो सब आपने भी किया है हा ग्राफ अभी मैं समझा रहा हूं प्रखर बेटा यस yes. फोटो की एडिटिंग तो आपने भी की है क्योंकि आपको सौ प्रतिशत यकीन है कि एडिटिंग के बाद ही आप अच्छे दिख सकते हैं यस yes. और कहीं ना कहीं अंदर से घमंड तो चलो मार्केट के लिए है अंदर से आपको भी अपनी शक्ल पे पूरा हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में चलेगा नहीं है ना यस yes. तो आपने कॉन्ट्रास्ट भी कभी चेंज किया होगा है ना कॉन्ट्रास्ट चेंज किया है ना वहां पर जब आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो कलर ब्राइट हो जाते हैं कुछ डल हो जाते तो अचानक से शक्ल साहब और गंदी लगने लगते कहते ना 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 इसको तो नहीं चेंज करना ब्राइटनेस बढ़ाई जाए है ना हा ये तो आपने भी किया है तो बेसिकली अगर मैं फ्रिंज विजिबिलिटी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट के बारे में ही है आपका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में एक ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिफरेंस है कितना वेरिएशन है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाए दैट इज योर फ्रिंज विजिबिलिटी तो इसका होता है फॉर्मुलाईमेक्स माइनस आई मिन अपॉन आईमेक्स प्लस आई मिन इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए चलो देखो अगर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो प्रॉपर डार्क तो मिनिमम होते ही फ्रिंज विजिबिलिटी आपकी वन आएगी मैक्सिमम विजिबिलिटी इज विजिबिलिटीड अगर आपका आई मैक्स इक्वल टू आई min दोनों बराबर हो गए fringe विजिबिलिटी जीरो ब्राइट एंड डार्क fringe आर नॉट डिस्टिंग क्लियर क्लियर बोलो भाई क्लियर यस क्लियर बहुत सही तो सिंपल सी बात है यार जरा ये देखो कि अगर आपका इस वाले केस में आपका आई मिन कितना था आई मिन आपका जीरो है तो आपकी फ्रिंज विजिबिलिटी वन आती है इसका मतलब क्या है आप एग्जैक्टली exactly डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ये डार्क है ये ब्राइट है अगर दोनों की आई मैक्स और आई I मीन mean दोनों बराबर हो जाए तो यार तो ये तो मिक्स हो गए ना कीचड़ बन गया और कीचड़ बन गया तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि कौन ब्राइट है कौन डार्क है यहां पर फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी क्लियर हम्म क्लियर बहुत सही लास्ट इज द शेप ऑफ फ्रिंजस लास्ट इज द शेप ऑफ फ्रिंजस जब लक्ष्य में पढ़ा रहे थे उसको बहुत डेप्थ में पढ़ाया था आधो के खोपड़ी में से जाएगा ही नहीं याद रखना आपके वाई सेटअप की अगर मैं बात करूं ठीक है वाईडीएसई सेटअप की बात करें तो यहां पर दोनों का अगर मैं कोई भी ब्राइट की बात करूं या डार्क की बात करूं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आपका कॉन्स्टेंट होता है, है ना पाथ डिफरेंस आपका कांस्टेंट होता है या तो हो सकता है लैमडा हो टू लैमडा हो थ्री लैमडा हो या एन आ, हमारे पास लैमडा बाई टू हो थ्री लैमडा कुछ भी होगा कॉन्स्टेंट होगा क्या आपने मान लो ये एस टू है ये, ये पॉइंट है क्या आपने मैच में कुछ ऐसा पढ़ा है मैथ्स में आपने कुछ ऐसा कहीं देखा है या पढ़ा है या वहां पर भी ऑर्गेनिक की क्लास कब होगी पूछते रहते हो है? जरे बताना क्या आपने ये चीज कहीं देखी है मैथ्स में हाइपर बोला क्या बोला हाइपर बोला एक हाइपर बोला की क्वेश्चन होती है तो जब आप दो सोर्सेज को रख के यहां पर देखते हो ना जब ये ले जाती हैं तो जब आपके दो दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप एक जनरल पॉइंट की बात करें इनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हाइपरबोलिक आपकी फ्रिंजिस आपको दिखाई देनी देती है आइडियल केस में तो हम लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है लेकिन एक्चुअली में आपकी जो भी फ्रिंजेस बनती हैं वो कौन सी बनती हैं हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं क्लियर क्लियर हाँ मैथ्स का हाइपरबोला अब आएंगे हमारे क्वेश्चंस ध्यान से देखना ठीक है अब आएंगे हमारे क्वेश्चंस क्लियर एक बच्चा तब से समरी मांग रहा है इसकी हालत बिल्कुल मरी मरी ठीक है जोड़ जाड़ के कह रहा पढ़ा दो बस समरी ठीक है आइए भाई अब करे जाए जरा इसके कुछ क्वेश्चन कौन मांग रहा है ब्रेक एग्जाम में लेना तीन तीन घंटे का जो होगा ना क्योंकि देखो यार दुनिया में बहुत दिक्कतें चल रही हैं आपको आइसोलेशन सोचने के लिए एकांत जो है वो एग्जाम में तीन घंटा मिलेगा वो ब्रेक है आपके लिए ठीक है वहाँ सोचना खुल के दुनिया में कितना कष्ट अरे नॉर्मल पेन कहाँ से आ गया हाँ दुनिया में कितना कष्ट है हमारे सर पे बाल बचेगा नहीं बचेगा बाल्डनेस बहुत फैला पड़ा है कोरोना से ज़्यादा तो बाल्डनेस है कहीं पता लगे हमारी जाब से पहले हमारा बाल ही सर पे ना आ रहे सारा कुछ सोचना भाई हमारा हाइट दो इंच बढ़ता तो हम चार फुट के हो जाते ये सब सोचना भाई सब वहां आपको प्रॉपर ब्रेक मिलेगा ठीक है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस बच्चे को वहां पे कम से कम एक घंटे का दो तीन घंटे का एक घंटे का ऐसा ब्रेक देना इसके दिमाग में कुछ आया ही ना कि क्या पढ़ रहा था मैं ठीक है मजा आएगा ब्रेक लेता ठीक है आ जाओ रे, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ठीक है हाँ खड़ा घट खड़ा गट, खड़ा क्वेश्चन करेंगे आ जाओ भाई टू कोर लाइट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एट साइन ओमेगा टी ध्यान से देखना कंसेप्ट बताना क्लियर है या नहीं एट साइन ओमेगा टी एक इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी आपकी ये है सिक्स साइन ओमेगा टी प्लस सिक्सटी सारे बच्चे कंसेप्ट बताना मैच है या नहीं इफ दीज टू वेव्स इंटरफेयर एट अ पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज नियरली अगर ये दो वेव्स जाके जैसे मान लो कि एक वेव ऐसे पहुंची और दूसरी वेव ऐसे पहुंची तो इनके बीच में भाई ये देखते ही आपको पता लग रहा है पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस आया इनके बीच में फाइव की वैल्यू क्या है फाइव की वैल्यू इज सिक्सटी पाई बाई थ्री ठीक है ये है एम्पलीट्यूड ए वन एंड ए टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है तो भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनता है तो आपको मैंने क्या कहा था वेक्टर्स लगा सकते हैं आप इनके एम्पलीट्यूड को सिक्स और एट वेक्टर्स मान लीजिए इनके बीच का एंगल 60 डिग्री मान लीजिए जो भी आप वेक्टर्स लॉ लगाएंगे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको वहां पर

स yes. तो कभी भी अगर आपको वेव्स को जोड़ना है ऐसे आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं आप वेक्टर्स लगाएंगे एम्पलीट्यूड एवन ए टू और फाइव देख के आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे वेरी गुड वेरी गुड अगला क्वेश्चन मेरे एंटरपेंट एंटरपेंटर टू लाइट सोर्स ईच ऑफ वेवलेंथ लैमडा आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस थ्री लैमडा ठीक है दो सोर्सेज हैं इनमें से वेवलेंथ क्या निकल रही है लैमडा एंड लैमडा दिमाग लगेगा इनके बीच का सेपरेशन थ्री लैमडा मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड ऑन लाइन ए बी विच रन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इसके अंदर कितने मिनिमा मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा कितने मैक्सिमम मिनिमा बनेंगे हमें इसके बारे में बात करना है ठीक है जरा अब ये एक सोर्स है एक ये सोर्स है इनके बीच का जो आपका डिस्टेंस था जरा ये समझना ठीक है इनके बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज थ्री लैमडा थ्री लैमडा सारे बच्चे सारे बच्चे अगर मान लो मैं यहां स्क्रीन रखता अगर मैं यहां स्क्रीन रखता एक वेव ऐसे आती और एक वेव ऐसे आती इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता कोई मेरे को देख के बता सकता है सारे बच्चे क्या एक वेव ऐसे आती और एक वेव ऐसे आती ठीक है अगर एक वेव ऐसे आती तो इसने कुछ लेंथ चला होता और एक वेव ऐसे आती इसने कुछ लेंथ चला होता इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता दिमाग लगाओ थ्री लैमडा का यही तो यार पाथ डिफरेंस क्या होता है एक्स्ट्रा लेंथ यही तो एक्स्ट्रा चला यहां पर होगा पाथ डिफरेंस थ्री लैमडा का तो जहां पाथ डिफरेंस लैमडा होता है वहां तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको एंड सेम चीज आप यहां पर भी कह सकते अगर स्क्रीन यहां होती तो इधर भी पाथ डिफरेंस लैमडा का होता थ्री लैमडा का ब्राइट फ्रिंज यहां मिलती क्लियर वेरी गुड सारे बच्चे क्या मेरे से इस बात पे सहमत है अगर लाइट यहां और यहां आई होती तो पाथ डिफरेंस आपका होता जीरो दोनों बराबर चले तो यहां पर भी आपकी एक ब्राइट फ्रिंज होती हाँ या ना अरे बोलो यार हा या ना यस यस अब इन्होंने बोला है इस स्क्रीन पर कितनी डार्क बनेगी जरा ये समझना जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हो पाथ डिफरेंस आपका जीरो था तो बढ़ते बढ़ते एक बार लैमडा बाय टू हुआ होगा फिर लैमडा हुआ होगा फिर थ्री लैमडा टू हुआ होगा फिर टू लैमडा हुआ होगा फिर फाइव लैमडा बाई टू हुआ होगा और इधर तक आते आते थ्री लैमडा हमारे पास हो गया है सेम चीज आपको यहां पर मिल रही होगी तो डार्क आपको कहां कहां मिलेगा एक इधर एक इधर एक इधर तीन यहां पर तीन यहां पर आपके सिक्स डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगी या सिक्स मिनिमा आपको मिलेंगे क्लियर है क्या क्लियर है क्या भाई देखो इन्होंने कहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कितने मिनिमा मिलेंगे इस केस में सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर थ्री प्लस थ्री सिक्स अब ये कॉमन सेंस भी आपको लगानी है दो रेज अगर ऐसे ऐसे निकलती थ्री लेमडा इधर है जीरो तो जीरो से बढ़ के एक बार लैमडा हुआ होगा टू लेमडा हुआ होगा थ्री लैमडा हुआ होगा इन्हीं के बीच में जीरो और लैमडा के बीच में एक डार्क मिलेगा Lambda और टू लैमडा के बीच में एक डार्क मिलेगा और टू लैमडा और थ्री लैमडा टू लैमडा और थ्री लैमडा के बीच में एक डार्क मिलेगा ये और वही चीज यहां हो रही होगी तो छह डार्क आएंगे हाँ या ना बोलो भाई हाँ या ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आपको देखना है क्लियर 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 ओके मेरे को पता है कई बच्चों को यहां दर्द हुआ होगा इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा ये लेवेंथ क्लास का क्वेश्चन होता है ठीक है हाँ अब रिपीट कर रहा हूं इससे आप अब और अच्छे से पिछले वाले क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे ये क्लास में में वेव्स कराया जाता है है जब इंटरफेरेंस पढ़ाई जाती जरा देखना टू पॉइंट फोर सेपरेटेड बाई टू मीटर्स इनके बीच में जो डिस्टेंस है टू मीटर्स का एंड आर रेडिएटिंग इन फेज सेम फेज है विद लैमडा पॉइंट फाइव तो मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैं फोर लैमडा कह सकता हूं है ना इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फोर लैमडा अ डिटेक्टर मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द टू सोर्सेस इन अ प्लेन कंटेनिंग देम हाउ मेनी मैक्सिमास आर डिटेक्टेड इनके कितने मैक्सिमा डिटेक्ट होंगे अब जरा देखना अब जरा यहां पर देखना इस क्वेश्चन के बाद दोबारा मैं उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा ये देखो अभी सारे बच्चे मेरे को जवाब देंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस प्रकार से सोच रहा हूं इन दोनों दो सोर्सिस के बीच का जो गैप है दैट इज फोर लैमडा है ना दैट इज फोर लैमडा सर आपको कैसे पता अरे लैमडा वैल्यू पॉइंट फाइव है डी की वैल्यू टू है तो चार गुना फोर लैमडा सारे बच्चे मेरे को यह बताना जिनको नहीं समझ आया था वो तो दिल बना के बताना क्या यहां पर और यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो होगा दोनों ने बराबरी तो चला यहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है यहां पर आपका पाथ जिनको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया था जरा दिल बना के मेरे तक अपनी बात पहुंचाना कि अगर ये वाली वेव ऐसे आई ये वाली दोनों बराबर चल रहे पाथ डिफरेंस जीरो दोनों बराबर चल रहे पाथ डिफरेंस जीरो तो यहां पर तो आपका ब्राइट और यहां पर तो आपका ब्राइट बनना ही बनना है हा या ना यार बहुत सही अगर एक रे ऐसे आई होती ये वाली वेव ऐसे आई होती तो इसने कुछ चला और इसने इसने कुछ चला क्या आप मेरे को बता सकते इन दोनों में डिस्टेंस कितना डिफरेंस है पाथ डिफरेंस कितना आंखों से देखा हुआ कितना डिफरेंस है सारे बच्चे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं मेरे एंटरपेंटर तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बहुत सही फोर लैमडा यार इन दोनों के बीच का जो भी गैप है वही तो पाथ डिफरेंस होगा वहां फोर लैमडा है तो यहां पर भी फोर लैमडा है और जब पाथ डिफरेंस फोर लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा होता है तो यहां पर मेरे अंटरपन्टर ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा क्लियर पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते बढ़ते फोर लैमडा हुआ तो कहीं ना कहीं बीच में लैमडा भी तो हुआ होगा टू लैमडा भी तो हुआ होगा थ्री लैमडा भी तो हुआ होगा फिर फोर लैमडा से घटते घटते जीरो हुआ है तो थ्री लैमडा भी तो हुआ होगा टू लैमडा भी तो हुआ होगा लैमडा भी तो हुआ होगा फिर यहां पर लेमडा टू लेमडा थ्री लैमडा थ्री लैमडा टू लैमडा लैमडा करके ऐसे ही तो घुमा होगा दिल बनाओ यार हाँ या ना? क्लियर 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 यस अब भाई जब पांच डिफरेंस जीरो से लैमडा होता तो एक बार लैमडा बाई टू भी तो होगा तो यहां एक डार्क आएगा यहां एक डार्क आएगा यहां एक डार्क हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क मिलेगा यहां डार्क आएगा 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 ऐसे चलेगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और आठ इधर टोटल नंबर ऑफ डार्क विल बी सिक्सटीन क्लियर क्लियर यस सोलह आ गए ये आपके आठ ये आपके आठ इधर आठ इधर क्लियर अब आते पीछे वाले पे कैसे दिक्कत आ गई आपने दिमाग लगाना था बस इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अब खुद सोचना अगर आपके दो सोर्सेज हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस ये डिफरेंस थ्री लैमडा अब जरा खुद सोचना ये है हमारी स्क्रीन क्या है ये आपकी स्क्रीन है क्या आप मेरे से इस बात से सहमत है इधर जब दोनों वेव जाएंगे तो पाथ डिफरेंस थ्री लैमडा होगा और इधर जब जाएंगे बिल्कुल इस लाइन पे तो पाथ डिफरेंस होगा और यहां पर पाथ डिफरेंस लैमडा होगा अब जिनको पिछली बार नहीं समझ आया था थम्सअप करना जरा बोला भाई सब मैक्सिमम पूछा है अंग्रेजी भाई साहब इंग्लिश में फेल होने वाला है तू द हमारे पास डिटेक्टर हाउ मैनी मैक्सिम अच्छा मैं फेल हो गया <laughs> तो वैसे वो हमारे पास कितने आ रहे हैं हमारे पास एक दो तीन चार हमारे पास ये है ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह क्लियर यस ठीक है अब जरा इस पर आ जाओ जितने को पहले दिक्कत आई थी जरा सारे बच्चे बताना अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता अब तो समझ आ गया होता ना यार यहां पार्ट डिफरेंस जीरो तो कहीं ना कहीं तो पार्ट डिफरेंस लैमडा टू लैमडा ऐसे होगा लैमडा टू लैमडा ऐसे होगा तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो आपको एक डार्क मिलेगा लैमडा और टू लैमडा के बीच में कहीं ना कहीं तो एक डार्क मिलेगा टू लैमडा और थ्री लैमडा ये तो इन्फिनिटी पर है ये वाला डार्क इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा इन दोनों के बीच में एक डार्क आपको यहां मिलेगा इन दोनों के बीच में एक डार्क आपको यहां मिलेगा और टू लैमडा से इंफिनिटी तक एक डार्क जाएगा एक दो तीन चार पांच अब दिल बना दो हाँ या ना बोलो भाई बोलो भाई तो यहां पर उस वही चीज जो सर्कल में थी भाई जरा ये देखो ये पाथ डिफरेंस यहां जैसी लैमडा होगा तो यहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जैसी पाथ डिफरेंस आपका लैमडा बाई टू होगा वहां डार्क मिलेगी स्क्रीन पर बस यही तो बात कह रहे थे क्लियर क्लियर अगला क्वेश्चन चलिए भाई जल्दी जल्दी लगाइए क्लियर यस हा सर फोर लैमडा कैसे हुआ दिमाग लगाओ दिमाग दिमाग लगाओके okay. क्लियर यस हा अब टू कोरेंट सोर्सिस प्रोड्यूसेस वेव कंसेप्ट की बात करेंगे जल्दी जल्दी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने टू कोरेंट सोर्सिस प्रोड्यूस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर डिफरेंट इंटेंसिटीज आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम आई मैक्स बाय आई मिन का जो हमारे पास रेशियो है दैट इज 16 यही दे रखा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी दिस द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स आर इन रेशियो रूट आई वन बाई रूट आई टू बताना है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है आपका रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर सारे बच्चे मेरे को ये बताना अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फोर ऑफ रूट ऑफ आई वन प्लस ऑफ रूट ऑफ आई टू दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू आपका ये आ गया ठीक है अब आपको बताना क्या था इंटेंसिटी ऑफ वेव्स आर इन रेशियो तो आई वन बाई आई टू को आप क्या ले लीजिए एक्स ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फोर रूट आई वन माइनस फोर रूट आई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू इसको इधर ले आएंगे तो थ्री रूट आई वन इज इक्वल टू फाइव रूट आई टू आई वन बाय आई टू ट्वेंटी फाइव बाई नाइन है ना I1 वन बाय आई टू का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव बाई नाइन का आपका रेशियो आ जाएगा बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर क्लियर वेरी गुड अगला क्वेश्चन बेटा द दर्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब जरा देखो आपने क्या करा है वृथ चेंज करा है इस थ्री टाइम्स अदर एक की व्यक्त जैसे मान लो एक की छोटी है और एक की वृत्त बड़ी है ठीक है आउट फ्रॉम प्रोपोर्शनल टू मतलब इधर से जो एम्पीट्यूड ए वन है थ्री तो ए लिख, तो लिख सकता हूं ठीक है इसका विर्थ डब्ल्यू वन है डब्ल्यू है और इसका थ्री टाइम्स है थ्री डब्ल्यू है राइट द रेशम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी जरा देखना आई मिन बाई आई मैक्स का रेशियो आपको क्या दे रखा है इज एक्स बाय फोर और एक्स की वैल्यू बतानी है तो आई मिन की अगर मैं बात करूं तो ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं क्लियर तो जरा यहां पर देखना एक का एम्पलीट्यूड ए ले लो एक का थ्री ए ले लो तो थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री ए प्लस ए का होल स्क्वायर दैट इज एक्स बाय फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाँ या ना जल्दी से बताओ हाँ या ना जल्दी से बताओ बोलो भाई सर शेप कंसिडर क्यों नहीं किया कौन सा शेप बेटा उन्होंने अगर आप वो पिछले नंबर में गिन रहे हो तो बस हमें गिनना है क्लियर हा या ना बिल्कुल बिल्कुल यस अगला क्वेश्चन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डी की स्क्रीन इज वन पॉइंट फाइव मीटर अवे कैपिटल डी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट टू पॉइंट फोर रीड करो जरा क्वेश्चन क्या कहा है आपके लिए इस प्रकार से वाइडीएससी था कि इन्होंने कहा कि सेंट्रल ब्राइट से ठीक है देखो क्या बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन बोथ साइड यहां पर आपकी फोर्थ ब्राइट जो यहां है और यहां पर आपकी फोर्थ ब्राइट जो सेंट्रल ब्राइट से दोनों साइड है दैट इज 2.4। तो सिमेट्रिकल होता है तो मैं कह सकता हूं 1.2 सेंटीमीटर ये हो गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज आपने क्या फ्रीक्वेंसी यूज करी है दिल बनाना जो ये चीज समझ पाए आपके इस एक्स पर आपकी फोर्थ ब्राइट बन रही है तो इस एक्स पर जैसे आप एक्स पर जाते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है? है हमारे पास है ना? क्या मैं कह सकता हूं इस केस में डी एक्स वाई डी एक्चुअली में फोर लैमडा हमारे पास हो चुका होगा क्योंकि यहां पे फोर्थ ब्राइट बन रही है तो पाथ डिफरेंस फोर्थ ब्राइट के लिए तो फोर लैमडा होता है, है ना तो हमारे लिए डी एक्स की वैल्यू 1.2 पॉइंट टू इंटू की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय मैं यहां पे वैल्यूज रख देता हूं डी 0.3 इंटू की पावर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू आप रख लीजिए 1.2 पॉइंट टू इंटू की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय डी इज 1.5 पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फोर टाइम्स अब सी इक्वल टू म्यू लैमडा लगा लो भाई लैमडा इज इक्वल टू सी बाई म्यू हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो थ्री इंटू टेन की पावर एट बायू आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे दिल बनाओ अगर आप कंसेप्ट समझ पाए बोलो भाई दिल बनाओ अगर आप कंसेप्ट समझ पाए मैंने क्या बोला कि ये दोनों सिमिट्रिकल होते हैं तो ये आपको ये वाली लेंथ आपको 1.2 सेंटीमीटर दे रखे तो 1.2 सेंटीमीटर फोर्थ है तो किसी भी एक्स पर पाथ डिफरेंस डीएक्स बाई डी बनता है ये पाथ डिफरेंस फोर्थ ब्राइट के लिए फोर लैमडा होना चाहिए तो यहीं पर आपको फोर्थ ब्राइट मिलेगा तो डीएक्स वाई डी की वैल्यू आपने फोर लैमडा रखी लैमडा को सी बाय म्यू रख के आपने कैलकुलेट आउट करा क्लियर कंसेप्ट समझना है बेटा ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट हिट करने हैं हमें ठीक है टाइम का हमारे पास बहुत कमी है

फर्स्ट वॉयलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म डेट फॉर्म डेट इतना एम एम एंड इतना फ्रॉम सेंटर तो एक्स ऑफ फर्स्ट वॉयलेट जो आपको दे रखा है ठीक है दैट इज टू पॉइंट जीरो एम एम इतने पर और एक्स ऑफ फर्स्ट रेड जो आपको दे रखा है दैट इज थ्री पॉइंट फाइव एम एम ठीक है अवे फ्रॉम द सेंटर राइट हमें डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वॉयलेट लैमडा रेड माइनस लैमडा वॉयलेट आपको रिपोर्ट करना है अब जरा इसको पहले कंसेप्ट को सीखेंगे पेशेंस रखना है सभी बच्चों को ठीक है जरा ये समझना वाइटी विद वाइट लाइट विद वाइट लाइट अगर आप देखें वाइट लाइट कहने का मतलब इसमें आपके वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड सारे हैं ऑफ रेड टली आठ हजार एंक्ट्रॉम्स का हमारे पास होता है और लैमड ऑफ वॉयलेट इज अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड एंक्ट्रॉम ध्यान से समझना क्या आप मेरे से इस बात पे सहमत हैं कि जब मैं वाइडी सेटअप में व्हाइट लाइट को डालूंगा हमारे पास कंडीशन होती थी कोहरेंस की कोहरेन्ट होनी चाहिए लाइट अदरवाइज इंटरफेरेंस होगा ही नहीं आप यहां से वॉयलेट भी भेज रहे हैं वॉयलेट भी भेज रहे हैं आप यहां से रेड भी भेज रहे हैं रेड भी भेज रहे हैं प्लस बीच में सारे कलर्स हैं वॉयलेट वॉयलेट के साथ इंटरफेयर करेगा वॉयलेट रेड को नहीं इंटरफेयर करेगा रेड रेड के साथ इंटरफेयर करेगा वॉयलेट वॉयलेट के साथ ग्रीन ग्रीन के साथ येल्लो येल्लो के साथ हाँ या ना मेरे बच्चे यस yes. कोहरेज की कंडीशन हमारे पास होती थी ठीक है कोहरेज की कंडीशन हमारे पास यहां पर होती थी तो वॉयलेट वॉयलेट इनकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो ये इसके साथ करेगा ये इसके साथ करेगा यस यस अब जरा देखना सिंपल सी बात यहां से जितनी भी लाइट आएगी जैसे मान लो मैं वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट भी आई हमारे पास यहां पर अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट भी आया मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू से ठीक है इंडिगो ब्लू ग्रीन ग्रीन भी हमारे पास ठीक है ग्रीन भी यहीं पर आया ठीक है येलो ठीक है येलो येलो भी इधर आया क्या आपको यह चीज समझ आ रही है हर जगह से सारे कलर्स बराबर चलेंगे डेल्टा इज जीरो फॉर ऑल कलर्स फॉर ऑल कलर्स सारे कलर्स के लिए डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो सभी ऑल कलर्स प्रेजेंट होंगे ऑल कलर्स यहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे और अगर सारे कलर प्रेजेंट है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड फिर से सारे के सारे प्रेजेंट है तो व्हाइट स्पॉट आपको मिल जाएगा सेंटर पे दिल बनाओ या ना सेंटर पर वाईडीएससी में यहां पर आपको एक वाइट स्पॉट मिलता है क्यों क्योंकि यहां पर सारे कलर्स आपके प्रेजेंट होते हैं सर चार और आठ हजार कैसे आया बेटा बैंक अकाउंट नंबर से आया तुम सोचते रहो आगे बढ़ो भाई जल्दी से बताओ यस yes. तो आपको यहां पर व्हाइट स्पॉट बेसिकली मिलता है अब आप जैसे ही यहां से हल्का सा ऊपर जाते हैं अब जरा देखना वॉयलेट के लिए वॉयलेट कंस्ट्रक्टिव कब कब करेगा कंस्ट्रक्टिव एंड हमारे पास डिस्ट्रक्टिव ठीक है कंस्ट्रक्टिव कब करेगा जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो या फिर पार्ट डिफरेंस लैमडा फोर थाउजेंड पर करेगा या फिर आठ हजार पे करेगा या फिर बारह हजार पे करेगा ऐसे डिफरेंस हो फिर छह हजार हो फिर हमारे पास दस हजार हो है ना हमारे पास दस हजार हो ये रेड के लिए जरा देखना रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव कब होगा जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो या फिर आठ हजार हो लैमडा या फिर सोलह हजार हो सो ऑन so डिस्ट्रक्टिव कब कब करेगा रेड जब लैमडा बाय टू हो फोर थाउजेंड हो फिर हमारे पास बारह हजार हो इस प्रकार से हाँ या ना सारे बच्चे बोलो भाई बोलो भाई सर सेवन के होता है एट के नहीं मैंने क्या लिखा है सात हजार दो सौ के आसपास होता है मैं आठ हजार ले रहा हूं जिससे आपको समझ आ पाए ठीक है क्लियर मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओके राइट ये पता है अब जरा ये देखना जैसे आप यहां से ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते 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 सौ दो सो तीन सौ चार सौ पांच सौ छह सौ सात सौ आठ सौ पंद्रह सो सोलह सो सत्रह सो अठारह सो उन्नीस सो दो हजार होते ही जैसे पाथ डिफरेंस दो हजार होगा तो वॉयलेट का डिस्ट्रक्टिव हो गया यहां पे वॉयलेट आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा और हमारे पास 2000 पे मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेंट जहां होता है वहां से तो कलर उड़ जाएगा वॉयलेट हटते ही रेडिश रेड red का डोमिनेंस जैसे वॉयलेट कम करोगे यहां से रेड डोमिनेट कर जाएगा रेडिश फ्रिंज आपको थोड़ा सा रेडिश पार्क टाइप से आपको मिलेगा फिर आप और ऊपर जाओ यहां से और ऊपर जाओ तो पाथ डिफरेंस 2000 से बढ़ते बढ़ते जैसी चार होगा मेरे एंटरप्र तो चार पे इसका कंस्ट्रक्टिव हो गया इसका डिस्ट्रक्टिव हो गया तो एक्चुअली में यहां पर वॉयलेट का कंस्ट्रक्टिव होगा कंस्ट्रक्टिव कहना मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वॉयलेट आ जाएगा वापस और रेड का आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो रेड उड़ गया तो जैसी रेड उड़ेगा तो ब्लूइश डोमिनेंस आ जाएगा तो आपके यहां पर कलर स्कैटर आउट करेंगे बीच बीच में व्हाइट भी आपको मिलेंगे जहां पर ये फिर से कंडीशन आएगी वीडियो से समझा दो बेटा मैं तो ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं स्पेनिश ट्री है ना आप जाके नेट पर देख लीजिए वाइट विद व्हाइट लाइट आप देखेंगे व्हाइट बीच में व्हाइट मिलेगा और फिर कलर रंग बिरंगे कलर थोड़े से होंगे बीच बीच में आपको व्हाइट फिर से मिलेगा क्लियर क्लियर राइट तो अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं यही सेम चीज यहां है व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ डबल स्लिट एंड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 1.5 मीटर अवे ये द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी एक्स वॉयट ये है तो भाई देखो फर्स्ट ये फर्स्ट वॉयलेट मीन जहां पर वॉयलेट आपको मिला ये कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है ये भी आपकी कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है क्या आपको याद है कि किसी भी वाई सेटअप में ठीक है किसी भी वाई डी एस सेटअप में किसी भी एक्स पर जाने पर पाथ डिफरेंस डेवलप होता था डी एक्स बाई डी अगर यही पाथ डिफरेंस डी एक्स बाई डी आपका एन लैमडा हो जाए तो आपको वहां ब्राइट मिलती थी यहां पे दोनों का ही फर्स्ट की बात है तो एन की वैल्यू वन कर दीजिए तो एक्स वन ऑफ वॉयलेट की बात करेंगे तो लैमडा ऑफ वॉयलेट डी बाई डी और एक्स वन ऑफ रेड की बात करेंगे लैमडा ऑफ रेड डी बाई डी हाँ या ना? बोलो भाई सारे बच्चे किस किस का किस किस का ये कंसेप्ट मैच हो गया मैं ये लिख सकता हूं एक्स वन ऑफ रेड माइनस एक्स वन ऑफ वॉयलेट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट तो यह आएगा डी बाई डी ऑफ एक्स वन आर माइनस एक्स वन वी इज इक्वल टू लैमडा रेड माइनस लैमडा वी किस किस का यह मैच कर गया भाई बोलो 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 यस yes, यस yes. तो आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं थ्री टू थ्री और टू डालना है डी और कैपिटल डी दे रखा है दोनों का डिफरेंस आ जाएगा क्लियर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन बेटा इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू अगर आप वाईडीएससी सेटअप कर रहे हैं ठीक है अगर आपका वाई सेटअप है इस वाई सेटअप में आप पहले कौन सा कर रहे थे लाइट डाल रहे थे ऑरेंज इधर से भी ऑरेंज इधर से भी और अब आप डाल रहे हैं सेकंड में आप ब्लू की साइड आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा यह आपको देखना है द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम मोर बिकम अ डार्क फ्रिंज यार ऑब्वियस बात है जब आप ऑरेंज भेजोगे तो दोनों का रास्ता सेम है अगर आप यहां पर ब्लू भी कर दोगे ठीक है ब्लू भी कर दोगे दोनों का रास्ता सेम है तो ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल ब्राइट है वो डार्क थोड़ा बन जाएगी पाथ डिफरेंस तो वहां पर जीरो ही रहेगा आप कोई सा भी कलर ले लो पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो तो यहां पर वो कह रहे हैं डार्क बन जाएगी भग जाए यहां से द डिस्टेंस बिटवीन कंजेगेटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज बेसिकली फ्रिंज विर्थ की अगर मैं बात करूं वॉयट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड वेवलेंथ आपका इस ऑर्डर में होता है अब आप जा रहे हो ऑरेंज से ब्लू इस साइड

अगला क्वेश्चन देखना क्या है, बहुत खतरनाक लगता लेकिन होता नहीं इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट वेरीज एज आपके जो दोनों स्लिट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जरा देखना क्या दे रखा है डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी ये है है देखने देख थोड़ा सा खतरनाक लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान है जय डी नॉट ओमेगा एंड ए नॉट आर अंस्टेंट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज विस्ट विन ओवर टाइम इज आई कौशर् करने का जय हां कौशन करने का जरा यहां पर समझना भाई देखो इन्होंने क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज विर्थ आपको भी पता है फ्रिंज विर्थ होता है वैमडा डी बाई डी आप वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे डी चेंज नहीं कर रहे ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा सिंपल सी बात जब आप यहीं से देख सकते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन मिनिमम वैल्यू माइनस वन डी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज डी नॉट प्लस ए नॉट होगी और डी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज डी नॉट माइनस ए नॉट होगी ना अगर जहां पर आपका डी मिनिमम होगा फ्रिंज फ्रिंजवे मैक्सिमम होगा तो बीटा मैक्स बीटा मैक्स आपका होगा लैमडा डी डिवाइडेड बाय डी मिनिमम रख दो डी नॉट माइनस ए नॉट और बीटा जो मिनिमम आपका आएगा दैट तो विल बी लैमडा डी अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट होगा सारे बच्चे दिल बनाना जब ये क्वेश्चन का आपको समझ आ जाए डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज वेर्थ एंड द स्मोलेट फ्रिंज वेर्थ तो बीटा मैक्स माइनस बीटा मिन आपसे पूछा था तो एक्चुअली में तो ये तो लैमडा डी अपॉन वन अपॉन डी नॉट माइनस ए नॉट माइनस वन अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट यही तो करना था हा ना? है ना तो ये डी नॉट प्लस ए नॉट टू ए नॉट ये ऑप्शन आ रहा होगा आपका हाँ या ना बी ऑप्शन क्लियर 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 राइट सर डी नॉट ओमेगा इन ए नॉट आर कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट है ना ये टाइम के साथ साथ साइन की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में होगी यार क्लियर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा ध्यान से देखना आपने एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ है आपके लिए लैमडा क्लियर क्वेश्चन रीड करना द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैमडाइज के यूनिट क्या आप मेरे को बता सकते हैं जहां पर आपका पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस लैमडा हुआ होगा वहां की इंटेंसिटी फोर आई नॉट ही होगी क्या इसी को इन्होंने के बोला है हा ना सारे बच्चे हा या ना अरे बोलो भाई अरे बोलो हा या वेरी गुड दीपेश बेटा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस लैमडा होता है वहां तो ब्राइट आता है ब्राइट आता है तो वहां की इंटेंसिटी फोर आई नॉट है तो आपको के की वैल्यू फोर आई नॉट दे दी है अब बोला है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज इंटेंसिटीडा बाई लो आप कहीं पर ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हो जहां पर पाथ डिफरेंस लैमडा बाई सिक्स है पाथ डिफरेंस लैमडा बाई सिक्स तो मैं आपको क्या कह रहा था जब आपको पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल लो यार तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री और अगर आपको ये आ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता था मैं लिख लेता यहां की इंटेंसिटी होगी फोर आई नॉट स्क्वायर हमारे पास फाइव बाई टू ये तो होती थी आई नॉट की वैल्यू आपकी के है ठीक है ये आपको इंटेंसिटी निकालनी है कॉ स्क्वायर ऑफ पाई बाय सिक्स है ना हमारे पास टू पाई बायडा पाई बाई थ्री और फिर यहां पर हो जाएगा पाई बाय सिक्स और कॉस ये हो जाएगा के थ्री बाय फोर यही क्वेश्चन में एन के बाय ट्वेल्व दे रखी है एन के बाय ट्वेल्व तो के से के उड़ा दो भाई के से के उड़ जाएगा हमारे पास फोर और थ्री तो एन की वैल्यू नाइन आ रही है किस किस का यही आ रहा है भाई दिल बना दो वेरी गुड यार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ वेरी गुड हा क्लियर वेरी गुड ठीक है जरा शीट वाला भी क्वेश्चन कर लिया जाए भाई देखो इस टाइप का क्वेश्चन वन फ्रिंज 2019 का ये और ये ऑलमोस्ट सेम है द फ्रिंज विथ मैं पहले इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेन अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यूज इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द स्लिट आपने एक वाई एक्सपेरिमेंट करा है और आपने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म को किसी के सामने यहां पर रख दिया है ठीक है थिकनेस टी एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू द मैक्सिम द मैक्सिम एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय वन फ्रिंज इन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल ब्राइट right आपका शिफ्ट होगा और ये जो एक्स है ये बीटा के बराबर है विच इज लैमडा डी बाई डी इतना शिफ्ट हो गया है ठीक है द वैल्यू ऑफ टी कितना होगा सारे बच्चे सारे बच्चे बोलो भाई कॉस सिक्सटी क्या कह रहा है बच्चा एक भाई ये फाइव बाई थ्री सिक्सटी डिग्री है तो कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू रखोगे तो फाइव बाई सिक्स हो जाएगा थर्टी डिग्री आ जाएगा थर्टी डिग्री रूट थ्री बाय टू होता है स्क्वायर करोगे थ्री बाय फोर आएगा कैलकुलेशन में गलती मत करो भाई हाँ अंशुमन गुप्ता आखिरी में बता दूंगा जब दोनों की इंटेंसिटी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बेटा हमारे पास बराबर हो जाए ठीक है मतलब डार्क भी उतनी इंटेंसिटी की बन रही है ब्राइट भी उतनी इंटेंसिटी की बन रही है तो आपकी फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी आप देख ही नहीं पाएंगे कौन डार्क है कौन ब्राइट है वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्लियर समझ आया कि भाई आपका सेंट्रल ब्राइट तो शिफ्ट करता था तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है जो आपका शिफ्ट हुआ है वो वन फ्रिंज के बराबर है तो दैट इज लैमडा डी बाई डी टी बताना है तो आपको तो ये बात पता ही है ना जो डी एक्स बाई डी होता था वो होता था टी इंटू म्यू माइनस वन और इन्होंने एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है बीटा डी से डी गया ये गया लैमडा डिवाइड बाई म्यू माइनस वन इज इक्वल टू टी भाई मैं कह रहा हूं अगर आप बेसिक तरीके से तैयार करके जाओगे तो आपको घबराने की बात नहीं है क्लियर क्लियर यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने एन फ्रिंज विरथ के लिए बोल दिया है सेम क्वेश्चन है एन फ्रिंज इसलिए कहते हैं कि जब आप पेपर देने जाओ तो अपने से पुराने शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एक बार आप जरूर कर लो ठीक है द फिगर चौदह यंग डबल एक्सपेरिमेंट सेटअप इट इज ऑब्जर्व दैन अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी डाला तो वो एन फ्रिंज शिफ्ट हो गया तो आपको यहां पे एन फ्रिंज विरथ का बस एन टाइम्स बीटा लेके चलना था क्लियर जरा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सारे बच्चे क्लियर hmm. hmm. सर बाकी भी पढ़ा दो जल्दी इतनी जल्दी होती तो बेटा ग्यारहवीं क्लास में बारहवीं करके बैठ जाता वन शॉट देखने की लालच ही नहीं पड़ता आखिरी में चिल्ल मार रहा होता उस समय दो साल क्या किया हिसाब किसका दोगे बैठे हैं बेटा हम सारे कठपुतली हैं हमको भगवान ने बोला पढ़ा दे हम पढ़ा रहे हैं आपको भगवान ने बोला पढ़ लो आप पढ़ नहीं रहे हैं हिसाब लिया जाएगा बेटा दो साल का पूरा ठीक है पूरा दो साल का हिसाब लिया जाएगा सर जल्दी जल्दी पढ़ा तू ना हमारे पास टाइम बहुत कम है हाँ <laughs> कलेक्टर है ना भाई साहब हम्म एक तो भाई बंदा मेहनत कर रहा है और तुम कह रहे हो ए थोड़ा जल्दी पढ़ाना यार थोड़ा जल्दी पढ़ाओ क्या हाँ का, का है कितना क्वेश्चन करा रहे आई हम दो साल काटे हैं सर दो साल हमारा भी टीचर क्लास में खूब मजे से पढ़ा रहा होता था हम बकैती करे बैठे बैठे पीछे पूरा जो 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 दो साल निकल गया अब आपके पास आए अब आपसे बकैती करेंगे आप भी जल्दी जल्दी जल पढ़ा दीजिए अपना काम करिए भाई हम भी अपना काम करेंगे है ना पागल इंसान कंसिडर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर वट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ सच दैट द फर्स्ट मिनिमा अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लिट वन आपका फर्स्ट मिनिमा कहां पर बन रहा है बिल्कुल इसके सामने अब जरा देखो इस क्वेश्चन में स्लिटविथ और डी दोनों कोई बहुत बड़े नहीं है तो जो एंगल है हाँ, कई होगा तो तीन साल भी होगा बहुत सही यार करेक्शन नीडेड वेरी गुड वेरी गुड तीन साल यस। yes, ड्रॉपर भी हो सकता है बच्चा मैं ऐसे देख रहा था एक जगह अपने यूट्यूब पे, पे जे वाला पे एक बच्चे ने लिखा था सर अलग सर को एक तो बच्चे धमकी देने लग गए आजकल ठीक है सर 2024 का ड्रॉपर बैच प्लीज आज ही रिलीज कर दीजिए जल्द से जल्द वी आर इन नीड <laughs> एक नंबर का उसको पता क्या है 2024 के ड्रॉपर की बात कर रहा है मतलब वो एट प्रेजेंट बारहवीं में होगा अगर बहुत अगर मैं सीना उसकी हालत बिल्कुल टाइट है उसको लग रहा है कि भाई अब हो नहीं सकता हमसे अभी से ड्रॉपर बन जाते हैं मैं ड्रॉपर में पहले से स्टार्ट करूंगा तो सबसे आगे निकल जाऊंगा हाँ चार महीना आगे बेटा जिनसे आप सोच रहे हैं ना आप चार महीना आगे निकलेंगे वो आपसे बहुत आगे क्योंकि वो इसी साल कॉलेज में चले जाएंगे आपका जो कंपटीशन अभी एट प्रेजेंट है ना वो आप खुद है ठीक है उसको 2024 वो भाई साहब उसने प्लानिंग बहुत सही करी है मैंने अपने एक दो साल तो खराब कर लिए हैं अब मैं अगले साल की प्लानिंग करता हूं कि कैसे उसको खराब करना है तो अलग सर प्लीज बैच लॉन्च करिए ड्रॉपर का टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का मैंने कहा अरे ये तो अभी करेगा है ठीक है तो भाई ऐसे भी हालत मत बनाओ अपनी ओके तो जरा यहां पर ध्यान से देखना एस वन एस टू दो स्लिटे भाई देखो जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है और जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है अगर मैं इनमें यहां पर बात करूं तो बिल्कुल कंपेरिजन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भाई देखो जो ये वाली लाइट गई होगी इसका रास्ता कितना चला इसने चला 2d है ना और जो ये वाली लाइट गई होगी जो ये वाली लाइट गई होगी इसने कितना चला भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो root of 4D रूट ऑफ फोर डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज रूट फाइव डी या है ना हाँ सर मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक की इंटेंसिटी जीरो हो जाए एक की इंटेंसिटी नहीं भाई जो डार्क फ्रिंज है ना अंशुमन बेटा अंशुमन ये ना हाँ जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है या तो जीरो हो जाए जब दोनों की रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू तो मिनिमम कितनी हो सकती है जीरो या तो कुछ ना कुछ होगी यही हो सकता है है ना तो जरा यहां पर अगर आपकी डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो हो गई तो प्रॉपर डार्क दिखेगा प्रॉपर ब्राइट दिखेगा फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम है अगर आपकी ब्राइट की और डार्क की इंटेंसिटी मैच कर गई तो डार्क और ब्राइट और में आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे तब आपकी फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो आएगी तो भाई जरा ये देखना इन दोनों रास्तों में पाथ डिफरेंस आपका इस बार आपका वो फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका जो पाथ डिफरेंस है वो होगा रूट ऑफ फाइव डी माइनस हमारे पास टू डी ये आपका अगर फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है लैमडा बाय टू तो आपका अगर ये लैमडा बाय टू हो गया तो कंडीशन मैच कर जाएगी है ना तो हमारे लिए इन्होंने क्या बोला था कंसीडर द वट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो रूट ऑफ फाइव माइनस टू इन टू की बात करें लैमडा अपॉन रूट ऑफ इस प्रकार से आपका लैमडा डी होना चाहिए है ना बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर क्लियर है क्या बच्चा क्लियर hmm. है क्या हाँ ah. ओके okay. इसके बाद की कहानी हमारे पास दो क्वेश्चन है आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं ठीक है थीके? इसके बाद की कहानी हमारे पास डिफ्रैक्शन की है ठीक है क्लियर दो है हमारे पास मेन डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन पहले पोलराइजेशन बताते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हैं ठीक है डिफ्रेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे गए हैं पोलराइजेशन से ज्यादा है तो पहले इसको करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बाद में हाँ देखो ब्रेक आ गया ठीक है तो कुछ बच्चे चले जाए उससे पहले एटलीस्ट कुछ फायदेमंद उनका वैल्यू एडिशन हो जाए बस एक मिनट रुकना मैं पानी मंगा लू भाई कोई पानी पिला दो गरम पानी क्लियर पहले हम लोग पोलराइजेशन खत्म कर लेते हैं फिर डिफ्रेक्शन पे जाते हैं क्योंकि एटलीस्ट कुछ बच्चों का फायदा हो जाए क्योंकि पोलराइजेशन से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आए हुए ठीक है लाइट में था लाइट में था वेव्स में था इसमें अब तो ही इसका काम हो गया हमारा इसका काम हमारा हो लिया इसका काम हमारे पास हो लिया इसका देखेंगे अब ठीक हम्म सर डिप्रेशन दो साल मस्ती करें अब डिप्रेशन हो रहा है <laughs> बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बच्चों का सुन के सर आई एम हैविंग अ वेरी एंग्जाइटी अटैक सर अगर आपने पढ़ा है तब तो मेरे को समझ भी आ रहा है नहीं पढ़ा है तो और आप सीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो एक जगह पर आप खुद सोचो दो साल आपने पढ़ा नहीं बिल्कुल सीरियसने जीरो. <laughs> आखरी सीरियसनेस जीरो और आखिरी में ऐसी सीरियसनेस एंजाइटी अटैक तो आएगा ही ना कहा था ये सीरियसनेस दो साल <laughs> <laughs> हाँ डिप्रेस सर आई एम हैविंग एंजाइटी है क्योंकि अब आपकी हालत टाइट है क्योंकि अब आपसे पापा मम्मी हिसाब मांगेंगे दो साल का अभी तक तो बेवकूफ सर स्कूल पापा स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं अच्छे से हमको कोचिंग दिलाईया पापा हम कोचिंग जाते हैं हमारा जूता घिसगा हमको चप्पल दिलाइए चप्पल दिलाने के बाद पापा देखिए हमारा कीचड़ में चप्पल दब गया निकाले है निकाले हैं साइकिल दिलाई है पापा साइकिल में हमारे सारे दोस्त स्कूटी पे आते हैं हम साइकिल से कैसे जाऊंगा पापा स्कूटी स्कूटी के बाद आते पापा हमारा मोबाइल रिचार्ज टाइम पे करा दीजिएगा हमारा थ्री जी चाहिए क्योंकि हम लेक्चर देखेंगे ना पापा तुम्हें पता नहीं होता एक अलग सी पर्ची बन रही होती है पापा की ठीक है और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो हर चीज पेटीएम से चल रहा है फोन पे से चल रहा है अकाउंट में अच्छा खासा एक लिखत जोड़त है आपकी कि आपके ऊपर कितना रोकड़ा लग रहा है समझे तो पापा भी आराम से अपना पर्चा बनाए हैं हा बेड़ा अब उसकी ही तैयारी है उसी का हिसाब लिया जाएगा ठीक है तो बिल्कुल शांति से बैठना हाँ ठीक है अभी 2500 बच्चे बैठे हैं ध्यान से समझना पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे ठीक है ठंडा है गर्म है ठीक है ठीक है क्लियर अभी जितनी बकायती कर रहे हो फ्रिंज विजिबिलिटी वन आ रही है अभी आपकी अभी आपकी फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो कर देंगे दिखोगे नहीं तुम एग्जाम वाले रिजल्ट के दिन ठीक है ओके आ जाओ अब सीरियसली पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट की विच इज पोलराइजेशन ठीक है पर ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें लाइट की तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइट एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ध्यान से समझना ठीक है अगर मैं लाइट की बात करूं तो आपको भी पता है एक ईएम e वेव है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सारे बच्चे सीरियस होना और थ्योरी में जो मेन चीजें हैं देखो पोलराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर माउल्स लॉ के बारे में बात करेंगे जो बच्चे आखिरी के टॉपिक को देखते ही छोड़ देते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्रकार से होता है आप सभी लोगों को पता है ई क्रॉस बी अगर आपके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है ये आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है जब आप ई क्रॉस ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं और वेव का प्रोपोगेशन आपका इस प्रकार से हमारे पास होता है तो वेव प्रोपोगेशन आपका इस प्रकार से होता है ट्रांसवर्स वेव होती है ई क्रॉस बी गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या आपको यह चीज याद आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से लाइट वेक्टर कौन सा होता है बोला भाई बोलो भाई आप में किस किस को याद है इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से लाइट वेक्टर कौन सा होता है लाइट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आप जितनी भी चीजों को देख पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक लाइट वेक्टर है ठीक है जो लाइट होती है जैसे आप सभी लोगों ने जुगनू देखा होगा ठीक है गाना नहीं भे हाँ आजकल के बच्चे आ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाइट वेक्टर है तो हमारे लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैटर करता है बेसिकली अगर देखने वाली सारी विजुअल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैटर करता है मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है तो जो जुगनू हमारे पास होता है अगर आपने देखा हो रात को जुगनू जब चलता है तो एक रोशनी जलती है फिर वो रोशनी बुझ जाती है थोड़ी देर के बाद रोशनी जलती, जलती है फिर बुझ जाती है फिर जलती है फिर बुझ जाती है अब तो भाई साहब गांव में भी जुगनू नहीं दिखते लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो भाई साहब खूब जुगनू होते थे बड़ा मजा आता था उनको बोतल में बंद करके टॉर्चर किया जाता था कि दोपहर में हम इसकी लाइट से पढ़ेंगे। <laughs> हाँ देखे सारे के सारे जमीन पे सुबह लेटे पड़े हैं जुगनू है ना आपने भी आई थिंक गांव जाके कभी ना कभी जुगनू को जरूर देखा होगा जुगनू इज लाइक इज लाइक जादू ऑफ कोई मिल गया जादू याद है जादू डॉप सोलर एनर्जी बल्ब जलता है वैसे ही जुगनू रात को अगर आप रात को अगर आप जो कोई मिल गया का जादू है उसका बटन ऑन करके छोड़ दो तो वो भी जुगनू के जैसे जलता हुआ चले हाँ या ना यस yes. तो जुगनू जिनको नहीं पता है कुछ साउथ इंडियन बच्चे भी होंगे इट्स एन इंसेक्ट इंसेक्ट फॉर्म ऑफ जादू फ्रॉम कोई मिल गया इज कॉल्ड जुगनू That has a battery which runs by the solar energy. <laughs> yeah. Right? And when that insect, which is a replica of a Jadu insect form, when it goes, the light goes like doom, -dum, dum 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 dum. In dark, what do you see brightness increases to maximum, then decreases to zero. Then maximum, then zero. Then maximum, then zero. Similarly, like electric will have maximum, zero. फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो इस प्रकार से हमारे पास लाइट होती है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लाइट इधर जा रही तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट जब जाती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर अचानक ऐसे बढ़ते हैं जैसे समझना लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे मैक्सिमम फिर कम होके जीरो बहुत सारे होते एक नहीं होता हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन सिर्फ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे फिर कम होके जीरो फिर बनेंगे फिर कम होके जीरो तो लाइट इस प्रकार से जाती है तो इसको हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट आप कहीं पर इस प्रकार से अगर देखें ऐसे 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 अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट मतलब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं पोलराइजेशन क्या है पोलराइजेशन इज अ मेथड ऑफ मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग रिस्ट्रिक्टिंग ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर्टिकुलर प्लेन एक पर्टिकुलर प्लेन में इन पर्टिकुलर प्लेन अभी मैं सीमुलेशन दिखाता हूं वहां से जल्दी से सीख जाओगे ठीक है कि लाइट का जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस प्लेन में भी ऑसोलेट कर रहा है इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रहा है इस प्लेन में भी ऑसोलेट कर, कर रहा है बहुत सारे ऑसोलेशन है अगर आप एक अनपोलराइज लाइट जहां पर बहुत सारे ऑसुलेशन है इसका एक सिंबल हम लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे अगर आप कहीं पर इस प्रकार से देखें कि एक एरो दिखा दिया जाए ये क्या कह रहा है ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है और ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है मींस हमारे पास हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है तो यहां पर दिस इज अनपोलराइज लाइट अगर आप एक अनपोलराइज लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दें इसका ऑसिलेशन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो दैट मेथड इज कॉल्ड पोलराइजेशन तो आप अगर कहीं ऐसे देखें और कहीं ऐसे देखें तो दिस इज योर पोलराइज लाइट क्या होती है पोलराइज लाइट इसका ये आपके लिए दोनों ही पोलराइज लाइट है पोलराइज कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या बता रहा है ऑसिलेशन ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये क्या बता रहा है ऑसिलेशन इन प्लेन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इन प्लेन तो जो मेथड होता है कि आप एक अनपोलराइज लाइट को एक प्लेन में ऑसिलेट करवा दें बेटा दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन और हमारे पास अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन ये है या फिर ये है और अगर आप इसको ऑसिलेशन रोकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में उसको पोलराइज करते हैं तो आप या तो ऐसे दिखाते इसका मतलब यह है ऐसे ऐसे लाइट जा रही है और इसका मतलब यह है लाइट ऐसे ऐसे करके जा रही है क्लियर हाँ एंड्रयू टट्टे बेटा जरा यहां पर ध्यान से समझो हां हां यह पूछ रहा है सर आपके आपकी बुगाटी का अच्छा बहुत सारे बच्चे यही हैं हाँ। आपकी बुगाटी का वो बता दो कलर अब क्या ही बोले इनको ठीक है क्या ही बोले इनको कैसे समझाएं कि हम यहां पे क्या पढ़ा रहे हैं इनको बुगाटी का कलर चाहिए आ जाओ भाई आ जाओ ठीक है चलो भाई चलो अब क्या करें अब क्या ही बोला जा सकता है है ना आओ भाई पोलराइज लाइट की बात करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है भाई देखो यहां पे थोड़ा सा कीचड़ टाइप का दिखेगा मैं एक स्लिट ले लेता हूं ठीक है इसको कर देते हैं भाई देखो यहां पे ऑसिलेशन आपके ऐसे ऐसे हैं ऐसे भी ऑसिलेशन है एंगल पर भी है तो यहां पे दिस इज योर लाइट अगर आप एक ऐसे कुछ ऐसे मेटीरियल होते हैं जो टोर्मोलिन कैल्साइट और आ, हमारे पास ग्रेफाइट कुछ ऐसे से हम लोग यहां पर क्या बना देते हैं पोलोराइड पोलरॉइड इज लाइक ए खिड़की लाइट के लिए खिड़की है पोलरोग्स। पोलरोग्स। पो कि बहुत सारी ऑसोलेशन हो रही है इनकी जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस होगी लाइट उसी ट्रांसमिशन एक्सिस में से बाहर निकलेगी क्लियर है क्या बोलो बोलो भाई बोलो भाई ये बुगाटी पर ने एक, एक मेरे को जोक याद आ गया एक बंदे के पास ग्रीन कलर की वो थी फरारी तो दूसरा बंदा कहता है कि यार तुमने फरारी तुम्हारे पास फरारी है ग्रीन कलर की यार लाल कलर की फरारी लेनी चाहिए थी तुम्हें भी तो बंदे ने कहा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पास कौन सी कलर की फरारी है समझे तो ज्ञान देने के लिए तो बहुत आ जाते हैं है अपने पास कुछ है नहीं ठीक <laughs> है हाँ तो भाई साहब आप दूसरे पे व्यंग कसने से पहले अपने आप भी तो सोचो ठीक है चलो हमारी ग्रीन कलर की ही फरारी सही आपके पास फरारी भी है या नहीं ठीक <laughs> है आ जाओ अब जरा यहां पर ध्यान से देखना ये जो हम लोगों ने उस ऑसिलेशन उस को रिस्ट्रिक्ट करा है एक प्लेन में दैट इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन ठीक है तो ये आपका पोलराइजेशन है जरा ये समझना हमारे लिए होते हैं पोलोराइड क्या होते हैं पोलोराइड्स दार्दी, आप कह सकते हैं मेटीरियल इस टाइप से आपको कही न कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करा जाता है एक ऐसे मेटीरियल ठीक है जिसमें से अगर कोई लाइट पास करे तो एक प्लेन में ऑसिलेट करती है जैसे समझना लाइट हमारे पास यहां पर ये डायग्राम जरूर बनाना बेटा लाइट हमारे पास यहां से यहां अगर जा रही है और ये है अनपोलराइज लाइट ऐसे 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 दिस इज योर अनपोलराइज्ड अनपोलराइज लाइट ठीक है अगर लाइट हमारे पास ये जा रही है तो ये होती है पोलराइड ऐसे आपके मेटीरियल होते हैं जो कैल्साइट ठीक है टोर्मोलिन कुछ ऐसे मेटीरियल से बनाई जाती है जिनका एक होता है एक्सिस विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस ये इसी एक्सिस में सारी की सारी ऑसलेन को अलाउ करते हैं ऐसे जाने के लिए तो लाइट आपकी एक प्लेन में ऑसिलेट करते हुए यहां से आगे मूव कर रही होती है क्लियर क्लियर सारे बच्चे बोलिए भाई क्लियर यस क्लियर यस क्लियर हम्म अब जरा यहां पर समझना बेटा ठीक है अब जरा यहां पर समझना हम लोग एक होता है ब्रिविस्टर्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से मेटेरियल ये किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आपका लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल ब्रिविस्टर्स लॉ ब्रिविस्टर्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है इनों का इसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान सुनना अगर आपका एक मेटीरियल है जिस पे अनपोलराइज लाइट आपने एक ऐसे एंगल पर डाली दिस इज बी ब्रिविस्टर्स एंगल आपने कौन सी लाइट डाली है अनपोलराइज लाइट अगर आपने इस पर इंसिडेंट कराई इन सच अ वे इन सच अ वे कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एंड जो आपकी रिफ्रेक्टेड लाइट है ये अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री हो गए तो आपकी ये वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है ऐसे दिस इज योर कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलेगी आपको और ये आपके लिए पार्शियली पोलराइज्ड होती है पार्शियली पोलराइज्ड हमारे पास लाइट होती है ठीक है तो इसमें आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ब्रिवेस्ट लॉ क्या कहता है एक ऐसा एंगल जर देखो एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड है तो ये भी थीटा भी हुआ ये 90 डिग्री है तो ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जरा ये समझना आर लिख लेते हैं तो ब्रिवेस्टर्स लॉ क्या कह रहा है जरा सारे बच्चे लिखना ठीक है हमारे पास when light is incident when light is incident on polaroid in such a way in such a way that reflected light reflected light is perpendicular to refracted okay right? refracted then reflected light Reflected लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज इज कंप्लीटली पोलराइज तो ये एक आपका एक मेथड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जरा हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं. आपकी लाइट हमारे पास इस प्रकार से आपकी लाइट एक नॉर्मल से अगर मैं बात करूं यहां पर आपका एयर है यहां पर आपका मीडियम है विद रेफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू लाइट आई एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बी यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका रिफ्लेक्टेड और ये नब्बे डिग्री का हो तो किस किस को स्ने लॉ पता है किस किस को स्नेक्स लॉ पता है तो यहां पे वन इंटू साइन ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर पता है यहां पर क्योंकि रिफ्रैक्शन भी हो रहा है तो स्नेल स्लह अगर लगा लें ये लेर है अगर देखा जाए थी प्लस नाइनटी प्लस आर इक्वल टू वी लीनियर है तो थीट्टा बी प्लस आर इक्वल टू नाइनटी आर इज इक्वल टू नाइनटी माइनस थिट्टा बी बेटा इस फॉर्मूले को भूलना मत मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन भिड़ जाएगा आपको बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो साइन थिट्टा भी इज इक्वल टू म्यू कॉस थी टेन थिट्टा भी इक्वल टू म्यू बेटा एंगल कहते हैं इसको अगर आपको क्वेश्चन में ब्रिविस्टर्स एंगल दिया जाए तो समझ जाना टेन इनवर्स ऑफ म्यू ये ये कोफिशेंट ऑफ वो नहीं है फ्रिक्शन वाला नहीं है भाई म्यू <laughs> <laughs> हाँ ठीक है कुछ बच्चे इसको कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समझने लग जाते हैं बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छोटे डब्बे में भरोगे तो लीक तो होगा ही ना <laughs> तो बेटा अपना डब्बा इंक्रीज करिए खोपड़ी को ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है क्लियर क्लियर hmm. अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल याद करो हमारे पास सी ओ वीरे सी साइन इनवर्स ऑफ वन बाय म्यू ठीक है तो आपको ब्रिविस्टर्स एंगल देंगे तो आप म्यू निकालेंगे म्यू निकालेंगे तो यहां रख के क्रिटिकल एंगल निकालेंगे क्लियर हाँ क्लियर तो याद रखना क्रिटिकल एंगल भी ब्रिविस्टर्स एंगल से निकलवाया जाता है और बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है क्लियर अब बात आती है इंटेंसिटी ध्यान से सुनना इंटेंसिटी लिखो रे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग फ्रॉम पोलराइड इंटेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ठीक है इसमें आता है हमारे पास महू क्या आता है माउल्स लॉ ठीक है कुछ बच्चे इसको लॉ भी कहते हैं कुछ बच्चे इसको माउल्स लॉ भी कहते हैं ठीक है माउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना अगर आपका ठीक है अगर आपका एक पोलराइड जैसे मान लो आपका एक इस टाइप से ले लेते हैं ए नॉट एम्पलीटूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए नॉट ये लाइट आई 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 और आपका पोलरॉइड कुछ ऐसे रखा है क्योंकि अब थ्री डायमेंशनल होता है आधे बच्चे तो भाई साहब पूरी जिंदगी थ्री डायमेंशनल में जीने के बाद जैसी सॉलिड स्टेट में बोला जाता है एक एटम यहां रख दो एक एटम यहां रख दो थाँ, 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 खोपड़ी फूट जाती है उनकी भाई तुम जिंदगी भर थ्री डायमेंशनल दुनिया में जिए हो ठीक है है ना जिंदगी भर घर में ऊपर नीचे आगे पीछे कभी थ्री डायमेंशनल दुनिया में लेकिन जहां सॉलिड स्टेट में एफ सी सी का टेट्राहेड्रल की बात होती है सर क्या बोल रहे हो आप है ए रूट टू ए रूट थ्री कैसे सर ये कहा किसको कहां रख दिया ऐसा हो जाता है है ना सिंपल सी चीज नहीं समझ आती तो यहां पर भी थ्री डायमेंशनल है ठीक है आपका पोलराइड यहां पर इस इस वाले से अभी ऐसे आपका ऑसिलेशन हो रहा है इस वाले से ये किसी एंगल थीटा पर रोटेटेड है क्लियर क्लियर यस तो जरा ये समझना इसकी जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है तो वो होगी के ए नॉट का स्क्वायर इसमें होता क्या है जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है ये एम्पलीट्यूड का वही कंपोनेंट जो इसके अलोंग इसके अलोंग हमारे पास होगा वही इसको पास करेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए नॉट कॉस थीटा इज योर ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड जो यहां से पास होगा वो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा जरा देखना तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी के ए नॉट का स्क्वायर थीटा ये होगा तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस थीटा दैट इज योर माउल्स लॉ क्या है माउल्स लॉ क्लियर क्लियर समझे मैंने क्या बोला अभी मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा ये एम्पलीट्यूड ऐसे देखो खिड़की अगर ऐसे है अगर ऐसे है तो ऐसे ऐसे आते हैं पूरा का पूरा पास हो जाएगा अगर ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है और मैंने ट्रांसमिशन एक्सिस रखा है ये तो एम्पलीट्यूड का वो कंपोनेंट जाएगा तो ट्रांसमिशन एक्सिस के है ए नॉट थीटा ही ट्रांसमिट होगा क्लियर क्लियर तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई नॉट कॉस थीटा जरा देखना अगर इसी का एक केस ले लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी जितनी लाइट आई उतनी चली जाएगी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज जीरो क्लियर? क्लियर? जरा सारे बच्चे जितने सीरियस बैठे हैं भाई जितने हमारे पास सीरियस बैठे हैं दिल बनाओ अगर आप यहां पे देख पाए सबसे पहले एक अनपोलराइज लाइट इसमें से पास हुई तो प्लेन पोलराइज हो गई अब मैंने इन दोनों के बीच का एंगल देखो ये भी ऐसे है इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस है जिसमें से लाइट पास हो रही है अभी ये जीरो है जितनी लाइट की इंटेंसिटी यहां होगी उतनी यहां होगी अगर मैं इसको 90 डिग्री पर कर दूं तो लाइट पास नहीं होगी क्लियर क्लियर बोलो भाई क्लियर अगर मैं इसको 90 डिग्री पर कर दूं तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी नहीं होगी दैट वॉज योर मोल्स लॉ इंसिडेंट इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा वो आपकी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है क्लियर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अरे आपने अपनी ऑर्गेनिक में डेक्सट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी आर एस एसगेशन एस आर कॉन्फ्रिगेशन पढ़ा था ना ये वही है अगर मान लो इस हम ये क्यों पढ़ रहे क्योंकि कुछ आपके मेटीरियल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लाइट को ये बेंड कर देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दुखती नस पर पाओ नहीं सर आप तो खुद के बैठ गए है ना जरा समझना अगर मान लो कि हमारे पास अगर ऐसे था देखो ये एक्सिस ये है ये एक्सिस ये है अभी लाइट नहीं निकल रही लेकिन अगर इसके बीच में मैं और सारी प्लेन्स ला रहा हूं जरा ये देखना मैंने इसको हल्का सा रोटेट करा इसको भी हल्का सा रोटेट करा अब जा रही है ये वाली ने थोड़ा सा इसको बेंड करा इस वाली ने इसको और बेंड करा इस वाले ने इसको और बेंड करा जो आपकी लाइट आ रही थी वो ऐसे आते आते ऐसे बेंड होकर निकल गई तो एक मीडियम में से जब आप लाइट पोलराइज लाइट को डालते हैं तो वो रोटेट होके ऐसे निकलती है उसी में तो आपके डेक्स्टो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी थे हा अरे बोलो यार किस किस को याद आया हाँ किस किस को याद आया कि आपकी लाइट जब एक साइड में बेंड हो जाए एक साइड में बेंड हो कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कराया जाता था वही तो चीजें हैं ठीक है अगर आप डायरेक्टली अगर आप बात कर रहे हो तो लाइट पास नहीं हो पा रही लेकिन इस मीडियम में लाइट आपकी धीरे 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 रोटेट होते हुए हो जाती थी तो अगर मैं इसको रोटेट कर दू इसको रोटेट कर दू कुछ ना कुछ पास होगा लाइट को मैं धीरे धीरे रोटेशन क्रिएट कर रहा हूं तो हमारे पास तब पास हो जाएगा लेकिन अगर मैं सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूं जो इसके परपेंडिकुलर है तब पास नहीं होगा क्लियर क्लियर यस हां अब एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर मैं इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे मॉल सुलॉ ने यह भी बात बोली कि भाई देखो ये तो हमें पता लग गया कि अगर मान लो कि एक आपका पोलराइजर है जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है लाइट हमारे पास इसमें एक अनपोलराइज लाइट आ रही है ये 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 बहुत सारे एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो भाई देखो एक ये वाला एम्पलीट्यूड तो डायरेक्टली चला जाएगा इस वाले का एक कॉस कंपोनेंट सभी का एंगल आपका अलग अलग होगा तो इतने सारे एम्पलीट्यूड का ए नॉट कॉस थीटा आपका जो होगा इन सभी के लिए थीटा वेरी करेगा सारे बच्चे बताना ये ट्रांसमिशन एक्सिस है जो ऐसे ऐसे जा रहा था वो तो सीधे चला गया जो किसी एक एंगल पर था उसका कॉम्पोनेंट गया जो और किसी एंगल पे था उसका कंपोनेंट गया जो ऐसे था उसका कॉम्पोनेंट सभी का कॉम्पोनेंट तो ऐसे जाएगा हाँ या ना यार हाँ या ना यस यस तो जरा ये समझना सभी का अगर आप कॉम्पोनेंट करेंगे तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आपका आई नॉट या ए नॉट के नॉट थीटा होगा लेकिन थीटा तो वेरी कर रहा है अगर आप इसका एवरेज कर दें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो एवरेज आपको बाहर मिलेगा दैट इज इंसिडेंट इंटेंसिटी थीटा का एवरेज और इसका वैल्यू हाफ होता है तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई नॉट बाय टू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलत करते हैं हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलत करते हैं और ये क्या है अगर आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है और ये अनपोलराइज है ध्यान से समझना दोनों रिजल्ट में क्या डिफरेंस है अनपोलराइज लाइट जैसे ही पहले पोलराइज होगी पहले पोलराइज होगी इंटेंसिटी सबसे पहले आधी होगी और फिर अगर आप ये पोलराइज लाइट को ये पोलराइज लाइट को ठीक है अगर आप भेज रहे हो तो आई नॉट स्क्वायर या इंसिडेंट का स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा होगी क्लियर क्लियर जल्दी से बोलिए भाई क्लियर फिर हम लोग क्वेश्चन करें सारे बच्चे क्लियर यस यस ध्यान समझो मैंने पूरी कहानी क्या बताई अगर आपकी एक अनपोलराइज लाइट है और आप सबसे पहले एक पोलराइजर से पास करते हो तो ये पोलराइज होगी इसकी इंटेंसिटी i नॉट है तो ये i नॉट बाय 2 कर देगा सबसे पहले फिर अगर आपका पोलराइजर और एनालाइजर किसी एंगल पर है इसको पोलराइजर कह रहे हैं और इसको हम एनालाइजर क्योंकि यहां से हम लोग एनालाइज करते हैं अगर मान लो ये किसी एंगल थीटा पर है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस तो यहां पे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी इंसिडेंट इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी i नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा क्लियर है क्या सारे बच्चे बोला भाई क्लियर है क्या सारे बच्चे हा या ना? पहली बात अनपोलराइज लाइट सबसे पहले जब पोलराइज होती है तो इंटेंसिटी उसकी आधी होती है आधी फिर इसके बाद जो भी यही आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी बनेगी तो अगर आप इसको अब टर्न करोगे तो कॉसक्वायर थीटा का फंक्शन लगाओगे क्लियर सारे बच्चे क्लियर हाँ ना तो जरा क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है जल्दी से द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम मीन्स आपको ब्रिविस्टर्स एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री वट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस तो जरा यहां पर समझना अगर आपको ब्रिविस्टर्स है तो tan थीटा b इज इक्वल टू म्यू होता है तो tan 60 इज इक्वल टू म्यू आपका आएगा रूट थ्री इज इक्वल टू तो म्यू तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू तो थीटा सी इज साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री आपका बेसिकली आएगा डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर क्लियर ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू अ पोलराइजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल बी भाई इसको तो डायरेक्टली याद रखो ये बहुत ज्यादा पूछ रहे कई बच्चे इसको गलत करते हैं ठीक है हमारे पास अगर एक अनपोलराइज लाइट अगर है आप किसी भी पोलराइजर से पास करोगे तो ये आई नॉट का सबसे पहले आई नॉट बाय टू कर देगा तो आपकी बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर बेटा अगर आपके पोलराइजेशन से क्वेश्चन आ जाए छोड़ के मताना दो ही चीजें हैं ब्रिविस्टर्स लॉ और मॉल्स लॉ बस ये अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आपका सारा सवाल हो जाएगा आइए जेई के क्वेश्चन भी देखें सारे बच्चे आइए नेक्स्ट अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन ध्यान से देखना अगर आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है आपने इसको एक स्क्रीन के सामने रख दिया है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई तो ये पहले हमारे पास अनपोलराइज लाइट है तो इसकी जो भी इंटेंसिटी आ रही थी दैट इज आई क्लियर द टू पोलराइड पी वन एंड पी टू आर प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ द सोर्स एंड लाइट एंड स्क्रीन आपने दो पोलोराइड को बीच में रखा है सच दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज आई बाई टू सारे बच्चे मैं दो पोलराइड्स को रख रहा हूं क्या आप यह बात समझ रहे हैं ये दोनों पोलराइड एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए दिल बनाना अगर आप मेरी इस बात को समझ पाए क्योंकि ये आपकी लाइट है आई। पहले अगर पोलराइजर वन से पास करेगी तो सबसे पहले ये आई बाई टू होगी और ये फिर से आई बाई टू स्क्रीन पर अगर मिल रही है तो ये दोनों पी वन एंड पी टू पैरल होने चाहिए पी वन एंड पी टू पैरल होने चाहिए अदरवाइज कोई भी अगर एंगल होता तो कॉस चला जाता तो इससे तो कमी आता हा या ना बहुत सही तो सबसे पहले केस में उन्होंने क्या बोल रहा है अब पता है क्या इसके क्वेश्चन होते आसान लेकिन जिनके अंदर पेशेंस नहीं है जैसे अभी कुछ बच्चे भाग रहे हैं उनके साथ ही दिक्कत आएगी टू पोलराइड पी वन एंड पी टू आर सो प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स एंड लाइट स्क्रीन दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई बाई टू आप पहला पोलराइजर लगाएंगे तो आई बाई टू ही हो गया और अगर ये पूरा यहां पहुंच रहा है तो दोनों में जरा ये समझना इस सिमुलेशन में अगर मैं दो यहां पर रख दूं, ठीक है एक यहां पर रख देता हूं इसने i का i बाई टू करा और यह आई बाई टू अगर एक तो तो दूसरे के पैरल होने चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा तो यही चीज मैंने यहां पर बनाई P2 टू शुड बी रोटेटेड हमारे पास है P2 टू शुड बी रोटेटेड बाई एन एंगल ऑफ थीटा सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन बिकम थ्री आई बाई एट मैं इसको कितने एंगल से ऐसे यहां से रोटेट कर दूं कि अब फाइनल इंटेंसिटी जो है थ्री आई बाई एट हो जाए ये कह रहा है समझे तो मैंने क्या बोला अगर आप थीटा एंगल से करोगे तो ये इसके लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी थी तो मॉल्स लॉ लगा देते हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा बेटा तो ये कह रहे हैं कि आपकी फाइनल हो जाए थ्री आई बाई एट इंसिडेंट इंटेंसिटी आई बाई टू और कॉस थीटा आई से आई गया ये फोर हो गया तो रूट थ्री बाई टू कॉस थीटा आपका आया थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री ये आपका आंसर आ गया खत्म क्लियर क्लियर डिग्रीज में पूछा है थर्टी डिग्री वेरी गुड वेरी गुड आपको घबराना नहीं है इनके क्वेश्चन से ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर और पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड इंटेंसिटी क्या कह रहे हैं आपने एक अनपोलराइज लाइट ली है ध्यान से देखना आपकी एक अनपोलराइज लाइट है ठीक है आपका एक पोलराइजर है और आपका एक एनाइजर है ठीक है यह आपका पोलराइजर पी वन और पी टू मतलब दूसरा वाला पोलराइजर ठीक है यहां से आप देखते है. ठीक है? इसकी I0 है, तो पहली बार जब यह पोलराइज होगा तो बोला इंटेंसिटी फ्रॉम एनालाइजर इज मेजर्ड एट हंड्रेड ल्यूमेंस सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में दोनों को पैरेलल रखते हैं तो ये आपका आई नॉट बाई टू ही एमिट करेगा दोनों पैरेलल है <coughs> एनालाइजर इज रोटेटेड अराउंडल एक्सिस ठीक है यह था आप ऐसे रखे ये एक्सिस घुमा रहे थर्टी डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट विल बी पहले इन्होंने दे रखा है ये आई नॉट बाई टू क्वेश्चन में दे रखा है आई नॉट बाई टू ही आपका हंड्रेड ल्यूमेंट है यूनिट है इंटेंसिटी की ठीक है ये इंसिडेंट है अब इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इसको किसी एंगल थीटा कितना है थर्टी डिग्री आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया अब ट्रांसमिटेड बता दो तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इंसिडेंट इंटेंसिटी स्क्वायर कॉस्क्वा होगा तो इंसिडेंट इंटेंसिटी तो आपका हंड्रेड ही था इंटू कॉ तो यह आपका हो जाएगा थ्री बाय फोर है ना हमारे पास तो ये ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ल्यूमेंस दैट विल बी योर आंसर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अगला क्वेश्चन जरा देखना मेरे एंटरप्रेंटर अगला क्वेश्चन जरा यहां पर ध्यान से देखना अ सिस्टम ऑफ थ्री पोलराइजर पी वन पी टू पी थ्री सेटअप सच दैट पास एक्सिस ऑफ पी थ्री क्रिश्चियन वाला क्रॉस परपेंडिकुलर राइट क्रॉस्ड विद रिस्पेक्ट टू पी वन मतलब अगर आपका एक पोलराइजर ऐसे था तो ती तीसरा वाला पोलराइजर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ठीक है कुछ आपका ऐसे ठीक है एक दूसरे के नब्बे डिग्री पर है ठीक है ये आपका P1 है यह आपका P3 है क्लियर क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू P1 वन द पास एक्सिस ऑफ P2 टू इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द पास एक्सिस ऑफ ये जरा यहां पर समझना जो बीच वाला पोलराइजर है वो कहीं ना कहीं इसके लिए P3 से साठ डिग्री पर है अब देखो भाई इससे ये 60 डिग्री पर है वेन द बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट यहां पर आपकी लाइट आ रही है इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट ऑन पीवन द इंटेंसिटी लाइट ट्रांसमिटेड बाई द थ्री पोलराइजर इज आई जो आपकी फाइनल इंटेंसिटी है वो आपकी आई है तो ये रेशियो आपको बताना है क्लियर सारे बच्चे सर पोलराइजर एनालाइजर को ही पोलराइजर कहते हैं यस yes. आप जहां जैसे आपके लिए ध्यान सुनो आपने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ाओ हो, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एक होता है आई, आई पीस तो यार नाम क्यों क्योंकि आपके आंखों के पास जो लेंस है उसको आई पीस कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं वैसे तो ही समझिए पोलराइजर है तो तीनों ही पोलराइजर आप यहां से बैठ के लाइट को एनालाइज कर रहे हैं इसलिए हम लोग आखिरी वाले को जनरली एनालाइजर भी बोल देते हैं ठीक है ये क्वेश्चन जरा समझना आपका कुछ ऐसे है तीन स्लिट वाला था ना सबसे पहले दो स्लिट ऐसे यहां पर रखते हैं टू टू ठीक है ये ये वाला वाला इसके इसके साथ साथ है है और ये वाला इसके साथ साठ डिग्री पर है तो क्या ऐसा कुछ केस आया सारे बच्चे सोच के बताओ क्या क्वेश्चन में ये था दिल बनाना क्या क्वेश्चन में यही गिवन था जो आपका अनपोलराइज लाइट है ये पहले आई बाई टू होगा ठीक है और ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पर है 90 डिग्री इसीलिए अगर ये नहीं होता तो अगर हमारे पास ये नहीं होता तो लाइट नहीं जाती अब जो आपकी सेकंड स्लिट है वो इसके साथ 60 डिग्री पे है तो इसके साथ तो 30 डिग्री पे हुई है ना इसके साथ तो ये 30 डिग्री पर हुई वेरी गुड वेरी गुड बस यही चीज कई बच्चों को समझ नहीं आती है यह आपका थर्टी डिग्री हुआ अब ध्यान से देखो पहला पोलराइजर एक अनपोलराइज लाइट को आई नॉट बाई टू करेगा इसी प्लेन में ये करेगा ठीक है फिर ये इस वाले प्लेन में ये इस वाले प्लेन में इसको बेंड कर देगा और ये वाली इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट cos स्क्वायर थर्टी हो जाएगी समझे मैंने क्या बोला इंसिडेंट इंटेंसिटी का cos square 30 आपकी ट्रांसमिटेड होगी तो ये आया बेटा आई नॉट बाई टू cos स्क्वायर थर्टी अगर आप बात करें तो ये हमारे पास थ्री बाय फोर तो ये हो गया थ्री आई नॉट बाय एट क्लियर इसके बाद यह वाली इसके साथ 30 डिग्री वो सॉरी 60 डिग्री पर है फिर जो आपकी फाइनल इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर सिक्सटी के हिसाब से इंसिडेंट इस बार है थ्री आई नॉट बाई एट और कॉस स्क्सटी वन बाय फोर तो ये आ जाएगा आपका थ्री आई नॉट बाय थर्टी टू क्लियर क्लियर यही आपकी फाइनल इंटेंसिटी है आई अब आपको आई नॉट बाय आई चाहिए था थर्टी टू बाई थ्री आपको रिपोर्ट करना था दिल बनाओ अगर आपको यह चीज समझ आया मैं बता रहा हूं पोलराइजर एनालाइजर के दो चीजें ब्रिविस्टर्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स uh, देके ब्रिविस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल बोल देंगे या फिर म्यू देके आपको क्रिटिकल एंगल या ब्रिविस्टर्स एंगल का रेशियो वेशियो कुछ पूछ लेंगे या फिर ब्रिविस्टर एंगल देके आपको क्रिटिकल एंगल पूछ लेंगे यही खेल चलता है ब्रिविस्टर्स का और मॉल्स के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है क्लियर क्लियर बहुत सही अगर आप तीन पोलराइजर कर पा रहे हैं, तो भाई इससे ज्यादा आपके लिए कुछ और चीजें टफ नहीं है ठीक है राइट इसी प्रकार का सिमुलेशन से सर cos स्क्वायर सिक्सटी कैसे जरा ये चीज देख लो बेटा जरा पहला वाला ये था पोलराइजर ये वाला थर्टी डिग्री पर था क्योंकि ये इस सेकेंड वाला पोलराइजर इससे 60 डिग्री पर है ये क्रॉस थे क्रॉस थे ये सात डिग्री पर तो इस वाले से तो ये थर्टी डिग्री पर हुआ तो पहले आई नॉट बाई टू आई नॉट बाई टू का थर्टी, फिर आई आ, जो भी आपका ये आया नॉट का ऐसे गया अरे कौन बोल रहा है बट तब से मैं पढ़ा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है भाई तुम्हें बड़ी ब्रेक की दिक्कत हो रही है डॉपलर इफेक्ट पांच मिनट का टॉपिक है फॉर्मुला देख लो आपके दो तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको डायरेक्टली लगा लेना कंसेप्ट सीख लो ठीक है हा क्लियर आ जाओ भाई फिर लास्ट में हम डिफ्रेक्शन कर लेंगे लास्ट टॉपिक होगा वो पंद्रह बीस मिनट डिफ्रेक्शन चलेगा इसके बाद मतलब हाफ एन आवर और रुक जाओ बस आप सब लोग क्लियर कौन कौन मेरे साथ हाफ एन आवर रुकने वाला है भाई कौन कौन मेरे साथ हाफ एन आवर रुकने वाला है भाई डिफ्रेक्शन इसके बाद कर लेंगे छोटा सा टॉपिक है क्योंकि छोटे वाले ना जो होते हैं ना उनको फिर आखिरी में मटियाने का मन करता है अंदर से इंजीनियर निकल आता है यार क्या करें अंदर से ना इंजीनियर निकल आता है फिर ऐसा लगता है आखरी में एक्सरे तो पढ़ाना ही है उसी के साथ पढ़ा देंगे है ना तो छोटा टॉपिक आखिरी में पिछक के जाए इससे बढ़िया है उसको पहले निपटा देते हैं <laughs> मैंने मैंने लक्ष्य में और अर्जुना में एक बात कही है अगर आपने मेरे से लक्ष्य और अर्जुना में नहीं पढ़ा है भाई ध्यान से अगर देखा जाए ना हाँ दिल बनाना अगर आप मेरे से इस बात पे सहमत है क्यों मैं डॉक्टर से पहले पढ़ा रहा हूं ठीक है हर चैप्टर का आखिरी हर चैप्टर का आखिरी हर किताब का आखिरी और हर लेवें हर क्लास का आखिरी और पूरे सिलेबस का आखिरी आपका हमेशा खराब होता है प्रूव हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में आखिरी में आपने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा होगा खराब काइनेमेटिक्स में आपने आखिरी में अगर देखा जाए रिलेटिव मोशन रिवर बोट ये सब पढ़ा होगा खराब न्यूटन लॉज में आखिरी में आपने फोर्स पढ़ा होगा खराब फ्रिक्शन में टू ब्लॉक सिस्टम्स खराब सर्कुलर मोशन में हमारे पास बैंकिंग ऑफ द रोड ये वो डायनेमिक्स खराब वर्क पावर एनर्जी में पावर पर ध्यान नहीं दिया वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ नहीं आया सेंटर ऑफ मास में टू बॉडी सिस्टम हमारे पास खराब फिर हमारे पास रोटेशन में अगर हम लोग बात करें कोलिजन खराब आखिरी है ना सारा रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग खराब जितना मोमेंट ऑफ इनर्जिया पढ़ा वो नहीं पड़ा फिर उसके बाद फ्लूट्स में स्टेटिक्स में एच रोजी खूब लगाया लेकिन जहां बर्नोली आया वहां हालत टाइट करवाया खराब ठीक है, फिर आपका सरफेस टेंशन खराब आखिरी आखिरी पार्ट है ना भाई आपका एस एच एम में आपने फेजर बहुत पढ़ा डैम्ड ऑसिलेशन खराब थर्मोडाइनमिक्स में आपने बॉयल्स लो चार्ल्स लो खूब चाट चाट के पढ़ा लेकिन अगर आखिरी वाले की बात करें रेफ्रिजरेटर की खराब वेव्स की अगर बात करें बीट्स की बात करें खराब आखिरी वाला पार्ट था ना तो लेवेंथ के हर चैप्टर का खराब आखिरी वाला और अगर देखा जाए बुक वन रोटेशन अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन छूट गया खराब <laughs> तो लेवंथ का जो फर्स्ट पार्ट था ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन पे खत्म होता है ग्रेविटेशन तो शुक्र मनाओ में आके थोड़ी सुधर जाती है वरना वो खराब और ग्यारहवीं का आखिरी जो हमारा एस वेव है वो ग्यारहवीं के आखिरी की वजह से खराब अगर मैं पूरी ग्यारहवीं की बात करूं तो हमारे पास फ्लूड एस एच वेव आखिरी के चैप्टर है खराब वैसी अगर आप बारहवीं में आ जाए तो इसी तरीके से चलता है आखिरी में वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं डॉपलर इफेक्ट आधो ने पढ़ा नहीं खराब हाँ या ना और इसी के जैसे डिफ्रेक्शन आखिरी में आया खराब इसी के बाद मॉडर्न फिजिक्स पूरी बारहवीं की आखिरी है तो खराब और कम्युनिकेशन सिस्टम सचरा आखिरी चैप्टर है तो वो भी खराब हा या ना है ना तो ये कहानी है हर आखिरी चीज को खराब करने की ठीक है जो बच्चों के साथ लगातार चलती है है ना हंस क्या रहे हो ये रियलिटी है भाई आ, ये रियलिटी है इसीलिए जो अच्छा बच्चा होता है वो रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाता है क्योंकि आप बार बार यही चीज पढ़ पढ़ के सेचुरेट आउट हो जाते हैं और जब आप सेचुरेट आउट होते हैं ठीक है आपका पढ़ने का मन नहीं करता आखिरी वाले को तो वो हमेशा खराब रहता है इसलिए आप सेचुरेट आउट होते तो उल्टा पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्लियर यस तो अब आती है पहली बात डॉपलस तो पहले आखिरी वाला जो खराब हो जाता है उसको पहले समझ लेते हैं ठीक है जरा यहां पर समझ रहे अगर मैं देखूं मान लीजिए एक हमारे पास एक सोर्स है ठीक है ये डॉपलस इफेक्ट और तो साउंड नहीं है भाई हाँ ये डॉपलस इफेक्ट अभी बारहवीं के भी टॉपिक्स बताता तो ऐसे ही चलता पांच दस मिनट तक और मैं बोलता रहता अपनी एनर्जी लगाता लेकिन आप कहते हैं हाँ बात तो सही है फिर वही करते तो इससे बढ़िया है हम आगे बढ़े जरे यहां पर समझना ठीक है अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स रेस्ट पर है तो ये वेव बनाएगा और जैसे मान लो कि ये वेव बनाई थोड़ी देर बाद ये वेव आपकी आगे गई फिर ये वेव आपकी आगे गई फिर ये वेव आपकी आगे गई ये वेव इस प्रकार से हमारे पास आगे प्रोपोगेट कर रही है ठीक है आप मान लीजिए यहां से देख रहे हैं तो जो भी ये वेवलेंथ होगा वही आपको वेवलेंथ की लाइट बेसिकली यहां पर दिखेगी क्लियर क्लियर यस अगर हमारे पास यही सोर्स ध्यान से समझना ऑल दो रिलेटिविटी यूज होती है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे ठीक है यही सोर्स हमारे पास वेव जनरेट करते करते ऐसे मूव करने लग जाए वी स्पीड से तो जो वेव यहां पहुंची है जैसे समझो भाई ये वाला जो वेव का पॉइंट था वो तो आगे चलने लग गया अब पीछे से सोर्स अगर पास चले जाए यहां पर पहुंच जाए तो एक्चुअली में ये वेव आपकी कंप्रेस हो जाती है वेवलेंथ आपका कम हो जाता है ठीक है और यही सोर्स अगर आपका मूव कर जाए वी स्पीड से इधर वेव बनाते बनाते वेव बनाते बनाते तो ये वेव आपकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से खिंच जाती है ठीक है तो ये वेवलेंथ आपकी बढ़ जाती है अब जरा ध्यान से सुनना डॉपलस इफेक्ट हमारे पास क्या है ठीक है एक बच्चा कह रहा है वाई अरे रे आय्या ध्यान से सुनो मैंने अगर एक चीज बोल दी ठीक है ध्यान सुनना मैंने कोई चीज बोली तो मेरे व्यय से जो प्रोपोगेशन जो एनर्जी है वो अपनी वेब प्रोपोगेट होती जा रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट अपनी एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है सारे बच्चे रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट यहीं पर आएगा ध्यान से सुनो अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दिया तो मैंने जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करी वो इस मीडियम के हिसाब से वीस स्पीड पकड़ेगा और वो चलना स्टार्ट कर देगा या ना अरे बोलो भाई या ना अरे बोलो 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 ब्रेक कब दोगे आधे घंटे बाद यस 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 है ना अगर मैं कोई भी ये जरा समझना सबसे पहले वेव का जो प्रोपोगेशन पॉइंट था वो यही था ये आगे वेव बनाते जा रहा है ये अगर अभी रेस्ट पर है तो ये वाली जो आपकी वेव है वो यहां तक आ गई किसी टाइम पर अब ये कंटिन्यूसली वेव बना रहा है अब ये वेव देखो ये वाला पॉइंट अपनी स्पीड से चलता जा रहा है जो भी इसकी स्पीड होगी उस मीडियम में उससे चलता जा रहा है अब पीछे से सोर्स क्या हुआ ये वेव बनाने के बाद जैसे मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो ये वेव अपनी स्पीड से जो वेव थी वो वेव कहीं ना कहीं खिंच जाएगी यार आप इस टाइप से एक वेव बना रहे हो और वेव बनाते बनाते आगे चले जाओगे तो कंप्रेस तो हो जाएगी ना और मैं तार को ऐसे एक तार दीवार से बांधी मैं खींच रहा हूं और पीछे चला जाऊं खींचते तो खींच जाएगा अब जरा दूर जाता है तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है और आपको अभी यह बात पता है कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड वेवलेंथ का ऑर्डर ये ठीक है वेवलेंथ का ऑर्डर ये है आप जब अर्थ पेशे जैसे आ, स्टार्स की बात करें या गैलेक्सीज की बात करें जब आप उनकी इमेजेस लेते हैं ठीक है ध्यान से सुनना जब आप उनकी इमेजेस लेते हैं ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टार या गैलेक्सी रेस्ट पर है तो अगर आप किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो जब वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा होता है तो वेवलेंथ हॉट स्टार अगर आपका कम हॉट स्टार वो वाला नहीं है ठीक है आपका वेवलेंथ कम हो जाता है वेवलेंथ कम होता है तो इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट क्योंकि जो भी इसकी एक्चुअल वेवलेंथ होगी ध्यान सुनना जो भी इसकी एक्चुअल वेवलेंथ होगी, इस वो आपके तरफ आने की वजह से कम वेवलेंथ शो करेगा कम वेवलेंथ मतलब वो ब्लू की साइड जैसे मान लो अगर इसकी ग्रीन है तो वो थोड़ा सा इस साइड में कम वेवलेंथ और शो करने लगेगा तो एस्ट्रोफिजिक्स में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर जा रहा होगा वेवलेंथ बढ़ जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो हम लोग इसको कहते हैं रेड शिफ्ट क्योंकि जो भी एक्चुअल वेवलेंथ है वो आपको नहीं दिखाई देगी जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो नहीं दिखाई देगी उससे ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ रेड की साइड है इसलिए हम कहते हैं इसको रेड शिफ्ट और अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी वेवलेंथ कम होगी तो वो एक्चुअल वेवलेंथ से कम रिपोर्ट होएगा इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट क्लियर है क्या सारे बच्चे ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट हा या ना सर अगर पहले से ब्लू हो तो और उसमें चेंज आएगा ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट कहने का मतलब यह नहीं है क्योंकि ये हम लोग ब्लू और रेड से दिखाते हैं जनरली बुक्स में बच्चों को लगता है कलर लाइट बन जाए ला, लाल कलर का हो जाएगा दूर जाएगा तो तो दूर जाती हुई चीजें सारी लाल हो जाएंगी पास आती हुई चीजें सारी ब्लू हो जाएंगी ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं उसका ब्लू शिफ्ट मतलब लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा हमारे पास जो भी इसका एक्चुअल वेवलेंथ है ध्यान से समझना अगर ये रुका होता तो आपको एक्चुअल वेवलेंथ दिखाई देता लेकिन अगर ये पास आपकी तरफ आ रहा है तो अब वेवलेंथ न्यू जो आपको एपरेंट दिखेगी लैमडा एपरेंट वो कम दिखेगी इससे तो कम दिखेगी मतलब हम क्या कह रहे हैं ब्लू की तरफ वो शिफ्ट हो गई लोअर वेवलेंथ की साइड वो शिफ्ट हो गई और अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो एक्चुअल वेवलेंथ से आपको एप्रेंट वेवलेंथ जो आपको दिखेगी वो ज्यादा दिखाई देगी मतलब वो रेड साइड हाइयर वेवलेंथ एक्चुअल से हाइयर वेवलेंथ साइड वो शिफ्ट हो गई होगी क्लियर क्लियर इसमें रिलेटिविटी यूज होता है और वहां से कंसेप्ट आता है भाई हाँ वॉयलेट क्यों नहीं हुआ अरे वॉयलेट कलर नहीं बनता रे चच्चा मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो ना यार हो सकता है हो सकता है ये ब्लू ही वेवलेंथ हो इसकी ब्लू ही कलर हो लेकिन अगर वो आपसे पास आ रहा होगा तो ब्लू शिफ्ट मतलब कहने का मतलब क्या होगा ये नहीं कि ब्लू में ब्लू शिफ्ट हो गया तो ब्लू ही बनेगा उजाला में उजाला डालोगे उजाला अरे ये कह रहा है जो भी उसकी एक्चुअल वेवलेंथ थी उससे वो और कम दिखेगा रेड शिफ्ट मतलब हायर वेवलेंथ का शिफ्ट है मीन्स जो आप वेवलेंथ थी उससे आपको ज्यादा दिखाई देगा क्लियर क्लियर यस तो डॉपलस ने यहां पर बात बोली जो आपको याद रखनी है वैसे तो इसमें रिलेटिविटी का फॉर्मूला यूज होता है दिस इज वी बाईसी ठीक है ये वन प्लस में फॉर्मूला होता है वो आपको देखना नहीं है वन प्लस वी बाई सी अपॉन वन माइनस वी बाईसी इस टाइप का फॉर्मूला होता है लेकिन आपको नहीं देखना दिस इज आपका शिफ्ट इन वेवलेंथ शिफ्ट इन वेवलेंथ ठीक है दिस इज योर एक्चुअल वेवलेंथ ये आपका स्पीड ऑफ सोर्स ठीक है एंड दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट ये होता है ठीक है क्लियर सारे बच्चे लिखो इसको सारे बच्चे लिखो इसको हम्म hmm. क्लियर वॉलेट शिफ्ट होना चाहिए था हाँ बेटा तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो इसका नाम चेंज करवा देना वॉयलेट कर देना ठीक है सारे बच्चे इसको वॉयलेट करवा देना ओके जैसे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका जेई वाले क्वेश्चन देखो ठीक है वेर विद वट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव आउटवर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सो दैट सोडियम डी लाइन ऑफ वेवलेंथ फाइव एट नाइन जीरो इज ऑब्जर्व एट इतना देखो ये कह रहे हैं, आपके अर्थ से अर्थ से एक गैलेक्सी ठीक है गैलेक्सी आपकी दूर की साइड जाए विद स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव आउटवर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ठीक है कितना दूर जाए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट द सोडियम डी लाइन जो इसकी फाइव एट नाइन जीरो की जो वेवलेंथ थी ठीक है इज ऑब्जर्वड एट जो आपका एपरेंट है दूर जा रही है देखो आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है, 5, 8, 9, की तरफ जा रहा है। इस एक्चुअल वेवलेंथ से ये ज्यादा हो रहा है तो so, आपको ये वी बताना है तो डेल्टा लैमडा बाई लैमडा इज वी बाई सी तो आपका जो भी शिफ्ट आया है दैट इज हमारे पास सिक्स एगस्ट्रॉम्स का सिक्स एंगस्ट्रॉम्स का आपका शिफ्ट आया है अपॉन ओरिजिनल फाइव एट नाइन जीरोस्ट्रॉम्स इक्वल टू वी इंटू थ्री इंटू टेन की पावर एट आप इस वी को निकाल लेंगे सारे बच्चे बोलो भाई सारे बच्चे बोलो भाई क्लियर अरे भाई जिनको ब्रेक चाहिए ले लो यार क्या दिक्कत है यस 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 इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आया है गलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम दर्थ वी आपको दे दिया है 286 किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इज इतना शिफ्ट आपको दे दिया है 630 थर्टी नैनोमीटर ठीक है अच्छा शिफ्ट आपका शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन एट इतना तो लैमडा जो आपका है सिक्स थर्टी नैनोमीटर इसके अंदर जो शिफ्ट है पावर माइनस टेन ठीक है द वैल्यू ऑफ एक्स टू दियरेस्ट इंटीजर इज स्पीड ऑफ लाइट इतना लेना बेटा जिनके शिफ्ट में आया होगा ना उनके ना घर आके आंसू निकले होंगे कि भाई एक फॉर्मूला ही पढ़ लिया होता तो एक्स इंटू टेन की पावर माइनस टेन डिवाइडेड बाय सिक्स थर्टी इंटू टेन की पावर माइनस नाइन इक्वल टू टू एटी सिक्स इंटू टेन रेस्टू पार थ्री डिवाइड बाई थ्री इंटू टेन रेस्टू पार एट इस प्रकार से आप x को निकाल लेना क्लियर है क्या क्लियर है क्या भाई मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं ज्यादा हुए हैं आपके छोटे टॉपिक्स भी इक्वल इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था सच बता रहा हूं हमारे टाइम पे आपको मैं एक रियलिटी बता रहा हूं अगर आप अपने टीचर से अगर पूछ पाए तो पूछना सात आठ साल पहले सात आठ साल पहले अगर के टीचर का टीचर जब पढ़ाते हो ना उनसे पूछोगे ना तो आप पूछोगे सर आप ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाते थे कहते पढ़ाते थे लेकिन फोकस नहीं कराते थे फोकस हमारा मेन मेन चीजों पर ही रहता था पोलराइजेशन पहले से सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं आता था लिटरली बता रहा हूं आप चेक कर लो 2018 से पहले बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा पांच छह साल में क्वेश्चन और 2019 के बाद हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो जब से आपके अटैम्प्ट बड़े हैं तो ये छोटे चैप्टर छोटे टॉपिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हम लोगों के टाइम पे हम लोगों के टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को बताया जाता कहते हैं भाई सी के लिए पढ़ लेना कंपटीशन में नहीं आया क्योंकि हमारा एक ही अटेम्प्ट होता था एक ही अटेम्प्ट में वो सारी रेलिवेंट चीजें मतलब मेन मेन चीजें पूछते थे बच्चे को वो आता है तो ऑब्वियसली ये सारी छोटी मोटी चीजें देखी जाएंगी बाद में मेन कंसेप्ट आना चाहिए अब आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया पेपर में आपको छोटी मोटी चीजें भी इक्वली आनी चाहिए ठीक है तो आप प्लीज सारी चीजों को ध्यान से रिवाइज करके जाना अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे जाते हैं विच इज डिफ्रैक्शन ठीक है, डिफ्रैक्शन को अरे यार वो सिमुलेशन बंद कर दिया क्या मैंने? चलिए कोई नहीं, ठीक है, diffraction की बात करते हैं। छोटा टॉपिक है, है, कुछ कुछ फॉर्मुले आपको याद रखने मैं इसको summarize जरूर करूंगा क्योंकि कई बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं डिफ्रेक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट जब भी लाइट हमारे पास लॉजिकली समझना ठीक है आप सभी लोगों ने यह बात पढ़ी है रेक्टीलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है ना कि अगर हमारे पास एक लाइट जो होती है वो तो सीधा सीधा चलती है अगर मान लो मैंने एक स्क्रीन ले ली ठीक है अगर मान लो मैंने एक स्क्रीन ले ली और इस स्क्रीन के सामने मैंने एक और इस टाइप से ठीक है एक और स्क्रीन इस प्रकार से मैंने रख दी और यहां पर एक स्लिट बना दिया ध्यान से देखना यहां पर मैंने एक स्लिट बना दिया लाइट अगर आ रही होती तो आपके हिसाब से तो लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधे है ना बिल्कुल सीधे क्योंकि लाइट तो रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करती है यही तो हम लोगों ने पढ़ा था नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में है ना अगर आपके घर पे खिड़की है गांव में जैसे ऊपर छोटा सा गोल टाइप का कर देते थे एयर फ्लो का उसमें से भी लाइट आती है तो कौन के फॉर्म में आती है यहां से लाइट सीधी सीधी आ रही है तो सीधी क्यों नहीं गई ये अब बवाल हो गया ठीक है ये अब बवाल हो गया कि यार जब हम लोगों ने देखा तो लाइट एक्चुअली में जब जाती है तो कहीं भी सरफेस से जाती है तो ये बेसिकली बेंड हो जाती है ठीक है ये बेसिकली बेंड हो जाती है द बेंडिंग ऑफ लाइट जो हमारे पास ऑब्स्टेकल को हिट करने के बाद होता है दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन और डिफ्रेक्शन अब आप कहेंगे कि सर वाई डी में यंग डबल स्लिट में क्या डिफ्रेक्शन नहीं हो रहा होता है ध्यान से सुनना अगर आप वाईडीएससी की बात कर रहे थे सर तो क्या यहां पर डिफ्रेक्शन हमारे पास नहीं हो रहा होता है हो रहा होता है डिफ्रेक्शन वाई के टर्म पे भी हो रहा होता है लेकिन हम लोग उस समय उसको निग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं क्लियर सारे बच्चे क्लियर आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के टाइम पर भी बेंडिंग हो रही होती है लाइट की डिफ्रेक्शन वहां पर भी हो रहा होता है लेकिन हम लोग उसको निगलेक्ट करके चल रहे होते हैं क्लियर क्लियर Yes. तो जिन बच्चों के दिमाग में आ रहे तो सर क्या बेंडिंग ऑफ लाइट हमारे पास सिर्फ आ, इस अलग सी एक सिंगल स्लिट में ही होता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब जरा यहां पर हम लोग बात करते हैं मेन मेन चीजों की जरा यहां पर ध्यान से देखना ठीक है मेन मेन चीजों की अगर मैं डिफ्रेक्शन की बात करूं भाई लिखो सारी की सारी ये आपके शॉर्ट नोट्स टाइप से होने चाहिए डिफ्रेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिफ्रेक्शन में हमारे पास बेसिकली होता तो आपका इंटरफेरेंस ही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम सेम स्लिट फ्रॉम सेम स्लिट ही होता है ठीक है यंग डबल स्लिट में इंटरफेरेंस होता था दो स्लिट के आपस में रेस का वाइडीएससी इसमें डिफ्रेक्शन में सेम स्लिट का ही होता जैसे समझना अगर आपके डिफ्रैक्शन होता क्यों लाइट ऐसे बेंड क्यों करती है धीरे धीरे हम लोग समझे अगर मेरे पास कोई एक स्लिट है इसके ऊपर जैसी लाइट जाएगी तो वेव फ्रंट के हिसाब से हमारे पास ये सारे पॉइंट्स इल्यूमिनेट होंगे एक साथ और हाइगंस प्रिंसिपल के हिसाब से ध्यान से देखना बेटा हाइगंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये सारे के सारे अपनी वेव्स बनाएंगे फिर कौन कौन से पॉइंट बने ये 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 अब ये अपनी वेव्स बनाएंगे ठीक है फिर कौन कौन से पॉइंट बने ये 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 कुछ ऐसे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी आपकी ऐसे फ्लेयर आउट कर रही है बेंड कर रही है हमारे पास लाइट हाँ सीधी नहीं जा रही है ये वेव फ्रंट हमारे पास वेव नेचर की वजह से ही ये डिफ्रैक्शन प्रोसेस आपका हो रहा है या याना सारे बच्चे थम्स अप करिए हाँ या ना हम्म हाँ क्या आपको ये चीज समझ आई कि लाइट बेंड क्यों कर रही है क्योंकि ही वेव फ्रंट बनते हैं तो हमारे पास एनर्जी कहीं ना कहीं बेसिकली स्कैटर आउट हो रही होती है वेरी गुड अगर मैं इस डिफ्रेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देर आर टू टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन टू टाइप ऑफ टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन हमारे पास होते हैं ध्यान देखना एक होता है आपका फ्रेजनल ठीक है और एक होता है आपका फ्रेन हॉफर्स ठीक है एक होता है आपका फ्रेजनल और एक होता है फ्रेन होफर्स फ्रेजनल में जो आपका इसी डिफ्रैक्शन को हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट ठीक है फ्रेजनल में जो आपकी स्लिट है और स्क्रीन है इनके बीच का डिस्टेंस इज फाइनाइट बहुत बड़ा नहीं होता इसलिए आपके स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगते स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपके नहीं लगते हैं। और हमारे लिए इसीलिए दिस इज नॉट इन सिलेबस ये आपके सिलेबस में है ही नहीं हमारे लिए कौन सा डिफ्रेक्शन सिलेबस में है दैट इज फ्रेंड हॉफर्स इसमें आपकी स्लिट और स्क्रीन के बीच में डी इज लार्ज और जैसे ही डी लार्ज होता है तो आपके ये जो एंगल्स होंगे, जितने भी आप एंगल की बात करेंगे तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाएंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपके वैलिड हो जाते हैं क्लियर है क्या सारे बच्चे थम्सअप करिए सारे बच्चे थम्सअप करिए हाँ या ना बोलिए भाई यस यस वेरी गुड वेरी गुड अब बात आती है डिफ्रेक्शन पैटर्न के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट या डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना मैं आपको एक बड़ा इनलार्ज व्यू बना रहा हूं लेकिन एक्चुअली में स्लिट की जो साइज होती है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड वो बहुत ही छोटी होती है और इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ही होती है लेकिन समझाने के लिए मैं स्लिट विध को बड़ा लिख रहा हूं ठीक है मैं स्लिट विध को यहां पे बड़ा रख रहा हूं अब ये सारे बच्चों के नोटबुक में होना चाहिए ठीक है क्योंकि डिफ्रैक्शन में आपके मेन मेन चीजें अगर आपके दिमाग में है तो लिटरली बता रहा हूं आप डिफ्रेक्शन के सारे क्वेश्चन लगा देंगे ठीक है ये आपकी है स्क्रीन और हम कौन सी बात कर रहे हैं फ्रेंड हॉफर्स की बात कर रहे हैं दिस इज योर स्क्रीन अब जरा ध्यान समझना एक्चुअली में जब आप दिस इज योर स्लिट विर्थ दिस इज योर स्लिट विर्थ बी तो अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी आपके लिए है बी आपके लिए है स्लिट विथ सारे बच्चे एक पेपर में ये बनाओ स्लिट इज बी ये और इन दोनों के बीच का गैप इज डी डी इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन स्लिट एंड स्क्रीन क्लियर अब जरा देखना जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये तो फ्रंट्स के फॉर्म में अगर देखे पैरल लाइट अगर मैं यहां पर इंसिडेंट करा रहा हूं तो वेब फ्रंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया यहां पर आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये एक साथ इल्यूमिनेट होते हैं एक्चुअली में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन अब मेरी तो क्षमता है कि मैं कुछ बना पाऊं मान लो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स बना लिए ठीक है वन टू थ्री करके एन नंबर ऑफ पॉइंट्स बना लिए अब आपको जरा वही चीज फील करनी है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं जैसे मान लो मैं एक जनरल पॉइंट इसकी बात कर रहा हूं सारे बच्चे जरा ये बताना क्या एक ही स्लिट से एक ही स्लिट से जितनी भी ये रेज आ रही हैं इस पॉइंट पर सब बराबर चलेंगी या सही में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा सोच के बताना सारे बच्चे जरा सोच के बताना कि अगर मैं इसमें अभी तो मैं पांच छह पॉइंट्स लिए हैं बस कितने लिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ही लिए एक्चुअली तो बिलियन ऑफ पॉइंट होंगे जहां पर लाइट पहुंचेगी क्या सबने बराबर चला या डिफरेंट डिफरेंट चला और आई होप आप सभी लोगों का आ ही रहा होगा कि सर सबका अलग अलग पात है डिफरेंट है? है ना हम लोगों ने ध्यान से अगर आपने ये चीज सुनी हो अगर स्टार्टिंग में अगर आपने ये चीज सुनी हो कि अगर एक सोर्स एस है दूसरा सोर्स एस टू है इधर से एक वेव आई ध्यान से देखना क्यों डिफ्रेक्शन की आपको ज्यादा डेप्थ में डेरिवेशन नहीं कराई जाती उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं ठीक है क्यों सर डिफ्रेक्शन में डायरेक्ट आ जाता है रीजन उसका मैं मैं बता रहा हूं दो की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में इनके बीच का जो भी पाथ डिफरेंस होगा उसकी वजह से यहां पर दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन होती है आपकी एवन साइन ओमेगा टी ध्यान से देखना और दूसरी इक्वेशन होती पाथ डिफरेंस की वजह से ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना सिर्फ दो की वजह से जब आपने इन दोनों को जोड़ा था तो आपने कहा था एक ए वन ले लो एक ए टू ले लो इनके बीच में फाइव एंगल ले लो तब आप दो को जोड़ने में आपकी मौत आ रही थी राइट right? क्या आप, आप ये चीज समझ पा रहे हो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो अगर मैं इस वाले को इस वाले को इस वाली जो वेव जा रही है इसको मैं कह दू वाई वन इज इक्वल टू एवन साइन ओमेगा टी तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है अगर मैं यहां पर ऐसे डालता तो सबके पाथ डिफरेंस अलग अलग आते दिल बनाओ अगर आप मेरे से इस बात से सहमत है कि सर सभी के पाथ डिफरेंस तो अलग अलग आएंगे दिल बनाना ठीक है क्लियर दिल बनाना अगर आप यहां पर देखें तो सभी के आपके पाथ डिफरेंस अलग अलग आएंगे लगाएंगे हाँ या ना एक्चुअल मेथड बता रहा हूं जो ये फॉर्मुला भी लिखने वाला हूं इसका मेथड क्या है एक्चुअल मेथड जोड़ जुगाड़ करना है मैं कर सकता हूं लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें सभी यहां तक तो सभी का रास्ता बराबर ये सारे डिफरेंट पाथ लेंथ है अगर दूसरी इक्वेशन लिखूंगा ध्यान से देखा जाए तो एक इक्वेशन जैसे समझना सभी के पाथ डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं इस बार आपकी सिनेरियो क्या बनने वाली है इस बार आपकी सिनेरियो बनेगी पहली वेव है ए वन साइन ओमेगा दूसरी आपकी वेव है ए टू साइन ओमेगा देते हैं तीसरी आपकी होगी ए थ्री साइन ओमेगा प्लस फाइव थ्री फाइव टू ऐसे करते करते ए एन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एन कुछ इस प्रकार से हो होगा क्या आप समझ पा रहे हैं आपका पॉलीगन लॉ लगने वाला है कुछ बहुत सारे वेक्टर्स हो जाएंगे इस बार तो और अगर आप पॉलीगन लॉ इन सबके लिए निकाल पाए रिजल्टेंट तब आपको जाके रिजल्टेंट यहां की वेव ठीक है आपकी यहां की रिजल्टेंट वेव की इंटें एम्पलीट्यूड पता लगेगा क्लियर क्लियर क्योंकि इस बार तो बहुत सारी वेज आएंगे और सबके पाथ डिफरेंट अलग है पाथ डिफरेंस अलग है तो फेज डिफरेंस अलग आएगा ऐसा भी नहीं है कि सेम सेम एंगल पर है एक वेक्टर ये होगा दूसरा ये होगा तीसरा ये होगा चौथा ये होगा ऐसे करके आपके बहुत सारे वेक्टर होंगे फिर आप रिजल्टेंट बनाओगे हाँ या ना यस यस बिल्कुल तो ये एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आता है हम लोग यहां पर बात क्या करेंगे आप ध्यान से देखो हम लोग यहां पे उसी रिजल्ट को अगर आप देखें उसी चीज को हम लोग यहां पर ठीक है इसको ऐसे करना आप हम लोग अब रिजल्ट की बात करेंगे यहां पर सीधे हम लोग सेंट्रल लाइन से इसकी बात करें और इसकी मैं थिकनेस अगर बढ़ा पाऊं ठीक है हाँ हम लोग अब डायरेक्टली इतने सारे पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे अब हम लोग सीधे कहेंगे कि अगर सेंट्रल पॉइंट आपका ये है यहां से अगर आप किसी एंगल थीटा पर जाते हो ध्यान सुनना सेंट्रल लाइन से अगर आप किसी एंगल थीटा पर जाते हो तो यहां की जो इंटेंसिटी होती है आपने इंसिडेंट इंटेंसिटी वॉज आई नॉट ध्यान से देखना इंसिडेंट इंटेंसिटी वॉज आई नॉट तो यहां पे किसी भी एंगल पर थीटा पर जो आपकी इंटेंसिटी होती है दैट इज आई नॉट साइन स्क्वेर बीटा बाय बीटा का स्क्वेयर अब आपके मन में आएगा सर ये बीटा क्या है बीटा इज पाई बी साइन थीटा बाय बायडा ये होता है क्लियर ये किस प्रकार से आया मैंने आपको पहले बताया अभी आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाएंगे उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का के ए स्क्वायर करेंगे तब जाके आपकी इंटेंसिटी आएगी तो मैं इस वाले प्रोसेस को जो आपका वेक्टर एडिशन का प्रोसेस है उसको मैं अभी हटा रहा हूं क्योंकि वो किसी काम का नहीं है करना तो आपको वेक्टर एडिशन ही है का का सभी का फेस डिफरेंस अलग है आपको यह याद रखनी है कि, कि किसी भी पॉइंट पर जो आपकी इंटेंसिटी किसी भी एंगल थीटा पर जो आपकी इंटेंसिटी होती है दैट इज आई नॉट साइंस स्क्वायर बीटा बाय बीटा का स्क्वायर क्लियर क्लियर व्हाट इज बी मैंने यहां लिखा है बेटा बी इज द स्लिट विर्थ आपकी सिंगल स्लिट विर्थ जो है दैट इज योर बी क्लियर अब जरा देखो अगर मैं सेंट्रल पॉइंट की बात करूं यहां पर ठीक है एट सेंट्रल पॉइंट थीटा की वैल्यू एट यहां ही पे लिखता हूं ठीक है सेंट्रल पॉइंट पर ऐसे बना देता हूं थोड़ा बड़ा ठीक है हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपका थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो जैसी आपकी थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो बीटा की वैल्यू भी जीरो होगी और अगर आपकी बीटा की वैल्यू जीरो हो रही है तो आपको याद होगा लिमिट साइन बीटा बाय बीटा जब बीटा इज टेंडिंग टू जीरो तो ये तो लिमिट वन होती है तो आपकी सेंटर पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी की बात करी जाए तो यंग डबल स्लिट में कितनी होती थी फोर आई नॉट यहां कितनी होती है आई नॉट क्लियर है क्या सारे बच्चे क्या आपको यह बात क्लियर हो गई कि यंग डबल स्लिट में जब दो स्लिट होती है तो दोनों की यहां पर आने की वजह से इंटेंसिटी फोर आई नॉट हो जाती थी क्लियर यहां पर आपकी सेंट्रल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है दैट इज क्लियर ओके यस मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं एक्चुअली में डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होता है वो बहुत माइन्यूट होता है ठीक है लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ध्यान से देखना क्लियर तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सेंट्रल अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है अब क्लियर ये आपका सेंट्रल दिस इज आल्सो कॉल्ड एरी डिस्क इसको क्या कहते हैं एरी डिस्क क्लियर सारे बच्चे सारे बच्चे रिजॉल्विंग पार इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा बेटा आपका क्लियर ओके okay? Yes. अब जरा हाँ पर ध्यान से देखो अब ये सेंट्रल का तो आपको पता लग गया अब हम लोग इसमें मेन होता है मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स कि आपकी मिनिमा कहां पर होगी ठीक है आपकी मिनिमा कहां पर होगी जरा देखो एट एनी थीटा एट एनी थीटा अगर मैं बात करूं जो इंटेंसिटी होती है तो वो होती है आई नॉट साइन स्कोर बीटा स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि बीटा की वैल्यू थी आपकी बी साइन से देखना आपकी जहां पर भी मिनिमा होगा जहां पर भी आपका मिनिमा होगा इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए दैट मीनस बीटा की वैल्यू आपकी एम पाई होनी चाहिए एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हाँ या ना सारे बच्चे दिल बनाओ सारे बच्चे दिल बनाओ बोलो भाई सारे बच्चे दिल बनाओ क्या आपको ये चीज समझ आई सर ए, आ, बीटा की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो होगी

पाई बी या आप एन पाई कहना चाहो एन पाई कह लो ठीक है एन नॉट इक्वल टू इक्वल टू एन पाई पाई से पाई गया साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा बाय बी ध्यान सुनना ये कई बच्चों ने रट रखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया ठीक है साइन थीटा इक्वल टू लैमडा बाई बी मतलब इसी डिस्क की अगर मैं बात करूं ठीक है इस एरी डिस्क की अगर मैं बात करूं यहां से ये और ठीक ये, है यहीं पर आपका फर्स्ट डार्क हुआ होगा ठीक है इसके बाद आपको फिर से एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी फिर से आपको यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज ऐसे आपको मिलेगी अब ध्यान से सुनना ये वाली बात क्योंकि आपके डिफ्रेक्शन के सारा का सारा खेल यहीं पर ही हो रहा है ठीक है इस प्रकार से तो यो आपके लिए ये वाला एंगल थीटा ऑफ फर्स्ट डार्क जो आपका पहले डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पर हम लोगों ने लिखा याद रखो थीटा ऑफ फर्स्ट डार्क इज योर लैमडा बाय बी लैमडा बाय बी ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन था इसीलिए हम लोगों ने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सिमेशन फ्रेंड हॉफर्स की बात करते हैं इसीलिए हम लोग इसकी बात कर पा रहे हैं बी अगर आपका जरा देखो एन की वैल्यू मैंने यहां पर क्या रखी यहां पर एन रख लो ठीक है एन की वैल्यू फर्स्ट डार्क के लिए एन की वैल्यू वन रखी अगर मैं थीटा ऑफ सेकेंड डार्क की बात करूंगा तो ये टू लैमडा बाई बी आएगा एन की वैल्यू टू डालेंगे आप तो जिस प्रकार वहां पर हम लोग बात करते थे दो कंजुक्यूटिव ब्राइट के बीच में एक डार्क होती है वैसे ही हमारे पास दो कंजक्यूटिव डार्क के बीच में ब्राइट होगी तो आपको क्या क्या चीजें पूछी जाती है इंटेंसिटी ऑफ देंटर इज आई नॉट एंगुलर वर्थ ध्यान से देखना एंगुलर वर्थ स्टार मार्क कर लो ये कई बार पूछा है एंगुलर वर्थ ऑफ एरी डिस्क जो बीच में आपकी डिस्क बन रही है इसका एंगुलर विर्थ क्या होगा टू थीटा होगा सारे बच्चे बताओ दिल बनाओ हाँ या ना एंगुलर की बात करें तो टू डी होगा क्योंकि भाई देखो डार्क यहीं से स्टार्ट हुआ तो उसका जो एंगल है ये इसका बन जाएगा तो टू थीडा बाय बी ये इसका एंगुलर वर्थ होगा हाँ या ना यही सारी चीजें घूम घूम कहेंगे सारे क्वेश्चन आप देख लेना ठीक है एंगुलर वर्थ आ गया अगर आपसे कोई बोले इसका डायमीटर कितना होगा कोई अगर आपसे बोले इसका डायामीटर आपका कितना होगा डायामीटर ऑफ एरी डिस्क डाया ऑफ एरी डिस्क तो भाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ये टोटल एंगल आपका टू थीटा वन डी है तो टू थीटा डी इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस कर दो यार तो यहां पे टू थीटा वन डी इज आर्क लेंथ इज ए डायामीटर डिवाइडेड बाय रेडियस कैपिटल डी हो जाएगा टू टू थीटा वन डी इन टू कैपिटल डी इज ए डायामीटर क्लियर है क्या क्लियर है क्या सारे बच्चे क्लियर है क्या यस yes. यही आपकी डिफ्रेक्शन की सारी कहानी है क्लियर आपको सेंट्रल इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट की पूछी जा सकती है सेंटर पे आई नॉट रहती है उसके एंगुलर वो थीटा रहेगा जो फर्स्ट डार्क है वही बाउंड्री बनाएगा तो फर्स्ट डार्क बनता है लैमडा बाई ए पर एंगल तो इसका टोटल एंगल कितना होगा दो गुना तो टू लैमडा बाय आप बोलना चाहे बी बोल लीजिए और इसका अगर आपको डायमीटर पूछ ले जाए तो आर्क लेंथ बाय रेडियस लगा के आप ये निकाल सकते हैं क्लियर सर लैमडा क्वेश्चन में दिया होगा यस आ जाइए आप क्वेश्चन भी देख लीजिए ठीक है एक मिनट रुको यार ये सिमुलेशन बंद कर देते हैं ठीक है हाँ क्योंकि काफी देर से वो चल रहा है हैंग हो रहा है क्लियर हाँ जरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट इज एट इक्वल टू थर्टी डिग्री फॉर लाइट ऑफ स्लिट इज जरा देखना आपको बोला गया है फर्स्ट मिनिमा है ना फर्स्ट मिनिमा आपके लिए कब होता था जब आपने बोला था हमारे पास ए बी साइन थीटा याद करो या फिर आपने अगर याद हो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा बाय बी होता था फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है देखो एंगल आपका छोटा नहीं है तो एंगल 30 डिग्री साइन 30 एन की वैल्यू वन लैमडा की वैल्यू फाइव थाउजेंड हमारे पास इन टू टेन रेस्टू पार माइनस टेन डिवाइडेड बाई बी आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं दिल बना दीजिए सारे बच्चे अरे भाई अब तो खत्म हो गया दो तीन क्वेश्चन देखो बस हाँ ब्रेक ब्रेक चला रहा भाई। ब्रेक हो ही जाएगा परमानेंट क्लियर क्लियर यस फ्रिंज आपकी वेरी करती हुई जाती है याद रखना सारे बच्चे नोट डाउन कर लो यंग डबल स्लिट में फ्रिंज विरथ कांस्टेंट होते हैं डिफ्रेक्शन में आपके फ्रिंज वर्थ वेरी करते हुए चले जाते हैं दूसरी बात यंग डबल स्लिट में इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम की फिक्स रहती है भले आप कितनी भी दूर चले जाओ डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का ग्राफ आपका कम होता रहता है ये साइंस स्क्वायर बीटा यही वाला आपका ग्राफ रहता है इंटेंसिटी सेंटर पे आपकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है और फिर इंटेंसिटी आपकी कम रहती है फिर ये एंगल है तो आपकी फ्रिंज विथ अलग अलग रहती है ठीक है ये आपके कुछ डिफ्रेंसिस हैं ये आपको याद रखने हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको वेवलेंथ दे दिया है सिक्स थ्री टू एट एंगस्ट्रॉम्स इज इंसिडेंट नॉर्मली सेंट्रल मैक्सिम मेजर फ्रॉम मिनिमम टू मिनिमम ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन नाइन मीटर्स कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे दी है नाइन mm. मीटर्स क्या बोल रहा है इस डिफ्रेक्शन पैटर्न में ध्यान से देखना इस डिफ्रेक्शन पैटर्न में जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ठीक है जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है आई नॉट हमारे क्या बोले? Minimum minimum. बात है आप डिग्रीज में नाप रहे हो तो आपसे क्या पूछा गया है एंगुलर ये थीटा पूछा गया है टू थीटा ऑफ वन डी करना है तो थीटा ऑफ वनडी की अगर बात करें तो लैमडा बाई बी होता है हमारे पास तो आंसर अगर आप देखें तो क्या आप कह सकते हैं टू थीटा वन डी पूछा है सर ऑप्शन देख के आपको पता लग जाना चाहिए तो ट्वाइस ऑफ लैमडा बाय बी आपसे पूछा है ट्वाइस ऑफ लैमडा इज सिक्स थ्री टू एट एंगस्ट्रॉम्स डिवाइडेड बाय आपका बी इज पॉइंट टू इंटू टेन रिस्ट पर माइनस थ्री आपका ये आ जाएगा क्लियर है क्या क्लियर है क्या? क्या कौन है नीलेश क्या चाहिए तेरे को अनुपम बेटा आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर आपको सारी छोटी छोटी चीजें ही ध्यान रखनी है भाई ठीक है आपको सारी छोटी छोटी चीजें ही ध्यान रखनी है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये वाला क्वेश्चन जरा देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ ले दोनों को मिक्स कर दिया है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन अ डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन एक आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखो ठीक है अगर आपका एक डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट है आपने ग्रीन लाइट को यहां पर डाला है किसको ग्रीन को एंड लैमडा आपका कितना है सिक्स नहीं फाइव थ्री जीरो थ्री ये है फॉल्स ऑन हमारे पास फॉल्स ऑन डबल स्लेट अ सेपरेशन हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू 19.44 माइक्रोमीटर दे रखी है एंड अर्थ ऑफ इनकी जो विर्थ है बी कह दू दोनों स्लिट की जो आपकी विर्थ है दैट इज 4.05 पॉइंट जीरो फाइव माइक्रोमीटर द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिफ्रेक्शन मिनिमा इज अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो सोच पाएगा लिटरली बता रहा हूं बहुत अच्छा सोच पाएगा भाई देखो दो स्लिट है तो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और इन्होंने फ्रिंज आपका स्लिट विर्थ आपको दे रखा है तो आपको कहीं ना कहीं में क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया डिफ्रेक्शन भी आप कंसिडर करिए अब जरा यह बात करते हैं पहले मैं डिफ्रेक्शन की बात करता हूं सारे बच्चे दिल बनाना इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख के जाना ठीक है अगर मैं यहां पर बात करूं क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर यहीं पर आपके लिए डिफ्रैक्शन हो रहा होता यहीं पर अगर आपके लिए एक सिंगल स्लिट का अगर मैं बात कर रहा होता विथ स्लिट विथ बी तो हमारे लिए यहां पर थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो लैमडा बाय बी पर आपको फर्स्ट डार्क दिखाई देता और ये थीटा बाय बी पर आपको सेकंड डार्क दिखाई देता हा या ना सारे बच्चे दिल बनाना अगर आप मेरे से इस बात पर सहमत है अगर आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न मैं बात करता तो यही एंगल होते हैं हा या ना तो फर्स्ट डार्क इन डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट में अगर जो फर्स्ट डार्क होता तो यहां पर कोई एक वाई वन आता बेटा और एक आपका वाई टू आता इन दोनों पोजिशन के बीच में बहुत सही पहली बात तो मैं अगर ये वाई वन देखो ये आपके लिए कैपिटल डी है ध्यान से देखना ये आपके लिए कैपिटल डी है तो मैं थीटा इज इक्वल टू वाई वन की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ये वाला फॉर्मुला लगा के आर्क लेंथ बाय रेडियस दैट इज इक्वल टू थीटा अगर आप ये चीज देखें तो मैं ये वाई वन निकाल सकता था वाई वन इज इक्वल टू थीटा लैमडा ये हमारे पास हमें यही चाहिए ना आर्क लेंथ तो राइट वाई वन इज इक्वल टू लैमडा बाय बी इंटू रेडियस डी आप करते और वाई टू आता टू लैमडा बाय बी इंटू डी आप ये करते हाँ या ना सर क्वेश्चन में पूछा क्या है

इस रीजन से इस रीजन के बीच में कितनी होंगी समझे रीजन किससे सेट करवाया दिफ्... ये आपके इस वाले से और क्वेश्चन आपका वाईडीएससी का चिप दिया अब देखो वाईडीएससी में क्या होता ये क्या कह रहा है आपके वाईडीएससी में इस वाले वाई वन से ये वाला एक पोजीशन इन्होंने दे दिया इस वाले वाई वन से विच इज लैमडा बाय बी डी और इस वाले वाई टू से बाई डी टू लैमडा बाई डी इन टू बी इसके अंदर कितनी कितनी ब्राइट कितनी डार्क होंगी फ्रिंजेस आप ये बता दीजिए क्वेश्चन जिन जिनको क्वेश्चन समझ आया ये बता दो किस -किस ने हाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जरा ये क्वेश्चन अब देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हैं फॉर्मुला बेस्ड है ठीक है इन अ डबल सिलिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट

इस रीजन में कितने ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे यह आपको बताने हैं अब इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना यह वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना होता है कभी भी वेन लिख लो भाई बाई कंसेप्टेन वी हैव टू रिपोर्ट वी हैव टू रिपोर्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इस टाइप के क्वेश्चंस में से कितनी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी कितनी डार्क फ्रिंजेस होंगी आप कंसेप्ट यूज करते हो जेड पैरामीटर का नाम मैं आपको पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं चलो जेड पैरामीटर क्या है हमने तो पहले नहीं पढ़ा अरे नाम हमने दे दिया तो या फिर कहीं बुक में लिखा हुआ है तो उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा जरिए समझो भाई देखो इस लिट में जो भी लाइट आपकी यहां और यहां आई वाई जाने पर इसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा पाथ डिफरेंस ध्यान से देखो सारे बच्चे पाथ डिफरेंस आता हमारे पास डी ये वाला ठीक है डी वाई वन बाई कैपिटल डी अगर आप देखते ये आएगा ठीक है ये आपका आएगा डी बाई डी वाई वन की वैल्यू आप डालें लैमडा डी बाई बी ये डी से डी गया दिस इज डी बाय बी लैमडा इसमें यहां पर आपका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है पाथ डिफरेंस जो आपका यहां पर आ रहा है दैट इज डी बाय बी इंटू लैमडा अब डी बाय बी की वैल्यू सारे बच्चे मेरे को बता दो ठीक है डी कितना था डी 19.44 डिवाइड बाय 4.05 19.44 डिवाइड बाय 4. 19.44 डिवाइड बाय 4.05 लैमडा लैमडा क्यों नहीं डाल रहा हूं अभी आपको समझ आएगा जरा इसको अरे कहां गया वो हाँ जरा इसको अगर मैं कैलकुलेट आउट करूं ठीक है 19.44 पॉइंट फोर फोर डिवाइड बाई फोर पॉइंट जीरो फाइव फोर पॉइंट एट और ये तो उसका दो गुना है तो फोर पॉइंट एट इंटू टू नाइन पॉइंट सिक्स यहां का पाथ डिफरेंस अगर आप निकालेंगे नाइन पॉइंट सिक्स अब देखो ये होती है ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, ये होती है ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन अब जिनका कंसेप्ट अच्छा होगा वो अच्छे से पकड़ पाएंगे भाई देखो सारे बच्चे मेरे को ये बताना हाँ सारे बच्चे मेरे को ये बताना जब पाथ डिफरेंस लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा फोर लैमडा फाइव लैमडा सिक्स लैमडा सेवन लैमडा ऐसे चल रहा होता है तो ब्राइट फ्रिंजेस होती थी हाँ या ना अरे फेज डिफरेंस की बात ही नहीं है पाथ डिफरेंस ही पकड़ लेंगे अभी सारे बच्चे मेरे को ये बताओ हाँ अरे वाह लव यू बेटा यार कई सारे बच्चे जवाब पकड़ रहे हैं वेरी गुड अभी रिपीट करूंगा जो एक बारी में पकड़ पा रहे वो पकड़ लें जिनके एक बारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है उनकी मैं मदद करता हूं भाई वो तो कंस्ट्रक्टिव होता था ना यहां से जरा समझना आपके क्वेश्चन में मैंने कहां तक पहुंचाया आपको मैंने कहा कि वो कह रहे हैं भाई इस लेंथ से इस लेंथ के बीच में कितनी ब्राइट है मैंने कहा यार यहां पर पार्ट डिफरेंस फोर पॉइंट है और यहां पर नाइन तो कहीं ना कहीं बीच में ही आपका फाइव लैमडा हुआ होगा सिक्स लैमडा हुआ होगा सेवन लैमडा हुआ होगा एट लैमडा हुआ होगा और नाइन लैमडा भी हुआ होगा हाँ या ना सारे बच्चे दिल बना दो खुशी की लहर फैला दो बेटा अगर आप ये समझ पाए कि इसी के बीच में फाइव लैमडा सिक्स लेमडा सेवन लैमडा एट लैमडा नाइन लैमडा भी तो हुआ होगा और अगर ऐसा हुआ है एक ब्राइट दो ब्राइट तीन ब्राइट चार ब्राइट पांच ब्राइट इस रीजन में आपको मिली होंगी इस रीजन में आपको पांच ब्राइट मिली होंगी या ना वेरी गुड दैट वॉज जेड पैरामीटर जो यहां पर आपके लिए आगे वाला लैमडा के टर्म्स में रखने का फायदा यह हुआ दिस इज कॉल्ड पैरामीटर बस नाम दे दिया जाता है Z नाम हटा दो हम बेसिक सॉल्व कर रहे हैं अब मैं आपको रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्वेश्चन जरा देखो ये था जिनके अंदर ये डाउट रहता ना सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या हो नहीं रहे होंगे होते हैं भाई साथ में ही होते हैं अब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ठीक है एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पे इसके बाद मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा ट्राई कर लेना फॉर्मुला बेस्ड है ठीक है हमारे पास इनका है कि भाई आपकी स्लिट विर्थ स्लिट वि है स्लिट के अंदर जो है दैट इज

आर्क और इस वाले पर अगर आप देखेंगे तो आपकी पाथ डिफरेंस भी कुछ आएगी वो इसके दो गुनी है क्योंकि ये लेंथ ही आपका दो गुना है तो मैंने यहां पे डी बाई बी जैसी निकाला वो आया फोर पॉइंट एट लैमडा मैन का यही तो चाहिए था फिर ये ट्वाइस हो गया 9.6 इधर से लेके इधर तक पाथ डिफरेंस कितना वेरी कर रहा है 4.8 से 9.6 तो मैंने सोचा यार जहां जहां पर लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा फोर लैमडा फाइव लैमडा होता है वहां ब्राइट फ्रिंज होती है तो इसी के बीच में फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा यही तो ब्राइट फ्रिंज आएगी हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो लिया क्लियर बोलो भाई इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन है ठीक है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर यस ये आप अब निकालिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे हैं तो यहां पर आपका ये, आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है आइयो हालत खराब होता जे हाँ क्लियर हम्म क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है मन लगा के पढ़ाई करिए अब आपके पास 20 दिन बच गए हैं भाई बस 20 दिन ठीक है हाँ अरे गाना वाना 20 दिन के बाद कर लेना भाई अभी पढ़ाई कर लियो ठीक है पढ़ाई कर लियो तुम्हारे हार, तुम तुम्हारे चक्कर में हमारी दिन रात खराब हो रही है हट हाँ गाना सुना दे इंजॉयमेंट चाहिए इनको ठीक है हाँ भाई रैंक लेके आइए मिलिए जब हम लोगों का रैंक सेलिब्रेशन होगा उसमें मिलिए ठीक है तब गाना गया नाचेंगे भी साथ में ढिक हो रही थे अरे लक्ष्य वाले स्टूडेंट से <laughs> ठीक है हा ओके तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट अब तो नहीं मिलेंगे भाई बहुत तंग करते हो तुम मेरे को हैं हाँ लेकिन फिर भी डायलॉग हमें रटा हुआ है वही मारेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेल टाटा बाय बाय टेक के पढ़ते रहिए मचाते रहिए